कोल्हापुर नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, इस सभागार में उपस्थित सभी माताओं बहनों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप यहाँ उपस्थित हैं, मुझे आपसे संवाद करने का, बात करने का मौका मिलता है। सबसे पहले मैं सहज सेवा ट्रस्ट का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, विशेष रूप से श्री सन्मति मिर्जे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सारा आयोजन किया, आपसे बात करने का मुझे मौका दिया। इसके अलावा पतंजलि योग समिति का, भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस पूरे कार्य में तन मन धन से सहयोग किया है। मैं कोल्हापुर में पहले भी आ चुका हूँ, आप सब लोग मुझे जानते हैं, लेकिन आज मैं एक नई भूमिका में आपके सामने हूँ। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान नाम का एक ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी उसके महामंत्री हैं, और मुझे स्वामी जी ने इस ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी हुई है। उस हैसियत से मैं आज आपसे भारत स्वाभिमान के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये भारत स्वाभिमान अभियान क्या है, ये ट्रस्ट की स्थापना क्यों हुई है, इसका क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, क्या हम करना चाहते हैं इस देश में जिसके लिए हमने ये बनाया, ये सब विषय मेरे इस व्याख्यान में आएंगे। आपसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से मराठी भाषा में नहीं बात कर सकता, इसलिए हिंदी में बात करता हूँ। सरल हिंदी बोलूँगा, आपको समझ में आएगी। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ। आप ये पूछेंगे कि आज़ादी और स्वतंत्रता में क्या अंतर है। भारत को आज़ादी मिली अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की सरकार यहाँ से समाप्त हो गई और भारत में आज़ादी के बाद भारत की सरकार बन गई, लेकिन स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में। स्वतंत्रता का अर्थ है अपना तंत्र हम नहीं बना पाए। हिंदी का शब्द है स्वतंत्र, वो मराठी में भी है, संस्कृत में भी है। स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। हम अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए आज़ादी के 62-63 साल के बाद भी, अपना तंत्र नहीं बना पाए, अपना सिस्टम नहीं बना पाए। तो आप बोलेंगे फिर क्या है। वास्तविकता ये है कि आज़ादी के 63 साल अभी हो रहे हैं, हमारा तंत्र वही चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों ने जिसको चलाया था। उसमें कहीं कोई बदल नहीं हुआ, कहीं कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हम मानते हैं कि भारत आज़ाद तो हो गया, स्वतंत्र नहीं हुआ। जब हम अपना तंत्र बना लेंगे, अपनी व्यवस्थाएं बना लेंगे, तब ये देश स्वतंत्र होगा, ऐसा हमारा मानना है। और जब तक स्वतंत्रता नहीं होती, तब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं होती। स्वराज्य की नींव स्वतंत्रता के आधार पर खड़ी होती है। तो भारत में स्वराज्य की स्थापना करनी है तो उसके पहले स्वतंत्रता आनी चाहिए, और स्वतंत्रता आने के लिए अपना तंत्र बनना चाहिए, अपनी व्यवस्था बननी चाहिए। इसके प्रयास के लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया। आप बोलेंगे ऐसी क्या तकलीफें हैं इस देश में जो हम अपना तंत्र नहीं बना पाए। मैं कुछ उदाहरण से मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ। ये देश जो आज़ाद हुआ है, बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ है, बहुत कीमत चुकानी पड़ी है हमें। दुनिया में अलग अलग समय पर बहुत सारे देश गुलाम हुए, भारत है, भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए। यूरोप ने कई देशों को गुलाम बनाया, और इन देशों की आज़ादी की लड़ाई भी पिछले 500 वर्षों में अलग अलग जगह हुई। जैसे अफ्रीका गुलाम हुआ इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, और 450 साल तक गुलाम रहा। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, जिम्बाब्वे है, वो गुलाम रहा यूरोप के देशों का, अल्जीरिया गुलाम हुआ फ्रांस का। तो अलग अलग समय पर बहुत सारे देश, 50 से ज़्यादा देश दुनिया में गुलाम हुए अलग अलग समय पर। हर देश में आज़ादी की लड़ाई हुई है, भारत में ही नहीं हुई है, अफ्रीका में भी आज़ादी की लड़ाई हुई है, अल्जीरिया में भी आज़ादी की लड़ाई हुई है, जिम्बाब्वे में भी आज़ादी की लड़ाई हुई है, रोडेशिया में आज़ादी की लड़ाई हुई है।
दुनिया के 50 देशों में पिछले 500 साल आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन सभी देशों की आज़ादी की लड़ाई में इतना बलिदान लोगों को नहीं देना पड़ा जो भारत में हुआ है। इसलिए मैं मानता हूँ कि भारत की आज़ादी बहुत कीमती है, क्योंकि इस देश की आज़ादी को लाने में बलिदान बहुत हुए हैं। आप पूछेंगे कितने बलिदान हुए हैं। भारत की आज़ादी के पिछले करीब करीब 150 वर्ष के इतिहास को बहुत लंबे समय से मैं जान रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी तक जो जानकारी मिली है, मैं बात को जो गंभीरता से कहना चाहता हूँ वो ये कि अभी तक जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार इस देश की आज़ादी को लाने में 7,32,780 शहीदों की कुर्बानी हुई है, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार। हो सकता है थोड़े दिन में कुछ और दस्तावेज मिल जाए तो पता चला और भी कई लोगों की शहादत हुई हो। हमें तो जो अभी तक जानकारी मिली है वो 7,32,780 शहीद कुर्बान हो गए इस देश की आज़ादी के लिए। उनमें से भगत सिंह एक हैं, ऊधम सिंह एक हैं, अशफाक उल्ला एक हैं, अजीम उल्ला एक हैं, नाना साहब पेशवा एक हैं, तात्या टोपे एक हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक हैं, नाना फडणवीस एक हैं, वासुदेव बलवंत फड़के एक हैं। अगर आप इन शहीदों के नामों की सूची बनाएंगे तो इन नामों में 7,32,780 नाम हैं। हमारा सबका ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के लिए शहीद होने वाले जो हमारे क्रांतिवीर हैं उनके सबके नाम भी हमें नहीं मालूम, भारत सरकार को भी नहीं मालूम है। बहुत दिन में भारत सरकार के साथ इस विषय पे बात करता रहा कि हमें हमारे शहीदों की एक सूची बनानी चाहिए, कम से कम पूरे भारत के लोगों को ये जानकारी देने के लिए, माहिती देने के लिए कि आज़ादी में कितने लोग शहीद हुए हैं। तो सरकार कहती है वो सूची पूरी नहीं है, अधूरी है। और अधूरी क्यों है? क्योंकि जो जो लोगों ने शहादत दी है उनके दस्तावेज पूरे अभी एकत्रित ही नहीं हो पाए हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग दस्तावेज मिलते हैं, फिर जानकारी अलग अलग मिलती है, तो पता चलता है कि इतने शहीद अब तक हमारी जानकारी में हैं जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हम भारत के बाहर के देशों की आज़ादी का इतिहास जब पढ़ते हैं तो जैसे अफ्रीका की आज़ादी का इतिहास मैंने पढ़ा तो पता चला कि कुछ हज़ार लोगों की कुर्बानी हुई और वो देश आज़ाद हो गया। जिम्बाब्वे का इतिहास पढ़ते हैं, रोडेशिया का इतिहास पढ़ते हैं, अल्जीरिया का इतिहास पढ़ते हैं, मिस्र का इतिहास पढ़ते हैं जिसको हम अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, इन सभी देशों की आज़ादी की लड़ाई में कुछ हज़ार लोगों की कुर्बानियां हुई हैं, लेकिन भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां की आज़ादी के लिए 7,32,780 लोगों की कुर्बानी हुई। और ये 7,32,780 वो शहीद हैं जिनको अंग्रेजों की सरकार ने फांसी के फंदे पे चढ़ाया या फांसी दे दी, जिनको सीधे जिनको फांसी दी गई। ये वो लोग हैं जिनको अंग्रेजों ने भारत की जेलों में फांसी दी और जिनको अंग्रेजों ने इंग्लैंड की जेल में फांसी दी। आप जानते हैं कुछ शहीदों को फांसी लंदन में हुई, इंग्लैंड में हुई, जैसे शहीद ऊधम सिंह, उनको लंदन में फांसी दी गई। मदनलाल धींगरा, उनको लंदन में फांसी हुई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर में फांसी हुई जो भारत का अंग था। तो कई शहीद ऐसे थे जिनको विदेशों में फांसी हुई, इंग्लैंड की जेलों में फांसी हुई, और कुछ शहीद ऐसे जिनको भारत की जेलों में फांसी हुई। दोनों मिलाकर 7,32,780 हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अंग्रेजों की पुलिस ने गोलियां चलाकर मार दिया, अंग्रेजों की पुलिस के आमने सामने में शहीदों की कुर्बानी हुई। हम तो उनको भी शहीद मानते हैं क्योंकि वो किसी शहीद से कम नहीं है। अंग्रेजों की सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए, अंग्रेजों की सरकार का कानून विरोध करते हुए जिन भारतवासियों पर गोलियां चलाई गईं और उसमें उनकी मृत्यु हुई, वो भी शहीद हैं इस देश में, वो कोई साधारण नागरिक नहीं है। और इसके अलावा अंग्रेजों की पुलिस का अत्याचार सहन करते हुए जो भारतवासियों की शहादत हुई, जैसे हमारे देश में कई शहीद ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों की पुलिस ने लाठियों से पीट पीट कर मार दिया,
उनमें से एक का नाम तो आप सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय। उनको तो सिर में इतनी लाठियां मारी गई थी कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय को अंग्रेज सरकार भारत का शहीद नहीं मानती, वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, ऐसा अंग्रेज सरकार कहती है। लेकिन हम तो ये बात नहीं कह सकते लाला लाजपत राय के बारे में, हमारे लिए तो लाला जी भी वैसे ही शहीद हैं जैसे शहीद आजम भगत सिंह। तो अंग्रेजों की पुलिस की लाठियां खाकर, अंग्रेजों की पुलिस की गोलियां खाकर जो भारत के क्रांतिवीर शहीद हुए हैं, और अंग्रेजों की सरकार ने जानबूझकर जिन भारतवासियों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है, उनकी संख्या जब जोड़ने की कोशिश हमने की तो वो करोड़ों में है। मैं एक उदाहरण से मेरी बात समझाता हूं। भारत में जो क्रांतिवीर ने सबसे पहले अंग्रेजों की सरकार को हटाने की और अंग्रेजी शासन व्यवस्था को खत्म करने की कसम खाई थी, वो नाना साहब पेशवा थे। आप जानते हैं कि मूलतः पुणे के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ से उनको हटा दिया गया, उनकी पूरी रियासत, उनका पूरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया। बाजीराव पेशवा का सारा रियासत, पूरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया। उनको यहाँ से उत्तर भारत में चले जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उत्तर भारत में कानपुर के पास एक छोटा सा नगर है बिठूर, वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया और बिठूर में बैठकर क्रांति की पूरी योजना बनाई नाना साहब पेशवा ने। तो उनके सहयोगी थे तात्या टोपे, उनकी सहयोगी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सहयोगी थी रानी झलकारी बाई। ये सब ने मिलकर आज़ादी का पहला स्वप्न देखा और इस देश का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा। इस स्वाधीनता संग्राम में लड़ने के बाद अंग्रेजों ने जो उनसे बदला लिया, उस बदले में उन्होंने क्या किया कि जो क्रांतिकारियों के शहर हुआ करते थे, जैसे नाना साहब पेशवा का शहर था बिठूर, ऐसे ही लखनऊ था दूसरे क्रांतिकारियों का शहर, बेगम हजरत महल और उनके सहयोगियों का। तो अंग्रेज सरकार क्या करती थी कि इन शहरों को चारों तरफ से बंद कर देती थी। अंग्रेजी में एक शब्द होता है कॉर्डन्ड ऑफ, माने सब तरफ से बंद कर दिया पूरा शहर। अब ना खाने की सामग्री उस शहर में जाएगी, ना शहर का कोई नागरिक वहां से बाहर आएगा। अभी जो कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है, वैसी अंग्रेजों के ज़माने में बहुत शहरों में हो जाया करती थी। चारों तरफ से शहर को सील कर दिया, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। उस शहर में ना दूध जा सकता है, ना सब्जियां जा सकती है, ना भाजी जा सकता है, ना खाने पीने का सामान जा सकता है। और वो स्थिति में लोग भूख से मर जाते थे। उनकी अगर संख्या हम जोड़ना शुरू करें तो ये संख्या 4.5 करोड़ है। अंग्रेजों की सरकार के कठोर नीतियों के चलते, दुर्नीतियों के चलते जो लोग भूख से मरे, अंग्रेजों की सरकार ने तोप के मुंह से जिनका शरीर बांधकर गोले से उड़ा दिया। आपको मालूम है बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे क्रांतिकारियों का शरीर तोप के मुंह से बांध दिया जाता था रस्सी से और उसमें गोला दागकर उड़ा दिया जाता था वो पूरे शरीर को। तो परखच्चे उड़ जाते थे, चिथड़े हो जाते थे शरीर के। तो जिन भारत के क्रांतिवीरों को, शहीदों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह से गोला बांधकर उड़ाया, जिनको भूखे मरने के लिए मजबूर कर दिया, जिनको गोलियों से मारा, जिनको लाठियों से मारा, जिनको तड़पा तड़पा कर अंग्रेजों ने मारा, नाखून खींच दिए, सब खाल उतार लिया, ऐसे लोगों की संख्या जब हम जोड़ते हैं तो वो 4.5 करोड़ है। माने 4.5 करोड़ लोग इस देश की आज़ादी के लिए परोक्ष रूप में शहीद हुए हैं और 7,32,780 शहीद प्रत्यक्ष रूप से शहीद हुए हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा आज़ादी का संग्राम नहीं हुआ है जो भारत में हुआ है। इसलिए मैंने आपको कहा आज़ादी बहुत कीमती है, जो भी मिली है हमें बहुत कीमत हमें चुकानी पड़ी है उसकी। आसानी से अंग्रेज इस देश को छोड़कर नहीं गए हैं, बहुत मुश्किल से हमने अपने देश को उनसे छुड़ाया। तो 4.5 करोड़ तो परोक्ष शहीद हैं, 7,32,780 प्रत्यक्ष शहीद हैं। दोनों मिलाकर इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है जो आज़ादी के लिए शहीद होने वाले लोगों की हो। अपना देश बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ है, बहुत जानें हमने गंवाई हैं, बहुत कीमत हमने चुकाई है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये भारत का वो इतिहास है जो हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, हर देश के नागरिक को पता होना चाहिए कि कितनी कीमती है ये आज़ादी। अब इससे भी बड़े महत्व की बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन शहीदों ने ये आज़ादी लाई हमारे लिए,
हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी है, कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरी उम्र के बहुत सारे युवाओं की बात कर सकता हूँ, हमने तो इस आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा लिया नहीं है। लेकिन हमारे से पूर्व की जो पीढ़ी है जिसने बहुत सारी तकलीफें सहन करके ये आज़ादी लाई है, उन शहीदों के, उन क्रांतिकारियों के कुछ सपने रहे और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया। सारे के सारे क्रांतिकारी जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, वो प्रत्यक्ष हुए या परोक्ष रूप से हुए, उन सबके सपने कुछ ना कुछ रहे हैं। ऐसे ही किसी ने अपनी जान नहीं दी है। पिछले कुछ वर्षों से मैं क्रांतिवीरों के जो सपने रहे आज़ादी के लिए, उनको इकट्ठा कर रहा हूँ, दस्तावेज मिल रहे हैं। भारत में बहुत सारे अभिलेखागार हैं जिनको हम सब आर्काइव्स कहते हैं, नेशनल आर्काइव्स, वहाँ पर दस्तावेज रखे हुए हैं जो शहीदों के बारे में, उनमें से पता चल रहा है कि किस शहीद ने किस सपने के लिए अपने को कुर्बान किया। शहीद आजम भगत सिंह का कोई सपना था, चंद्रशेखर आजाद का कोई सपना था, अशफाक उल्ला का कोई सपना था, ठाकुर रोशन सिंह का कोई सपना था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का कोई सपना था, अजीमुल्ला का कोई सपना था, बेगम हजरत महल का कोई सपना था, बहादुर शाह जफर का कोई सपना था। ये सारे क्रांतिवीर जो लड़े देश की आज़ादी के लिए, इनके कुछ न कुछ सपने रहे हैं। और उन सपनों को जब हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं तो अफसोस होता है बहुत ज़्यादा कि किसी भी शहीद का, किसी भी क्रांतिवीर का एक भी सपना आज़ादी के बाद पूरा नहीं हुआ। हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, तो सबसे पहला काम जो था इस देश की सरकार के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, वो ये था कि हमारे शहीदों के सपनों को हम पूरा करें जिन्होंने आज़ादी ला के हमको दी है। उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। हम हमारे शहीदों के जन्मदिन मनाते हैं, मृत्यु दिवस मनाते हैं। मृत्यु दिवस मनाते हैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तो खुशी अर्पित करते हैं। तो जिन शहीदों का जन्मदिन हम मनाते हैं, जिन शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका अगर एक भी सपना पूरा नहीं होता आज़ादी के बाद, तो उनको श्रद्धांजलि देना एक पाखंड से बड़ा कुछ नहीं। उनका जन्मदिन मनाना एक तरह का अट्टहास करने जैसा है, हंसी उड़ाने जैसा है, क्योंकि जिस आदर्श के लिए, जिस परिस्थिति को बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अगर वो आदर्श स्थापित नहीं होता, वो परिस्थिति नहीं बनती, तो उनका तो सारा बलिदान व्यर्थ है। मैं एक दो नाम लेके बताता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह को जब लाहौर जेल में फांसी हुई, उसके थोड़े दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा जिसको उन्होंने कहा कि ये मेरा घोषणा पत्र है और ये पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए। बात क्या थी, जब भगत सिंह को फांसी होने की घोषणा हो गई तो देश के अखबारों में एक चर्चा चल पड़ी। अंग्रेजी सरकार उस चर्चा में हिस्सेदार हो गई। अंग्रेजी सरकार कहती थी कि भगत सिंह आतंकवादी है, भारत के लोग कहते थे कि भगत सिंह क्रांतिकारी है। अब क्रांतिकारी और आतंकवादी की बहस शुरू हुई, तो अंग्रेजी अखबार जो उस समय छपा करते थे, आज भी उनमें से एक दो अखबार इस देश में चलते हैं, तो उन अंग्रेजी अखबारों में अंग्रेज सरकार के समर्थन में लिखा जाता था कि भगत सिंह और उनके जो सहयोगी हैं चंद्रशेखर, उनके जो सहयोगी रोशन सिंह, मन्मथनाथ गुप्त, ये सब आतंकवादी हैं। तो भगत सिंह को एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा और उनको ये बताना पड़ा कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हमने बहुत सोच समझ कर, जानबूझ कर ये क्रांतिकारी कदम उठाया है और हमारे कोई सपने हैं जिनके लिए हम अपने को बलिदान कर रहे हैं, हम ऐसे ही साधारण लोग नहीं है, आतंकवादी नहीं है। उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा कि हम क्या चाहते हैं, उन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं कि भारत से अंग्रेजों की सरकार चली जाए, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाए और उसके बाद भारत में जो व्यवस्था बने वो स्वदेशी व्यवस्था हो, पूर्ण रूप से स्वराज्य वाली व्यवस्था हो। तो उन्होंने जब घोषणा पत्र लिखा तो बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने कि अंग्रेजों के जाने के तत्काल बाद इस देश में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था चली जानी चाहिए, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून समाप्त हो जाने चाहिए, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए गए सब नियम बदल जाने चाहिए, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी चली जानी चाहिए,
अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। एक लंबा घोषणा पत्र है जिसमें 29 बातें उन्होंने लिखी, और उस घोषणा पत्र पर शहीद आजम भगत सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया। बाद में जब घोषणा पत्र जेल के बाहर आया तो उनके दूसरे सहयोगियों के हस्ताक्षर उस पर हुए। उस पर चंद्रशेखर आजाद के हस्ताक्षर हैं, उस पर ठाकुर रोशन सिंह के हस्ताक्षर हैं, उस पर रामप्रसाद बिस्मिल के हस्ताक्षर हैं। ऐसे उस जमाने के 7 बड़े क्रांतिकारियों के हस्ताक्षर से वो घोषणा पत्र जारी हुआ, सारे देश के अखबारों में वो छपा। तब भारत के लोगों को ये पता चला कि ये सारे क्रांतिकारी किसी सपने के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, शहादत को अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं। और वो सपना क्या है? अंग्रेज चले जाएं, ये बड़ी बात नहीं है। भगत सिंह ने तो 1928 में ये बात कही थी, आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। सन 1928 में एक अखबार का संपादक भगत सिंह जी को मिलने गया लाहौर के सेंट्रल जेल में, तो उन्होंने कहा कि आज़ादी तो आने ही वाली है। वो संपादक हैरान हो गया, आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा मुझे मालूम है आज़ादी आने वाली है। तो संपादक ने पूछ लिया कितने दिन में, तो उन्होंने कहा 15-16 साल में आज़ादी तो आ ही जाएगी, अंग्रेजों को तो जाना ही पड़ेगा, वो तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, और हम तो उनसे किसी भी तरह से आज़ादी ले लेंगे, लड़कर ले लेंगे, भिड़कर ले लेंगे, जैसे भी चाहें हम तो आज़ादी ले ही लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आज़ादी आने के बाद अंग्रेज तो चले जाएंगे, अंग्रेजियत जाएगी क्या? ये सवाल उन्होंने किया था। तो संपादक को समझ में नहीं आया अंग्रेजियत का माने क्या। तो भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था, ये सब मिलाकर अंग्रेजियत ये चली जाए इस देश में से, तब हमारा स्वप्न पूरा होगा। और इस बात को कहने वाले उस जमाने के 7 बड़े क्रांतिकारी थे जिनके हस्ताक्षर से ये जारी हुआ। ये सारे क्रांतिकारी थे जो हिंसा को अपनी आज़ादी का रास्ता मानते थे, और वो बोलते थे कि अंग्रेजों से हिंसा करके ही हम आज़ादी ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी इस देश में हुए जो अहिंसा को आज़ादी का रास्ता मान के काम करते थे। उनमें महात्मा गांधी एक थे, फिरोज शाह मेहता एक थे, गोपाल कृष्ण गोखले एक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक थे। ऐसे क्रांतिकारी जो अहिंसा को रास्ता मान के चलते थे, ऐसे क्रांतिकारी जो हिंसा को रास्ता मानकर चलते थे, दोनों के समय के अलग अलग समय के घोषणा पत्रों को मैंने पढ़ा है, वो एक ही हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। महात्मा गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया संपूर्ण स्वराज्य के लिए, और महात्मा गांधी के सहयोगियों ने उस पर हस्ताक्षर किए। लाहौर में वो जारी हुआ 1930 में, तो उस घोषणा पत्र में भी यही लिखा हुआ है कि हमको संपूर्ण आज़ादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उसको स्पष्ट किया गया है वो ये कि अंग्रेज तो चले ही जाएंगे, उनके जाने का हमें कोई मन में संशय नहीं है, अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी जो व्यवस्था है वो इस देश में नहीं रहनी चाहिए। गांधी जी भी वही बात कहते हैं, अंग्रेजियत जानी चाहिए, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों की भाषा। गांधी जी तो इतने ज़्यादा उग्र थे, वो कहते थे कि एक दिन के लिए मुझे भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद राज्य चलाने का मौका मिले, सिर्फ एक दिन के लिए, तो सबसे पहले मैं दो ही काम करूँगा, एक तो अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून जला दूंगा, और अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी, इसको एक दिन में पूरे देश में से ख़त्म कर दूंगा। अब हम ध्यान से देखें तो मैं ये मानता हूँ वो ये कि भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, रामप्रसाद बिस्मिल हों, ठाकुर रोशन सिंह हों, अशफाक उल्ला हों, ये क्रांतिकारी हिंसा को रास्ता मान के काम करने वाले, महात्मा गांधी हों, मदन मोहन मालवीय हों, या सरदार पटेल हों, या उनके सहयोगी हों फिरोज शाह मेहता वगैरह, ये अहिंसा को रास्ता मानकर चलने वाले। दोनों ही क्रांतिकारी कैंची की तरह से काम करते थे, कैंची होती है ना सीजर जिसको हम कहते हैं, उसमें एक फलक मान लो हिंसा वाला, दूसरा अहिंसा वाला, काम दोनों मिलके अंग्रेजों की जड़ काटने का ही कर रहे थे। रास्ते अलग अलग थे, मान्यताएं अलग अलग थी, उद्देश्य दोनों का एक ही था। तो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब हिंसा को आधार बनाकर क्रांति करने वाले, अहिंसा को आधार बनाकर क्रांति करने वाले, सबके सपने एक ही थे, तो आजादी मिलने के तत्काल बाद भारत सरकार को यह करना चाहिए था
कि क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में काम होना, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में कोई काम नहीं हुआ। मुझे तो इतना अफसोस है इस देश के बारे में, आज़ादी मिलने के बाद का देश हमारा कैसा है। हमारे देश में जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, ऐसे लोग इस देश की सरकार की सूची में कहीं नहीं है। और जिन लोगों ने देश से गद्दारी की, अंग्रेजों से वफादारी की, अंग्रेजों से दोस्ती की, अंग्रेजों का सहयोग किया, वो इस देश की शासन व्यवस्था में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए। मैं आपको बहुत अफसोस की बात कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल का दर्द है। एक दिन मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा था, एक व्याख्यान देने के लिए गया था। कानपुर आप जानते हैं कि एक ज़माने में क्रांतिकारियों का घर था। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब कानपुर में इकट्ठे होकर आज़ादी की योजनाएं बनाया करते थे। बहुत ऐतिहासिक शहर है। तो वहाँ एक बार मैं व्याख्यान देने के लिए रेलवे स्टेशन पर उतरा, तो रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो वहाँ चाय की कुछ दुकानें हैं, आप कभी जाएंगे तो आपको भी दिखाई देंगी। तो एक चाय की दुकान के सामने से मैं गुजर रहा था, मेरा अचानक से मोबाइल फ़ोन बज गया। मैंने रुक के उस मोबाइल फ़ोन को सुनना शुरू किया, तो एक कान से मैं मोबाइल फ़ोन सुन रहा था, दूसरे कान से एक चाय की दुकान पर एक माँ और एक उसकी बेटी आपस में बातें कर रहे थे। दोनों बातें मुझे सुनाई दे रही थी, फ़ोन भी सुनाई दे रहा था, उनकी बातें सुनाई दे रही थी। तो माँ और बेटी आपस में बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया और मैंने ध्यान से उनकी बात सुनी, तो उनकी बात का एक ही विषय था। बेटी अपनी माँ से पूछ रही थी, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो उसकी माँ समझा रही थी कि हम गरीब इसलिए हैं कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया। तो मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया, मैंने उनकी बातों में हस्तक्षेप किया और मैंने कहा कि भगवान ने आपको गरीब नहीं बनाया, हमारे देश की शासन व्यवस्था ने आपको गरीब बनाया, सरकार ने गरीब बनाया। अगर भगवान ने आपको गरीब बनाना होता तो भारत में आपको जन्म क्यों देता? पाकिस्तान में पैदा कर देता, बांग्लादेश में पैदा कर देता, अफ्रीका में पैदा कर देता, इंडोनेशिया मलेशिया में पैदा कर देता। आपको भारत में जन्म क्यों दिया उस भगवान ने, जो स्वर्ण भूमि है, जो पुण्य भूमि है, जो शहीदों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, जो हजारों साल तक सारी दुनिया का केंद्र रही है, ऐसे देश में आपको जन्म मिला है तो ये तो आप भूल जाइए कि भगवान ने आपको गरीब बनाया। इस देश की सरकार की नीतियां हैं जिन्होंने आपको गरीब बनाया। तो ऐसी बात जब मेरी उनकी शुरू हुई तो मैंने उनका परिचय पूछ लिया, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये चाय की दुकान कब से चलाते हैं, वगैरह वगैरह। जब उन्होंने परिचय दिया तो मेरे पैर के नीचे की जमीन हट गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बहुत नीचे गिर गया हूँ। वो माँ ने, उस बेटी ने परिचय दिया कि हम तात्या टोपे के वंशज हैं और हमारी गरीबी ने हमको चाय बेचने के लिए मजबूर किया है। उस दिन मैंने अपने आप से ये पूछना शुरू किया कि तात्या टोपे के वंशज अगर इस देश में चाय बेच रहे हैं, कौन सी आजादी की बात हम कर रहे हैं? और उससे ज़्यादा क्रोध मेरे मन में इस बात का है कि तात्या टोपे, जिन्होंने पूरी जवानी इस देश के लिए अपनी लगाई, आप जानते हैं सबसे देर में पकड़े गए तात्या टोपे, 1857 का जो क्रांति का संग्राम हुआ, नाना साहब पेशवा के कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया, नाना साहब पेशवा को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, झलकारी बाई को, सारे उनके सहयोगियों को शहादत हो गई, सबसे अंत में तात्या टोपे पकड़े गए थे। इतने कुशलता के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था और उनके परिवार के लोग चाय बेचे हैं इस देश में अपना जीवन चलाने के लिए। और इसी देश में ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, आप जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार के साथ सहयोग किया था देश को गुलाम बनाने में, जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार को सहयोग दिया था इस देश के क्रांतिकारियों को मरवाने में, वो लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनकर राज करें, उनके परिवारों के लोग केंद्रीय मंत्री बनकर इस देश में राज करें। आप जानते हैं एक इस देश में सिंधिया परिवार है जिसने अंग्रेजों की कितनी मदद की है, अंग्रेजों से कितनी वफादारी उन्होंने निभाई है। 1857 की लड़ाई में एक तरफ क्रांतिकारी लड़ रहे थे, दूसरी तरफ सिंधिया परिवार की फौज अंग्रेजों के साथ क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ रही थी। उस सिंधिया परिवार के बड़े बड़े लोग देश में मुख्यमंत्री बने,
प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री बने और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचे इस देश में। सिंधिया परिवार की तरह इस देश में एक और परिवार है, पटियाला राजघराना जिसको कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी फौज पूरी सेना अंग्रेजों को दान में दे दी। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को दी थी उस 1857 की क्रांति के खिलाफ काम करने के लिए। उस पटियाला परिवार के लोग मुख्यमंत्री बने पंजाब के और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचे इस देश में आजादी के 63 साल के बाद। अगर यही है तो कैसे कहें देश आजाद हो गया। 15 अगस्त मनाना, तिरंगा झंडा फहराना, जनगणमन गाना, ये आजादी का नाम नहीं है। आजादी इससे गहरी कोई चीज है। होना तो ये चाहिए था इस देश में आजादी के बाद कि जिन्होंने अंग्रेजों से वफादारी की, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती निभाई, जिन्होंने अंग्रेजी सरकारों को मदद की, उन सबको इस देश में आजादी के बाद या तो फांसी होनी चाहिए थी या गोली से उड़ा देना चाहिए था या बम लगाकर तोप से उनका शरीर खत्म कर देना चाहिए था। वो लोग सत्ता व्यवस्था में बैठे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। उस समय अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन करते थे, अब काले अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन कर रहे हैं, लेकिन हमको तो मुंह चिढ़ा ही रहे हैं। और जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ अपना दे दिया, तन मन धन परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके सहयोगी उनके परिवारी जन चाय बेच रहे हैं, कहीं कोई छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अधूरापन है इस देश की आज़ादी में। और ये अधूरापन पूरा करना ही होगा, आज नहीं तो कल शहीदों के सपनों को सम्मान देना ही होगा, आज नहीं तो कल शहीदों के परिवारी जनों को सम्मान देना होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो शहीदों की शहादत बेकार जाएगी, उसकी सार्थकता खत्म हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी कैसे अपने आप को कुर्बान करेगी देश के लिए? अगर ये कहानी मैं देश के बच्चों को सुनाऊं कि तात्या टोपे ने देश की आजादी के लिए अपना तन मन धन वतन सब कुछ वार कर दिया और आज उनके परिवार के लोगों को चाय बेचकर जिंदगी बितानी पड़ रही है, तो नौजवान पीढ़ी के मन में क्या दृश्य बनेगा? कौन सा उनके दिमाग में सपना पैदा होगा? किस ताकत से वो ये कह पाएंगे कि हमारे शहीदों ने जो किया वो ठीक किया? इसलिए मैं मानता हूं कि आजादी आ तो गई है, लेकिन आजादी के बाद की व्यवस्था वैसी नहीं है जो आजादी के लिए सपना देखने वाले शहीदों ने सोची थी। इससे भी ज्यादा खराब बातें हैं मुझे जो आपको कहनी नहीं चाहिए कि इस देश में एक नहीं ऐसे सैकड़ों शहीदों के परिवार हैं जिनके लिए खाने को पैसे नहीं। थोड़े दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोगों को, शहीद आजम भगत सिंह का एक बहुत बड़ा संदूक था जो उनके दस्तावेजों से भरा हुआ था, वो सहारनपुर से लेकर और उनके अपने जलंधर जिले में लेके जाना था, उस ट्रंक को भेजने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। इतनी गरीबी में भगत सिंह के परिवारी जन लोग रह रहे इस देश में। ठाकुर रोशन सिंह के परिवार के लोग, चंद्रशेखर आजाद के परिवार के लोग अभी भी मध्य प्रदेश में बड़ी जलालत और गरीबी की जिंदगी जी रहे। एक भी शहीदों के परिवार में से ऐसा नहीं मिला मुझे, मैंने तो पिछले 10-12 वर्षों में कुछ 50 से ज्यादा शहीदों के परिवारों में जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की है, एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि हाँ आजादी के बाद हम कोई सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, कोई सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। और ये तो वो 50 परिवार हैं जिनको मैंने खोज लिया इस देश में से, पता नहीं ऐसे कितने हजार परिवार, कितने लाख परिवार। इसलिए हम मानते हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से कि ये आजादी अधूरी है और ये आजादी पूरी तब होगी जब शहीदों के सपनों का सम्मान होगा, शहीदों के परिवारियों का सम्मान होगा, उनको इस देश में वो स्थान मिलेगा जो इस देश में आज सत्ता चलाने वालों को मिला हुआ है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने जीवन में से कुछ नहीं गंवाया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी कोई भाग नहीं लिया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने खून की एक बूंद भी कभी दान नहीं की, उन लोगों के हाथ में पूरे देश की शासन व्यवस्था हो और जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ गंवाया, वो तिल तिल भूखे मरे, चाय बेचनी पड़े, पकौड़ियां बेचनी पड़े उनको, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है, बहुत अफसोस है। इस व्यवस्था को ठीक करना है, इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए भारत स्वाभिमान का जन्म हुआ है, वरना इस अभियान की कोई जरूरत नहीं थी।
63 साल हमने देखा कि कोई सरकार ये काम नहीं कर रही है। 63 साल में इस देश में बीसियों सरकार आई और चली गई, अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई और चली गई, किसी को ध्यान में नहीं आया कि तांतिया टोपे के परिवार के लोग चाय बेचें। किसी का दिल नहीं धड़का, किसी के पेट का पानी नहीं हिला इस देश। सालों साल से वो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते। इसका मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था में संवेदनहीनता आ गई है, पूरी तरह से संवेदन शून्य हो गया है। चोर उचक्के लुच्चे लफंगे बदमाश लंपट किस्म के लोग शासन व्यवस्था में आए, जिन्होंने अपराध किए हैं वो इस देश के मंत्री बन जाएं, जिनको जेलों में होना चाहिए वो संसद में जाकर बैठ जाएं, जिनको जेलों में होना चाहिए वो विधानसभाओं में जाकर बैठें, जिन्होंने जिंदगी भर कानून तोड़ने का काम किया है वो कानून बनाएं इस देश में। ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। इस आजादी की व्यवस्था को तो बदलना ही चाहिए, और इसी बदलाव के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू हुआ। मैं और एक बहुत गहरी बात आपसे कहना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया लाला लाजपत राय का, जिनकी मृत्यु हुई थी अंग्रेजी पुलिस के सिर पर लाठियां और डंडे खाने से। आपको मालूम है एक जमाना था जब अंग्रेजों की सरकार चला करती थी तो उन्होंने एक कानून बनाया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। थोड़ा भी इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपको ये कानून का नाम याद आ जाएगा, रॉलेट एक्ट। ये कानून को अंग्रेज लागू करना चाहते थे इस देश में। कानून क्या था, किसी भी भारतवासी को कोई भी अंग्रेज पुलिस का अधिकारी घर में जाए, गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, उसके ऊपर मुकदमा ना चलाए, फिर भी वो व्यक्ति सालों साल जेल में बंद रहे, ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट। किसी भी भारतवासी को कोई अंग्रेजों का पुलिस का अधिकारी रात के 2 बजे, रात के 3 बजे सोते से उठाकर लाए, थाने में बंद कर दे और उसको ये ना बताए कि तुम्हारा अपराध क्या है, और उसको ये ना बताए कि तुमको किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, फिर भी उस व्यक्ति को बंद रहना पड़े महीनों महीनों सालों सालों, ये कानून था रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों की सरकार इस कानून को लागू करना चाहती थी। भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे वो इस कानून का विरोध कर रहे थे, तो इस कानून का विरोध करने के लिए लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, जैसे हम आजकल निकालते हैं सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए। उस रैली का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, और शांतिपूर्ण रैली थी। उस रैली के ऊपर एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठियां चलाई थी, और इतनी लाठियां चलाई थी कि लाला जी की रैली से हॉस्पिटल ले जाते हुए मृत्यु हुई थी। लाला जी के सिर में लाठियां मारी गई थी, 14 लाठियां मारी गई थी। आपको मालूम है कि लाठी मारने का भी एक नियम है पुलिस का, और वो नियम ये है कि कमर से नीचे के भाग में ही लाठी मारी जा सकती है, उससे ऊपर लाठी मारी नहीं जा सकती। नियम है ये, पुलिस का नियम है। लेकिन अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स ने उस नियम का उल्लंघन किया, लाला जी के सिर में लाठियां मारी, खून निकला, हॉस्पिटल ले गए, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भारत के क्रांतिवीर भगत सिंह ने अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स के खिलाफ एक मुकदमा दायर करने का प्रयास किया, और मुकदमे का आधार यही था, कानून ये कहता है कि लाठियां कमर के नीचे मारी जानी चाहिए थी, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह का कहना था कि सिर पे मारी गई, उससे उनकी मृत्यु हुई। तो भगत सिंह का ये कहना था कि सैंडर्स को सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए पहले उन्होंने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन आसानी से FIR दर्ज नहीं हुई। तो फिर ये सब क्रांतिकारियों ने मिलकर मुकदमा करने के लिए ऊपर के अधिकारियों से बात की, तो ऊपर के अधिकारियों से जब वार्तालाप हुआ इनका, मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ वार्तालाप हुआ, तो इनको पता चला कि अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है, उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये कानून बनाया था 1860 में, और लाला जी को लाठी मारने की घटना हुई 1927 में। तो 1860 से भारत में कानून लागू था, इंडियन पुलिस एक्ट। उस कानून में हर अंग्रेज अधिकारी को राइट टू ऑफेंस और किसी भी भारतीय व्यक्ति को राइट टू डिफेंस नहीं। इसका मतलब क्या, कोई भी अंग्रेज अधिकारी चाहे तो लाठियों से किसी भी भारतवासी को पीट सकता है, कोई भी भारतवासी अपनी जान बचाने के लिए लाठी को पकड़ नहीं सकता। कानून ये थे, राइट टू ऑफेंस माने अंग्रेज अधिकारी चाहे तो लाठियों से मार मार के आपको घायल कर दे, अधमरा कर दे, ये उसका अधिकार है, ये उसका कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन कोई भारतवासी
उस लाठियों की मार से बचने के लिए लाठी पकड़ ले तो ये कानून के विरुद्ध है और मुकदमा जो चलेगा वो भारतवासी पर चलेगा क्योंकि उसने पुलिस को ड्यूटी करने से रोका और पुलिस की ड्यूटी है कि वो लाठियों से आपको पीटे, ये उसका कर्तव्य है, तो आपने उसको रोक दिया इसलिए मुकदमा आपके खिलाफ चलेगा। तो जब ये मामला आया और इंडियन पुलिस एक्ट की व्याख्या हुई तो शहीद आजम भगत सिंह को उत्तर मिला अंग्रेज सरकार की तरफ से कि सैंडर्स के खिलाफ कोई केस नहीं बनता क्योंकि सैंडर्स का कर्तव्य था, अधिकार था, उसने लाला जी को मारा। अब मृत्यु हो गई तो हम अफसोस व्यक्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लिहाजा सैंडर्स के ऊपर मुकदमा नहीं चला, न्याय इनको नहीं मिला। तब भगत सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो हम कानून को अपने हाथ में लेंगे। और उस दिन भगत सिंह ने पिस्तौल उठाई और कसम खाई कि सैंडर्स को मैं मारूंगा और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई और उस योजना में उनके सहयोगी शामिल हुए, चंद्रशेखर आजाद उनके साथ शामिल हुए, उनके दूसरे सहयोगी शामिल हुए और एक दिन उस योजना को उन्होंने पूरा किया। सैंडर्स को उन्होंने गोली मारी, भगत सिंह ने गोली मारी, एक गोली में सैंडर्स मर गया था, दो और मारी। जब भगत सिंह को किसी ने पूछा कि वो तो एक ही गोली में मर गया था, दो और आपने क्यों मारी, तो भगत सिंह को गुस्सा इतना था उन्होंने कहा रिवॉल्वर में तीन ही गोलियां थी, अगर तीन और होती तो मैं छह मारता उसको। क्यों? गुस्सा था उसके खिलाफ। और गुस्सा किस बात का था? सैंडर्स को इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर राइट टू ऑफेंस मिला हुआ था और किसी भी भारतीय व्यक्ति को राइट टू डिफेंस नहीं था। अब इस अपराध की सजा क्या हुई? भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उनको फांसी की सजा हुई। आपको मालूम है उनको फांसी की सजा इसी अपराध में हुई थी। उन्होंने एक बार भारत की संसद में, जिसको उस जमाने में असेंबली कहा जाता था, भी फेंका था, लेकिन उस बम से कोई घायल नहीं हुआ था, कोई मरा नहीं था, उस बम में ऐसा कोई गोला बारूद नहीं था, इसलिए हानि किसी की नहीं हुई थी। उसमें तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कुछ साल की सजा देने का ऐलान था, लेकिन चूंकि सैंडर्स को उन्होंने गोली से मारा उस अपराध में उनको फांसी हुई थी। तो भगत सिंह जी को फांसी के पहले पूछा गया बार बार कि आपको क्या कहना है, क्या कहना है, तो वो एक ही बात बार बार कहते थे। जो भी कोई मिलने गया उनसे, विजिटर बुक में लिखा है लाहौर की जेल में जो जो लोग भगत सिंह जी को मिलने गए, छोटे से लेकर बड़े तक, भगत सिंह सबको एक बात कहते थे कि मैं तो शहीद हो जाऊंगा, मुझे तो फांसी हो जाएगी, लेकिन आप सब भारतवासी मिलकर ये अंग्रेजों का कानून जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, इसको सबसे पहले ख़त्म कराना, जिस दिन अंग्रेज भारत से जाएं उस दिन इंडियन पुलिस एक्ट को जला देना, ये आज़ाद भारत के लिए कानून नहीं होना चाहिए, ये उनके दिल का दर्द था। अब मैं आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि शहीद आजम भगत सिंह के दिल का जो दर्द था कि इंडियन पुलिस एक्ट 1860 वाला कानून बदल जाना चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद, लाला जी लाला लाजपत राय को जिस अंग्रेजी कानून के तहत लाठियां मारी गई, पुलिस ने उनको पीटा और उनकी मृत्यु हुई, वो कानून आज़ादी मिलने के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे अंग्रेजों के जमाने में चलता था। अभी भी पुलिस अधिकारियों को राइट टू ऑफेंस है और किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है। अभी भी पुलिस अंग्रेजों की तरह से ही व्यवहार करती है, जैसे अंग्रेजों की पुलिस भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती थी वैसे ही आजाद भारत की पुलिस भी भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती है, जैसे अंग्रेजों की पुलिस गोलियां चलाती थी वैसे ही भारत की पुलिस गोलियां चलाती है। पुलिस की गोलियों में लोग मारे जाते हैं, लाठी चार्ज में लोग घायल हो जाते हैं, कानून वही चल रहा है जो 1860 में बना था। बस अंतर इतना ही है कि पुलिस को लाठी चार्ज करने का आदेश देने वाले पहले गोरे अंग्रेज थे, अब पुलिस को लाठी चार्ज का आदेश देने वाले काले अंग्रेज हो गए हैं। व्यवस्था वही है, कानून वही है, नीतियां वही हैं, इसलिए हम भारत स्वाभिमान वाले ये मानते हैं आज़ादी है कहाँ। आज़ादी तो अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस को थी, आपको मारने की पीटने की, वो आज़ादी आज 63 साल के बाद भी पुलिस को है आपको मारने की और पीटने की। इस देश में कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो हम गवार नहीं कर पाते,
थोड़े दिन पहले मैंने टेलीविजन चैनल पर एक खबर देखी, शायद आपने भी देखी हो। दिल्ली में भारत देश के अंधे लोगों ने मिलकर एक प्रदर्शन किया था, थोड़े दिन पहले की घटना है। एक संगठन है हमारे देश में, उसका नाम है नेशनल ब्लाइंड्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय अंध लोगों का संगठन। उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपनी कुछ मांग भारत सरकार के सामने रखने के लिए प्रदर्शन किया था, और मांग बहुत साधारण सी थी कि अंधे लोग अकेले कहीं यात्रा नहीं कर सकते, उनके साथ किसी न किसी एक व्यक्ति को साथ में रहना पड़ता है। तो उनकी ये मांग थी कि उनके साथ जो भी व्यक्ति यात्रा करे उसको टिकट ना लेनी पड़े, क्योंकि वो व्यक्ति अपने लिए यात्रा नहीं कर रहा है, उस अंधे व्यक्ति को सहारा देने के लिए यात्रा कर रहा है। इतनी सी मांग उन्होंने रखी थी सरकार के सामने, और इसके लिए दिल्ली में एक स्थान है जंतर मंतर, वहां पर उन्होंने एक प्रदर्शन आयोजित किया था। मैंने उस दिन समाचार में देखा, मेरी आंखों से पुलिस ने उन अंधे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जो भाग नहीं सकते अपने को बचाने के लिए, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं देख रहा था पुलिस लाठियों से मार रही थी, और वो हाथों से एक दूसरे को टटोल टटोल कर उन लाठियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। 17 लोग उसमें घायल हुए थे, खून उनको निकल रहा था, लेकिन पुलिस पूरी बर्बरता से उनको पीट रही थी। उस दिन मैं अपने आप से पूछ रहा था, भारत आजाद है, हम स्वतंत्र हैं, हमारे देश में स्वराज्य आ गया है क्या? लाला लाजपत राय को जिस बेदर्दी से पुलिस पीटती थी, आज भी देश के लोगों को उसी बेदर्दी से पीटती। कानून अगर नहीं बदला, व्यवस्था अगर नहीं बदली, तो आजादी का कोई अर्थ नहीं। एक और उदाहरण देता हूं, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको पोलियो हुआ है और उनके पांव काम नहीं करते, वो बाइसिकल पर ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो ऐसे कुछ हजार लोगों ने एक बार दिल्ली में अपनी मांग के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए प्रदर्शन किया था, पुलिस ने उन पर भी लाठी चलाई थी, 24 लोग घायल हुए थे उसमें। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, राजस्थान में सरकार एक चला करती थी जो अब चली गई, अब भूतपूर्व हो गई वो सरकार। उस सरकार ने राजस्थान में एक नियम बना दिया, नीति बना दी, हर गांव में शराब की दुकान होनी ही चाहिए। ये नीति जिस सरकार ने बनाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वदेशी की बात, राष्ट्रवाद की बात, संस्कृति की बात, सभ्यता की बात करने वाले लोगों ने नीति बनाई राजस्थान में, हर गांव में शराब की दुकान होनी ही चाहिए। क्यों? मुख्यमंत्री का आदेश है, हर गांव में शराब बिकनी चाहिए। तो किसानों ने इसका विरोध किया था, और किसानों ने यह कहा कि हमको शराब नहीं चाहिए, पीने का पानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कटोकटी है, कमी। उन्होंने कहा हमारे खेत को पानी चाहिए, हमको पीने का पानी चाहिए, हमको शराब नहीं चाहिए। तो इसके लिए किसानों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन के ऊपर राजस्थान की मुख्यमंत्री का आदेश हुआ, पुलिस ने गोलियां चलाई, 21 किसान मारे गए उसमें। उनका अपराध क्या था? किसानों ने सिर्फ ये कहा था कि हमें शराब नहीं चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए। पुलिस ने उस दिन बर्बरता दिखाई अपनी। उस दिन भी मैंने अपने आप से पूछा, देश आजाद हो गया है क्या? हम स्वतंत्र हो गए हैं क्या? और एक घटना सुनाता हूं, ये तो बीजेपी की सरकार की बात कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहां एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है नंदीग्राम। उस नंदीग्राम के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए एक आंदोलन किया था, सरकार उनकी जबरदस्ती जमीन छीन रही थी, किसानों का कहना था ये जमीन हम नहीं बेचेंगे क्योंकि इस पर हम खेती करना चाहते हैं। सरकार ने जबरदस्ती करके जमीन छीनी, किसानों ने विरोध किया, पुलिस ने उन किसानों पर गोलियां चलाई और 20 किसान उसमें मार डाले उन्होंने। बंगाल की सरकार कम्युनिस्ट सरकार थी जिन्होंने ये आदेश दिया गोली चलाने का, और कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि हम सर्वहारा के लोग हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी की बात करते हैं, फिर भी गरीबों पे गोलियां चली और उनको मार डाला गया, जमीनें जबरदस्ती उनसे छीनी गई। उस दिन मैंने सोचा, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या कम्युनिस्ट पार्टी, क्या जनता दल, क्या कोई
सभी पार्टियों की सरकारें वैसे ही व्यवहार करती हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। आम आदमी को कुछ नहीं समझते, मार देते हैं गोलियों से, लाठियों से। कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें हैं इस समय देश में, और ऐसे कम से कम 12-13 राज्यों की कहानियां मैं सुना सकता हूं जहां कांग्रेस की सरकार के आदेश पर किसानों पर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, उसमें लोग मारे गए। तो आजाद आकर हम उनकी पोल खोलेंगे, उन नेताओं की जन्म कुंडली हमने बनाई है। हाँ, और उसमें यह पता चल रहा है कि 20 साल पहले जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए, आज उनके पास मुंबई से लेकर पुणे के बीच की हजारों हेक्टेयर जमीन कहां से आई है, हजारों हेक्टेयर जमीन कहां से आई है। वो बताएं इस देश को कि उनके बाप दादों ने क्या छोड़ा था और उन्होंने देश की सत्ता में आने के बाद क्या इस देश में से लूट कर अपनी व्यवस्था बनाई। हमारे पास कुछ नेताओं की जन्म कुंडलियां हैं जो दादर रेलवे स्टेशन पर 20 साल पहले भाजीपाला बेचते थे, आज उनके पास 20,000 करोड़ की संपत्ति है। हमारे पास एक नेता की जन्म कुंडली है जो नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था 20 साल पहले, आज उसके पास 25,000 करोड़ की संपत्ति है। हमारे पास कुछ नेताओं की जन्म कुंडलियां हैं जो दूध बेचा करते थे 20 साल पहले अपनी जीविका चलाने के लिए, आज उनके पास 30,000 करोड़, 35,000 करोड़ की संपत्तियां हैं। कहां से आ गया ये सब? तो वो जवाब देंगे, भगवान ने दे दिया, यही कहेंगे ना। तो हम कहेंगे ये भगवान को वापस अर्पित कर दो। भगवान ने दे दिया, भगवान को ही अर्पित कर दो, और फिर भगवान तय कर लेंगे कि इस धन का क्या करना है। इस देश में कई नेताओं को सीबीआई ने पकड़ा है, आपने सुना होगा उनका जवाब, बिस्तर के नीचे से 500-500 के नोटों की गड्डियां निकली हैं, ऐसे कई नेता इस देश में हैं। वो एक ही जवाब देते हैं, भगवान ने दे दिया। हमारा जवाब है कि भगवान को फिर दे दो आप, उन्होंने आपको दे दिया, आप उनको दे दो, देश का काम उसमें से हो जाएगा। इन देश के अधिकारियों के बारे में भी हमने काफ़ी काम किया है। एक अधिकारी उत्तर प्रदेश में आईएएस कैडर का है, थोड़े दिन पहले सीबीआई ने उसके घर में छापा मारा, उसके एक घर से 480 करोड़ की संपत्ति मिली। उस अधिकारी का नाम है अखंड प्रताप सिंह, और वो उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहा। मैंने उसके 40 साल की नौकरी की पूरी तनख्वाह पूरी पगार जोड़ी तो 84 लाख होनी चाहिए, उसकी 480 करोड़ की संपत्ति। और उस अधिकारी ने कहा ये तो उसका एक घर है, ऐसे उसके 9 घर और हैं अभी। ऐसे इस देश में हजारों अधिकारी, हजारों नेता हैं। जब हम ये काम में लगे तो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने पता है क्या आई, कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में किसका खाता है किसका नहीं, ये माहिती मिलना बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। तो उनको जब जब हमने संपर्क किया, उन्होंने हर बार हमको यही कहा कि आपको तो माहिती नहीं दे सकते, लेकिन आपकी सरकार कहेगी तो हम माहिती देने के लिए मजबूर हैं, आपको नहीं दे सकते, आपकी सरकार को दे सकते। तो हमने कहा ठीक है, जब हम सरकार कभी बनाएंगे तब आपसे माहिती ले लेंगे। अभी फिर माहिती लेने के लिए दूसरा रास्ता हमने पकड़ा, वो दूसरा रास्ता ये था कि हमने स्विट्जरलैंड की एम्बेसी को पत्र भेजा और ये कहा कि आपके देश में कितने भारतवासी हर साल आते हैं ये माहिती दे दीजिए। तो उनको शक नहीं हुआ, क्योंकि वो पत्र दूसरे पते से हमने लिखा, हमने कहा कि कितने लोग स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं ये माहिती दे दीजिए। फट से माहिती आई, 92,000 भारतवासी हर साल स्विट्जरलैंड की यात्रा करते। फिर हमने दूसरा पत्र भेजा कि हमको अब दूसरी माहिती ये दे दीजिए कि इसमें से कितने भारतवासी हैं जो हर महीने आते हैं आपके, हर महीने में एक बार आते हैं, दो बार आते हैं, तीन बार आते हैं, चार बार आते हैं, वो कितने हैं, और साल में एक बार आते हैं वो कितने हैं, और इसमें से ऐसी माहिती अलग अलग कर दीजिए कि हनीमून मनाने के लिए कितने भारतवासी स्विट्जरलैंड आते हैं वो अलग बताइए,
और बाकी काम के लिए जो आते हैं वो अलग बताए। तो उनकी दूसरी भी माहिती आ गई, उन्होंने कहा हनीमून बनाने के लिए हर साल 12,000 भारतवासी आते और ये दोबारा नहीं आते, एक ही बार आते। ये दोबारा क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा वो आप उनसे पूछो। तो कुछ हनीमून वालों को हमने पूछा आप दोबारा क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कुछ देखने लायक है ही नहीं उस देश में, उससे अच्छा तो अपना जम्मू कश्मीर है, उससे अच्छा उत्तराखंड है। एक ने तो मुझे बताया कि राजीव भाई क्या जाना उस देश में, 2 घंटे कार चलाओ तो देश खत्म हो जाता है, दूसरे देश में घुस जाते हैं, इतना छोटा सा देश है। फिर किसी ने कहा कि वो बर्फ देखने हम गए थे, उससे सुंदर बर्फ तो जम्मू कश्मीर में दिखती है। फिर एक ने मुझे कहा दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो जब तक हमने देखा नहीं था स्विट्जरलैंड तब तक लगता था बहुत सुंदर है, अब देख लिया तो लगता है बेकार है, क्या करना है, तो वो दोबारा नहीं जाते। लेकिन जो बार बार जाते हैं, हर बार जाते हैं, वो 80,000। इसका माने इन्हीं के खाते हैं स्विस बैंकों, उनमें से कई हफ्ते में एक बार जाते हैं, कुछ 15 दिन में जाते हैं, कुछ महीने में 2-3 बार जाते हैं, कुछ साल में 2-3 बार जाते हैं। इन 80,000 लोगों पे हमने कंसंट्रेट किया तो सबकी माहिती अब धीरे धीरे मिल रही है। इनमें से एक की माहिती मिली, पुणे में रहता है वो आदमी, उसका नाम है हसन अली, उसका 72,000 कोटी रुपए, एक ही आदमी 72,000 कोटी, 72,000 करोड़, एक ही व्यक्ति का। और ऐसे अगर 100 इकट्ठे हो जाएं तो 72,00,000 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। तो ये 80,000 जो खाते हैं स्विस बैंकों में, दूसरे बैंकों में, नेताओं के, अधिकारियों के, इनको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराना है कानून बना के, और ये पैसा वापस लाना है। ये 110,00,000 करोड़ रुपए वापस आएगा, ये हमारा संकल्प है। और इसको लाने के लिए संसद की मदद हम ले रहे हैं। संसद अगर नहीं करेगी तो हो सकता है एक दिन संसद में ये प्रस्ताव आए और सारे नेता, सारे पुढ़ारी एक स्वर से इसका विरोध करें और प्रस्ताव पास ना हो पाए, ये हमें मालूम है, अंदाजा है, ये हो सकता है। तो हमारा दूसरा संकल्प, और हमारा दूसरा संकल्प ये है कि अगर ये पुढ़ारियों ने होने नहीं दिया तो हम नई संसद बनाएंगे, नए पुढ़ारियों को चुनकर लेके जाएंगे पार्लियामेंट। और हमें भरोसा है कि सारे देश में से 545 ईमानदार लोग हमें मिलेंगे संसद में जाने के लिए, क्योंकि अभी भी इस देश में ईमानदारी समाप्त नहीं हुई है, वो जीवित है। ये ठीक है कि ईमानदारी दबी हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई। हो सकता है कि हम 545 को ढूंढने के लिए निकलें और हमको 5,000 मिल जाएं, 10,000 मिल जाएं, 15,000 मिल जाएं। तो हमारी तैयारी है कि ईमानदार लोगों को ढूंढ ढूंढ के संसद में भेजेंगे, विधानसभाओं में भेजेंगे, और लोगों को एक ही अपील करेंगे कि इनको इसलिए भेजना है कि 110,00,000 करोड़ वापस लाना है, इनको इसलिए भेजना है कि अंग्रेजों की सरकार से लड़ाई लड़के 300,00,000 करोड़ वापस लाना, तो लोग मदद करेंगे हमारी और लोग उनको चुनकर भेजेंगे, नई संसद बनेगी, नई विधानसभाएं बनेगी, नई लीडरशिप आएगी और वो इस काम को करके जाएगी। उसके अलावा भी हमने पास तीसरा एक रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बार एक मुकदमा हुआ था, आपको मैं पुरानी याद दिलाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यूरिया घोटाले का एक मुकदमा सुना था जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो यूरिया घोटाला हुआ था, 133 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ, यूरिया नहीं आया, आपको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उन्होंने फैसला दिया कि 133 कोटी रुपए देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो जिसके भी खाते में है वो भारत में वापस आना चाहिए। तो सीबीआई ये जजमेंट की कॉपी लेके स्विट्जरलैंड गई, खाता ट्रेस हुआ तो पता चला नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में वो पैसा जमा था। सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया और भारत की जेल में लाकर बंद किया और आज भी वो जेल में है। उसके पिता तो स्वर्गवासी हो गए, नरसिम्हा राव का बेटा जेल में है, और जो खाते में पैसा जमा था वो खाता जब्त हुआ, 133 कोटी रुपए वापस आया और हमारे सुप्रीम कोर्ट के खजाने में आ गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट में जो कहना चाहते हैं वो ये कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है
तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का आ सकता है, सब घोटालों का पैसा आ सकता है। घोटाला घोटाला सब एक, पैसा पैसा सब एक, वो भी आ सकता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो चुका है, आपको जानकारी मैं देने आया, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो गया है मुकदमा, केस फाइल हो गया है। 27 सितंबर उसकी तारीख है, उस दिन बहस होगी, आपको सूचना मिलेगी अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम। कोर्ट क्या कह रहा, कोर्ट ने नोटिस दे दिया सरकार को, कोर्ट का नोटिस सरकार को गया है कि आप जल्दी से बताइए किस किस के खाते हैं, किस किस का पैसा है। सरकार इस समय घबराई हुई है। घबराई क्यों हुई है? जिनके खाते हैं, जिनका पैसा है, उनके समर्थन पे सरकार टिकी हुई है और चल रही है, तो उनकी घबराहट इस बात से है। अब कोर्ट का डंडा अब सरकार पे पड़ेगा, और कोर्ट जब सख्ती करेगा तो सरकार को भी ये काम करना पड़ेगा। सरकार ने अभी एक पत्र भेजा है स्विट्जरलैंड में, वहां से बात आई है। और स्विट्जरलैंड सरकार पता है क्या कह रही है? भारत सरकार ने पत्र इतना कमजोर लिखा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरा पत्र भेजो, ताकतवर पत्र भेजो, ताकि हम वो बता सकें कि किसका कितना पैसा है। लीचेस्टर नाम के एक देश में पैसा है, वहां से पत्र आ गया है कि हम भारत सरकार को सब माहिती देने को तैयार हैं, आप हमसे पूछो किसका कितना पैसा। और अमेरिका नाम का देश हमको कह रहा है कि आप इसकी लड़ाई लड़ो, मैं आपका साथ देने को तैयार, क्योंकि जो बराक ओबामा इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने ये काम किया है अपने देश में। आपको मालूम है बराक ओबामा ने राष्ट्रपति बनने के बाद जितना पैसा स्विस बैंक में था अमेरिका के भ्रष्ट लोगों का, वो सब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया था। 19,740 खाते पकड़े गए अमेरिका के स्विस बैंकों में, वो सारा पैसा $470 अरब निकला, वो पूरा अमेरिका को वापस आया। तो अमेरिका ने अगर किया तो भारत भी कर सकता है। और बराक ओबामा कह रहा है कि मैं भारत की मदद करना चाहता हूँ। एक बार किसी ने पूछा बराक ओबामा से, तुम भारत की मदद क्यों करना चाहते हो? तो कहता है कि भारत मेरे नेता का देश है। तो किसी के समझ में नहीं आया, मेरे नेता का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा, जिसको मैं नेता मानता हूँ उसका देश है भारत। तो किसको मानते हो? तो उसने कहा, महात्मा गांधी। बराक ओबामा की मेज पर महात्मा गांधी की फोटो है, और उसके घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। जब उसने चुनाव लड़ा था तो हनुमान जी की प्रतिमा भारत से मंगाई थी, उसको मंदिर बना के स्थापित किया उसने अपने घर में। बराक ओबामा आधा क्रिश्चियन है, आधा मुसलमान है, लेकिन बजरंग बली का भक्त है। महात्मा गांधी का चाहक है। तो कहता है कि बजरंग बली और महात्मा गांधी का देश है भारत, इसलिए मैं मदद करना चाहता हूं। वो तैयार है। वो भारत सरकार को कई बार कह चुका है कि अगर स्विट्जरलैंड की सरकार कुछ गड़बड़ करे तो मुझे बताओ, क्योंकि उसने अभी स्विट्जरलैंड की सरकार का स्क्रू टाइट करके पैसा निकलवाया। तो बराक ओबामा मदद करना चाहता है तो हम मदद ले सकते हैं, और वो ना भी करे तो हम अकेले भी कर सकते हैं। हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करके भी ये पैसा ला सकते हैं। हम स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके भी ये पैसा ला सकते हैं। स्विट्जरलैंड है कितना बड़ा देश, छोटा सा। आर्मी उसके पास नहीं, एयरफोर्स उसके पास नहीं, नेवल फोर्स उसके पास नहीं, पुलिस उसके पास नहीं। थोड़ा अगर हम टाइट कर दें, एक मिनट में दे देंगे वो सारा पैसा। तो इसलिए दादागिरी करके भी ला सकते हैं, कानून से भी ला सकते हैं, संसद की मदद से ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मदद से ला सकते हैं। रास्ते बहुत हैं। पैसा ये लाना है 110 लाख करोड़। फिर आप बोलेंगे इसका करना क्या है, करना क्या है? देश का विकास करना है जो नहीं हुआ 62 साल। तो 110 लाख करोड़ में क्या क्या हो जाएगा, छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं। हिंदुस्तान में 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में 100-100 उद्योग हम लगाएं, 100 उद्योग हर गांव में, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 उद्योग हर गांव में लगाएं, तो मात्र 10 लाख करोड़ का खर्च होगा। और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। आप बोलेंगे कौन कौन से 100 उद्योग? हमारे भारत में 2 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां कपास पैदा होता है। जहां कपास पैदा होता है वहां सूत बन सकता है, जहां सूत बन सकता है वहां खादी वस्त्र बन सकता है। तो खादी वस्त्र निर्माण का उद्योग
हर देश के माने भारत देश के 2 लाख गांव में चल सकता है, और उनमें जो खादी बनेगी वो सब हम भारतवासी खरीद कर उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी भारत में 1% लोग खादी खरीदते हैं, अगर 100% लोग खादी खरीदे तो 2 लाख गांव में बनने वाली सारी खादी बिक जाएगी और 15 करोड़ भारतवासियों को उससे रोजगार मिल जाएगा। आप बोलेंगे हम खादी क्यों खरीदे, खादी इसलिए खरीदिए कि उसका उत्पादन करने वाला शेतकरी जो कपास उत्पन्न करता, खादी इसलिए खरीदिए कि कपास उत्पन्न होने से सूत बनता है, सूत बनने से कपड़ा बनता है, वो कपड़ा आप खरीदेंगे तो पैसा किसी शेतकरी के घर में जाता है। आप ये मानते हैं कि विदर्भ के शेतकरी आत्महत्या ना करें तो उसका एक ही रास्ता है कि आप खादी खरीदें, क्योंकि विदर्भ में सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है और कपास पैदा करने वाला ही शेतकरी सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है, क्योंकि कपास का भाव नहीं मिलता। भाव क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कपास के बने हुए खादी की बिक्री नहीं है, और बिक्री क्यों नहीं है? क्योंकि आप टेरेलिन टेरिकॉट शिफॉन जॉर्जेट पहनते, ये टेरेलिन टेरिकॉट शिफॉन और जॉर्जेट आप खरीदेंगे सारा पैसा धीरूभाई अंबानी के खाते में जाता है। करोड़पति को 10 करोड़पति आप बना रहे हैं, 10 करोड़पति को अबजपति बना रहे हैं, क्या आप सेवा कर रहे हैं देश की? कोई भी सिंथेटिक कपड़ा आप खरीद रहे हैं पैसा अंबानी बंधुओं को ही मिलेगा, और अंबानी बंधुओं की 1 मिनट की इनकम 20,000 रुपए है, आप उस 20,000 को और 30,000 बना रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं देश? जो भूखा मर रहा है शेतकरी उसकी सेवा करिए, उसके घर में पैसा दीजिए, और उसकी सेवा करने का एक ही रास्ता आपके पास है कि आप खादी खरीदिए, और खादी इसलिए खरीदिए कि खादी महात्मा गांधी ने पहनी, खादी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहनी, खादी इस देश में भगत सिंह ने पहनी, खादी इस देश में चंद्रशेखर आजाद ने पहनी, खादी इस देश के क्रांतिकारियों का कपड़ा है, खादी इस देश के क्रांतिवीरों का कपड़ा है। मैंने एक दिन सोचा कि एक एक दो दो कपड़े भी खादी के खरीदने लगे हम, हमारी तौलिया, हमारा रूमाल, हमारा एक कुर्ता एक पजामा, ऐसे थोड़े थोड़े कपड़े खरीदने लगे तो करोड़ों मीटर खादी बिक सकती है इस देश में, और 2 लाख गाँव में उद्योगों की स्थापना हो सकती है। दूसरा एक उद्योग इस देश में हर गांव में हो सकता है, वो क्या है? भारत में लगभग 1,75,000 गांव हैं जहां गन्ना पैदा होता है, ऊस पैदा होता है, और उस ऊस से हम गुड़ बना सकते हैं, और वो गुड़ हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे साखर का क्या करें? साखर का एक्सपोर्ट करो, गुड़ का इस्तेमाल खुद करो। साखर खाने में अच्छी नहीं है, गुड़ सबसे अच्छा है। साखर और गुड़ का अंतर बता देता हूं एक ही मिनट में। आप खाना खाइए, मान लीजिए आप 400 ग्राम खाना खाते हैं एक बार में, इससे ज्यादा कोई खा नहीं पाता, 400 ग्राम खाना खाया और 10 ग्राम गुड़ खा लिया आपने भोजन के बाद, तो 400 ग्राम खाने को वो 10 ग्राम गुड़ पूरा हजम करा देगा, पचा देगा, इतनी ताकत 10 ग्राम गुड़ में है। और अब इसका उल्टा बता देता हूं, आपने 400 ग्राम खाना खाया और उसके पीछे से 1 चम्मच साखर आपने खाई, तो 1 चम्मच साखर को पचाने में वो 400 ग्राम भोजन की पूरी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, फिर भी वो पचेगी नहीं आपको, इतना अंतर है साखर और गुड़ में। इसलिए खाना है तो गुड़ खाइए, साखर बंद करिए। तो आप बोलेंगे फिर ये साखर कारखानों का क्या होगा? ये चलाएंगे हम, विदेशों में बेचेंगे साखर को, जिनको खानी है खाएं, मरना है मरे, हमसे क्या ले लो, डायबिटीज में मरो, हार्ट अटैक में मरो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के मरो, हमको क्या, लेना है ले लो। फिर उनको जागृति आ जाएगी, विदेशों में भी जागृति आएगी, तो फिर वो साखर नहीं गुड़ मांगेंगे, तो अच्छा है सब कारखाने बंद करके गुड़ बनाएंगे हम, तो सारी दुनिया को खिलाएंगे, हम खुद खाएंगे। आपको मालूम है साखर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, गुड़ बनाने के लिए छोटे से प्रोजेक्ट में हो जाता है, बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता, करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते, बहुत आसानी से हो जाता है। और कोल्हापुर सतारा सांगली के सब शेतकरी गुड़ बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो हजारों साल से बनाकर इस्तेमाल करते रहे। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज़ है जो सारी दुनिया को हम खिलाएं तो बात ही कुछ और है, वो है काकवी। आपको सुनकर हैरानी होगी, वो गुड़ से भी अच्छी है, गुड़ तो अच्छा है ही,
लेकिन वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करके दिया वो बताया काकवी गुड़ से भी 100 गुना अच्छी, और काकवी बनाना तो सिर्फ शेतकरी जानता है। इसका माने टेक्नोलॉजी उसके हाथ, हम अगर उसको प्रमोशन करें गांव गांव में, जहां भी ऊस उत्पन्न हो रहा है वहां काकवी बने, बोतल में बंद करके अच्छी पैकिंग करके सारी दुनिया में बिके, लोग खरीदने को तैयार, क्योंकि उनको वो क्वालिटी की कोई चीज मिलती नहीं, हम दे सकते हैं। तो दूसरा उद्योग ये चल सकता है। तीसरा एक बड़ा उद्योग हर गांव में हो सकता है, तेल का। हमको मूंगफली का तेल चाहिए, शेंगा का तेल चाहिए, तिल का तेल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, और ये सब शेंगा तिल गांव में उत्पन्न होता है। 2 लाख गांव है जहां शेंगा होता है, जहां तिल होता है, जहां सरसों होती है, हर जगह तेल निकल सकता है। गांव में बिजली नहीं है तो भी तेल निकल सकता है। तेल निकालने का वो पहले एक छोटा सा कोलू चलता था बैल की मदद से, वो अभी फिर चल सकता है, और उसका निकाला हुआ तेल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तेल अगर हम खाएं तो हार्ट अटैक कभी आ नहीं सकता, क्योंकि उस तेल से HDL बढ़ता है, और अभी जो डब्बा बंद तेल हम खाते हैं उससे LDL और VLDL बढ़ता है, जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण। हमारे जो पुराने लोग थे ना, पूर्वज, वो तेल वही खाते थे जो कोलू से निकलता था। धीरे 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 धीरे, जानते हैं उसमें खासियत क्या है? टेम्परेचर नहीं बढ़ता तेल का, बहुत धीमे धीमे निकलता है, तो तेल की सारी पौष्टिकता, जो उसका प्रोटीन तत्व है, वो जिंदा रहता है उसमें, और उसी कारण किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था। हमारे पुरखे बहुत तेल खाते थे, तूप भी बहुत खाते थे, तो भी हार्ट अटैक नहीं आता। अभी हम डब्बा बंद तेल खाते हैं, ये डब्बा बंद तेल मशीनों से निकलता है, मशीन से जब तेल निकलता है तो टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि तेल की सारी पौष्टिकता जल जाती है, फिर उसमें दूसरे तेल मिलाते, सरकार ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है भेड़सेड़ करने का, मिलावट करने का। आपको मालूम है शुद्ध तेल में बाहर से आयातित बहुत सारे दूसरे तेल मिला देते हैं, और वो तेल आपको हजम नहीं होते, फिर आपके जीवन में दुख का कारण बनते हैं। तो हम शुद्ध तेल गांव-गांव निकलवाएंगे, बैलों से फिर तेल का कोलू चलवाएंगे, बैलों को काम मिलेगा, शेतकरी को काम मिलेगा, तेल का डब्बा गांव से भर के शहर में आके बिकेगा, और इस तेल को खाने के लिए लोग तैयार हैं, देने वाले नहीं है। 56,000 करोड़ रुपए का बाजार है तेल का हिंदुस्तान में। हम कम से कम 10 करोड़ शेतकरी को रोजगार दे सकते हैं तेल के उद्योग, ये हम करेंगे। फिर और एक काम हो सकता है, भारत में गेहूं उत्पन्न होता है, लगभग 2.5 लाख गांव है जहां गेहूं होता है, जहां गेहूं होता है वहां गेहूं का आटा बन सकता है। अभी गेहूं का आटा शहर में बनता है मशीन से, उसमें भी वही समस्या है, मशीन बहुत तेज घूमती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, आटे की पौष्टिकता खत्म हो जाती है। हम तो वो हाथ वाली मशीन चलवाएंगे आटे की। हजारों साल इस देश के लोगों ने हाथ से चक्की चला के आटा पीसा है, और जिन माताओं ने ये काम किया है उनको कभी भी पुत्र या पुत्री का जन्म देने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, सिजेरियन नहीं कराना पड़ा। आप जानते हैं क्यों? जब वो चक्की चलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है वो गर्भाशय की होती है, पेट की होती है, और माँ का गर्भाशय सबसे ज़्यादा लचीला बनता है जब आप वो चक्की चलाते हैं, और अगर गर्भाशय फ्लेक्सिबल है तो बच्चे का जन्म सबसे आसानी से हो सकता है। तो माँ के लिए बच्चे का जन्म आसान है, वो तो एक बात है, फिर हाथ से पिसा हुआ आटा खाएंगे, जिंदगी में कोई त्रास नहीं हो सकता पेट का, क्योंकि धीरे धीरे पीस कर बना। और हमारी तो तैयारी ये है कि जो पुरुष हैं और जिनके पेट बाहर निकले हैं उनसे भी चक्की चलवाएं, उनका भी पेट अंदर चला जाएगा, वो स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। ऐसे भी चक्की चलाते हैं ना स्वामी रामदेव जी, चलवाते हैं कि नहीं? फिर असली में चलवाएंगे, गांव गांव में आटा भी बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमको बेस्ट क्वालिटी। और आपको माहिती है शेतकरी गेहूं बेचे तो 11 रुपए किलो और गेहूं का आटा 26 रुपए किलो, तो गेहूं क्यों बेचना? आटा बना के बेचना ना, फिनिश प्रोडक्ट देना, रॉ मटेरियल गांव से बाहर नहीं लाना। भारत में 90,000 गांव है, 90,000, जहां बटाटा उत्पन्न होता है। अब बटाटा जहां है वहां बटाटा चिप्स बनवाएंगे गांव गांव से और शहर में बिकवाएंगे। विदेश की कंपनी आके बटाटा चिप्स बेचती है 400 से 500 रुपए किलो, हम 100 रुपए किलो तो बेच ही सकते। रफल्स है, हॉस्टेस है, टॉप रेमन है, ये सब 400-500 रुपए किलो के हैं। हम हमारे गांव का बटाटा चिप्स 50 रुपए 100 रुपए किलो बेचे, करोड़ों लोगों को काम मिल सकता है। फिर टमाटर पैदा होता है 65,000 गांव में, टमाटर का सॉस गांव में बन सकता है, वो शहर में बिक सकता है।
अचार है, मुरब्बा है, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में चल सकते हैं। और एक उद्योग में 10 लोगों को भी काम मिला तो 1000 लोगों को रोजगार हर गांव में मिलता है। और अगर 1000 लोगों को गांव में रोजगार मिला तो 1000 परिवार की जिंदगी सुधरेगी, इस देश का बेरोजगारी गांव से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैं तो वो दिन देख रहा हूं कि शहरों में बसे हुए लोग गांव भागकर वापस जाएंगे, क्योंकि उनके घर के पास ही उनको रोजगार मिल जाएगा। शहरों के लोग अगर गांव वापस चले जाएं तो झुग्गी झोंपड़ियां खत्म हो जाएंगी। मुंबई की धारावी जो झुग्गी झोंपड़ी है वो हमारे मुंह पर तमाचे की तरह से, वो इसलिए है कि गांव में रोजगार नहीं है तो मुंबई जाके उनको रोजगार ढूंढना पड़ता है। जब गांव में काम मिलेगा तो कोई झुग्गी झोंपड़ी में क्यों रहने शहर में जाए। ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं, और इस पूरी व्यवस्था को बनाने में मात्र 10 लाख करोड़ का खर्चा है और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। फिर बचेगा पैसा 100 लाख करोड़, उसका क्या करेंगे? फिर उसके दूसरे काम करेंगे, सड़क बनवाएंगे गांव गांव। फिर उसके बाद बचेगा तो क्या करेंगे? बीज की व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट दिलवाएंगे हर गांव में। भारत के हर गांव में 24 तास इलेक्ट्रिक करंट मिले उसके लिए 4.5 लाख करोड़ का खर्चा करना, आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे पावर स्टेशन बना सकते हैं, 1 मेगावाट के, 2 मेगावाट के, और 10 गांव को बिजली सप्लाई हो वो एक पावर स्टेशन कर देगा। अभी पावर स्टेशन बहुत बड़े हैं, 1000 मेगावाट के, 1500 मेगावाट के। उनकी समस्या क्या है कि वहाँ जो बिजली उत्पन्न होती है 11,000 वोल्ट की होती है, और घर में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 220-240 वोल्ट की होती है। तो 11,000 वोल्ट पे पहले बिजली पैदा करते हैं, फिर उसको स्टेप डाउन करके नीचे नीचे लाके 240 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं। हजारों यूनिट बिजली फालतू में बर्बाद होती है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, एक यूनिट भी बिजली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्या करें? छोटे पावर स्टेशन बनाओ, 1 मेगावाट का बनाओ, 2 मेगावाट का बनाओ, तो बिजली ही 240 वोल्ट की पैदा करो, तो स्टेप डाउन करनी ना पड़े। तो घरों में इस्तेमाल करने के लिए बिजली अलग, कारखानों में अलग, रेलवे के लिए अलग, ये 3 स्तर पर हम अलग अलग कर देंगे तो फालतू बिजली खराब नहीं होगी, और जितनी बिजली हमने बचाई उतनी उत्पादन हो जाएगी। और 35 से 37% हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन लॉस है ये पूरा हम खत्म कर सकते हैं, छोटे पावर स्टेशन बना के ये काम कर सकते हैं। ये करने के बाद भी पैसे बचेंगे तो हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, सब हो जाएगा। गाँव में कुछ नहीं बचेगा तो भी हमारे पास 60 लाख करोड़ बचेगा, 50 लाख कोटी में सब काम हो जाएगा। फिर हमें सोचना पड़ेगा अब क्या करें, कुछ करने के लिए नहीं, तो फिर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हम सुधरेंगे, उनको सुधारेंगे, अपनी सीट सब स्वर्ग में बुक कराएंगे, और क्या करेंगे, फिर यही करेंगे। और 60 लाख कोटी जो बच गया उसको फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे भारत माता के नाम से, उसका 10% का ब्याज भी मिला साल का, तो 6 लाख कोटी हो गया। उतने पैसे से देश का बजट बना लेंगे, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को 0 टैक्स बना लेंगे। अभी अंग्रेजों के समय के बनाए हुए 64 तरह के टैक्स, 23 अंग्रेजों के और काले अंग्रेजों के, 64 तरह के सब टैक्स खत्म कर दें तो भी ये देश चलेगा, एक भी टैक्स हम नहीं लें। इनकम टैक्स खत्म, सेंट्रल एक्साइज खत्म, सेल्स टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, टोल टैक्स खत्म, कॉरपोरेशन का टैक्स खत्म, सारे टैक्स खत्म। फिर आप बोलेंगे तो देश कैसे चलेगा? जो बचा पैसा है स्विस बैंक का उसके ब्याज पे चलेगा, और कभी कमी पड़ेगी पैसे की? वैसे तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि विकास का सब काम हो गया तो फिर पैसे की जरूरत क्या। अगर मान लीजिए कमी पड़ेगी तो लोगों से दान मांग लेंगे, भारत के लोग तो बहुत दान देते, देश के लिए भी दान देंगे। कारगिल युद्ध हुआ तो लोगों ने दान दिया, गुजरात में भूकंप आया तो दान दिया, उड़ीसा में बाढ़ आई थी तो दान दिया, बिहार में अभी बाढ़ आई थी तो हमने दान दिया। तो भारत के लोग तो दान देते हैं, दानवीर हैं, दान मांग लेंगे देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो। और मुझे लगता है कि दान ज़्यादा देंगे, टैक्स नहीं देते, क्योंकि टैक्स वीर नहीं है, दानवीर है। इस देश के ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो टैक्स में पैसा बचाने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट्स रखते हैं और रोज दान देते हैं लाखों रुपए का। मैं उनको कहता हूं लाखों रुपए आप दान दे रहे हो तो टैक्स में क्यों नहीं देते? वो मुझे बहुत गहरी बात कहते, वो कहते राजीव भाई भारतीय संस्कृति में कुपात्रों को दान नहीं देते।
ये टैक्सेशन का डिपार्टमेंट कुपात्र लोगों का, इनको हम एक पैसा भी नहीं दे सकते, सुपात्र को हम चाहे उतना दे सकते। मैंने एक दिन कैलकुलेशन किया, आप सोचेंगे हैरान हो जाएंगे, हर आदमी चाय के एक प्याले के बराबर का धन, चाय का एक प्याला 5 रुपए का है ना, हर आदमी 5 रुपए भारत देश को रोज दान दे दे तो साल भर का कुल कलेक्शन इनकम टैक्स से 3 गुना ज्यादा आता है। इतनी ताकत है दान में। और हम जब सारे टैक्स खत्म कर दें, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, तो लोग तो और ज्यादा दान दे देंगे, क्योंकि उधर से पैसा बचेगा उनका, देश के लिए दान देने में किसी को त्रास नहीं। वो ये कहते हैं कि दान लेने वाले में पात्रता होनी चाहिए, लोग तो करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं इस देश। तो हम दान आधारित देश चलाएंगे। और अगर कभी टैक्स लगाना भी पड़ा, मान लीजिए वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी हमने हिसाब जोड़ रखा है कि अगर टैक्स की कहीं कोई थोड़ी भी जरूरत पड़ी तो भारत में जो ट्रांजेक्शन होता है रोज का, बैंक में होता है चेक और ड्राफ्ट से 1,25,000 करोड़ रुपए रोज का, कैश में ट्रांजेक्शन होता है 5,00,000 करोड़ रुपए का, दोनों जोड़ दें तो 6,25,000 करोड़ का डेली ट्रांजेक्शन है, एक साल का ट्रांजेक्शन निकालें तो 365 का गुणा कर दें, इस पूरे ट्रांजेक्शन पर अगर 2% टैक्स ले लें तो आज के टैक्स से कुल मिलाकर 3 गुना ज्यादा इकट्ठा होता है, सिर्फ 2% ले लें, और 1% ले लें तो आज के कुल टैक्स से 1.5 गुना ज्यादा इकट्ठा होता है। माने पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी इस देश में। और लोग मुझे कहते हैं कि आप 64 तरह के टैक्स हटा दो, हम बहुत आसानी से आप जो कहोगे वो दान में दे देंगे। इस देश में बहुत सारे उद्योगपतियों को मैंने बात की है, वो ये कहते हैं कि आप ये कर दो काम, हम आपको गारंटी देते हैं कि 1,000 गांव को हम उतनी सुविधाएं दे देंगे जितनी शहर में, और 1-1 भारत का बड़ा उद्योग, टाटा, बिरला, डालमिया वगैरह वगैरह, 1,000 गांव को अगर गोद लेकर विकास कर दें तो भारत के हर गांव की तकदीर बदल जाएगी, कहानी दूसरी हो जाए। वो ये कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, जो हम सरकार को दे रहे थे टैक्स में वो गांव को लगा देंगे, हमें तो पैसे लगाने ही है। तो विकास की सारी योजनाएं इस तरह से हम बना सकते हैं, इस देश को 0 टैक्स बना सकते हैं। और 0 टैक्स होते ही 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि महंगाई एकदम नीचे आएगी, 70% चीजों के दाम एक झटके में खत्म हो जाए। जो चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है वो 30 रुपए की। अगर हम सारे टैक्स खत्म कर दें इस देश में से, तो मैं आपको छोटी बातें बताता हूं, 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए का, 1 लीटर डीजल मिलेगा 7.5 रुपए का, 1 रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का, 1 पेन आपको मिल जाएगा 2 रुपए का, दाल मिल जाएगी 12-15 रुपए किलो, चावल मिल जाएगा 17-18 रुपए किलो, साखर मिल जाएगी 12-13 रुपए किलो। आप न्यूयॉर्क जाएं और न्यूयॉर्क से वापस आएं, 7,000 रुपए में सब काम हो जाएगा, जो अभी 90,000 में होता है। आपका बेटा अगर इंजीनियरिंग पढ़ेगा IIT में तो 5 साल का खर्चा 25,000 आएगा, जो अभी 5 लाख आता है। MBBS करेगा तो 5 साल का उसका खर्चा 35-40,000 आएगा। सब टैक्स कम होंगे, हर चीज सस्ती हो जाएगी, और जब चीजें सस्ती होंगी तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी बिताने का रास्ता खुलेगा। और एक सबसे बड़ा काम यह होगा कि आपको अभी बहुत पगार मिलती है तो भी घर खर्च नहीं चलता, क्योंकि महंगाई आपकी मार करती है, फिर पगार थोड़ी सी भी मिलेगी तो घर खर्च बहुत अच्छे से चले। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि वो सरकारी नौकरी में पहली बार आए तो उनको 250 रुपए की पगार मिली थी, उसमें उन्होंने घर का सारा खर्च चलाया था और 3 तोला सोना खरीदा था पहली पगार से, 250 रुपए मिली थी घर का खर्च चलाने के बाद, 3 तोला 30 ग्राम सोना खरीदा था। और वो कहते हैं हर महीने में मैं 30 ग्राम सोना खरीदता था, इतनी 250 रुपए की वैल्यू थी। अब 3 तोला सोना खरीदना हो तो 30,000 तो ऐसे ही चाहिए, अब तो 45,000 चाहिए। 45,000 तो सोने के लिए चाहिए, 15-20,000 घर चलाने के लिए, माने 50,000 का खर्चा मिले तो 3 तोले सोना खरीदें और घर खर्च चले। इतनी महंगाई बढ़ी है, इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है, ये खत्म कर सकते हैं हम। कम पैसे में जिंदगी गुजर सकती है, कम पगार में जीवन चल सकता है, और कम पगार में जीवन चलने लगे तो 6th pay commission की जरूरत नहीं, 5th pay commission की जरूरत नहीं, 4th pay commission की जरूरत नहीं, ये सब खत्म कर सकते हैं।
व्यक्ति को असमानता से निकालकर हम समानता में ला सकते हैं। ये व्यवस्थाएं हो सकती है। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर टैक्स खत्म हो जाए इनकम टैक्स, तो काला धन रह नहीं सकता, ब्लैक मनी होगा नहीं। ब्लैक मनी होगा नहीं तो कोई बेईमान हो नहीं सकता, सब ईमानदार हो जाए। और जिनके पास काला धन नहीं है वो रिश्वत किसी को दे नहीं सकते। जब मनी ब्लैक होता है तभी रिश्वत दी जाती है और ली जाती है। जब काला धन रहेगा नहीं तो कोई रिश्वत देगा नहीं, कोई लेगा नहीं। तो ईमानदारी ऐसे ही पूरे देश में आ जाएगी। और एक बड़ा काम होगा, काला धन होगा नहीं तो सब धन सफेद होगा। सफेद होगा तो या तो बैंकों में जमा होगा, या उद्योगों में लगेगा, व्यापार में लगेगा, या लोग उसको खर्च करेंगे। अभी भारत में 36 लाख कोटी रुपए का काला धन है। इनकम टैक्स खत्म करते ही ये सारा सफेद हो जाए। और जब धन सफेद हो जाएगा तो कोई भी उस धन का एक पैसा स्विस बैंक में ले जाके जमा करेगा नहीं, क्योंकि वो वाइट मनी है, वो ब्लैक नहीं। तो स्विस बैंकों में पैसा जाना बंद हो जाएगा। जो पैसा जमा होगा वो भारत की बैंकों में ही जमा होगा, और जो यहाँ जमा होगा पैसा वो यहाँ की समृद्धि बढ़ाने के काम में आएगा। माने बहुत जल्दी हम इस देश को सोने की चिड़िया फिर बना लेंगे, मुश्किल कुछ नहीं। एक काम हम और करना चाहते हैं कि जो बड़े नोट हैं हमारे देश में, 1000 के, 500 के, 100 के, ये बंद करना है, छोटे नोट चलाना। क्यों? अभी पाकिस्तान एक देश है जो नकली नोट छाप छाप के हमारे यहाँ डालता रहता है, आपको मालूम है। और हमारी करेंसी में 15% नोट अभी नकली आ चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM से नकली नोट निकल रहे हैं, ये हालत हो गई है। कहां से आ रहे हैं? सब पाकिस्तान छाप के डाल रहा है। पाकिस्तान से जो एजेंट आते हैं नकली नोट लेकर, उनको अभी थोड़े दिन पहले CBI वालों ने पूछा और कहा कि तुम 1000 के नोट लाते हो, 500 के लाते हो, 100 के लाते हो, 50 का नोट क्यों नहीं लाते? तो कहते हैं पाकिस्तान छापता नहीं वो 50 का नोट। क्यों नहीं छापता? तो एक एजेंट ने कहा कि 50 रुपए का नोट पाकिस्तान में छपे और भारत में लाकर उसको हम चलाएं तो 55 रुपए खर्च होते हैं उसमें, इसलिए हम 50 का नोट नहीं छापते, 1000 का, 500 का, 100 का। अब पाकिस्तान की इस योजना को विफल करना हो तो आप 1000, 500, 100 के नोट बंद कर दो, 50 के ही नोट रखो। और 1000, 500, 100 के नोट जिनके भी पास है, एक दिन रिजर्व बैंक ऐलान करे कि आप उसको एक्सचेंज कर लो, बैंक आपको 50 के नोट दे देगा। दो फायदे होंगे, पाकिस्तान की योजना ध्वस्त। दूसरा फायदा होगा कि फिर कोई माई का लाल रिश्वत कैसे देगा वो हम देखेंगे। अभी 10 करोड़ की रिश्वत देनी है तो एक ब्रीफ केस में 1000 के नोट भर के दे आता है कोई। फिर 10 कोटी की रिश्वत देनी है तो ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा। देने वाला भी परेशान, लेने वाला भी परेशान। कोई आदमी ट्रक भरा हुआ कहाँ रखेगा घर में, और जो देने जा रहा है वो कितनी जगह चेक होगा और पकड़ा जाएगा। तो घूसखोरी, रिश्वतखोरी सब अपने आप खत्म हो जाएगी। और जो गंभीर बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये, अपने भारत में 84 कोटी लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 20 रुपए ही खर्च कर पाते हैं, तो उनको तो 1000 के नोट की जरूरत नहीं, उनको तो 20 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए। तो उसके लिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा, बड़ी करेंसी के नोट हम खत्म करना चाहते हैं। और एक दो काम हम करना चाहते हैं इस देश में, शिक्षा व्यवस्था इस देश की बदलना चाहते हैं, स्वदेशी शिक्षा हमें लानी है। ये जितनी अर्थव्यवस्था की बातें हैं वो हम लोग कहते हैं कि स्वदेशी अर्थव्यवस्था में हम ये करना चाहते हैं, शिक्षा में स्वदेशीकरण करना चाहते हैं। अभी शिक्षा है वो मैकॉले की है, आप सभी जानते हैं। जितना पाठ हम पढ़ते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो सब मैकॉले का। पाठ्यक्रम बिल्कुल हमने नहीं बदला 63 साल के बाद भी। मैकॉले ने यह पाठ्यक्रम बनाया था भारत में कारकुन तैयार करने के लिए। अब हम वही पाठ्यक्रम चला रहे हैं, हमारे बच्चों को कारकुन ही बना रहे हैं, और उससे ज्यादा क्या बन रहा है। और इस मैकॉले के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी बुराई है कि अंग्रेजी का है पूरा, और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं, वो विदेशी भाषा है, हमको आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। क्यों आनी चाहिए? हमको मराठी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए, अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? किस अंग्रेज को हिंदी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? बताओ ना, किस अंग्रेज को मराठी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? अंग्रेजी तो नहीं आनी चाहिए।
और इस देश में सबसे ज्यादा विद्यार्थी नापास होते हैं वो अंग्रेजी में, कारण की मातृभाषा नहीं है उनकी, इसलिए नापास होते हैं। बंद करो इस अंग्रेजी को, कोई नापास नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा। विषय पढ़ाओ ना, विषय का ज्ञान दो, गणित का ज्ञान दो, भौतिक शास्त्र का ज्ञान दो, रसायन शास्त्र का ज्ञान दो, इंजीनियरिंग सिखाओ, मेटलर्जी सिखाओ, केमिकल इंजीनियरिंग सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, विषय सिखाओ। ये भाषा के चक्कर में क्यों फंस गए? और भाषा भी मूर्खों की है, कुछ दम नहीं है उसमें। कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल नहीं। दुनिया में 200 देश है, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। और वो 14 देश वो है जो अंग्रेजों के गुलाम थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फिर स्कॉटलैंड, फिर आयरलैंड, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। इन्हीं देशों में अंग्रेजी है क्योंकि ये गुलाम थे अंग्रेजों के, बाकी कहीं नहीं है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, डेनमार्क में डेनिश है, नीदरलैंड में डच है, सब देशों की अपनी भाषाएं। कोई देश अंग्रेजी में काम नहीं करता, बात भी नहीं करता। और इन सब देशों के लोगों से जब मैं बात करता हूं, कहता हूं तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते, उन्होंने कहा क्यों सीखना, मूर्खों की भाषा है। और अंग्रेजी की मूर्खाई हमें समझ में आती है, फिर भी हम उसको चिपक के पकड़ के रखे। दुनिया में किसी भी भाषा में इतनी मूर्खता नहीं है जितनी अंग्रेजी में। पीयूटी पुट, बीयूटी बुट, बीयूटी बट, पीयूटी पट, सीयूटी कट है, बीयूटी बट है, तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं? और अगर पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट, सीयूटी कुट होना चाहिए, कुछ और छोरी नहीं है। इतनी मूर्खता की भाषा अंग्रेजी की। मूर्खाई क्या है, एक जगह सी एच होता है का और एक जगह सी एच होता है चा। अंग्रेजी का एक शब्द है केमिस्ट्री, सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, केमिस्ट्री, ठीक है? तो चोपड़ा, सी एच ओ पी ए आर ए, चोपड़ा, तो यहां कोपड़ा होना चाहिए। और अगर सी एच ओ पी ए आर ए चोपड़ा है तो उधर केमिस्ट्री होना चाहिए, सी एच ई एम आई एस टी आर। और जब भी अंग्रेजी के लोगों से बात करो, ये क्या चक्कर है, वो कहते पता नहीं, अब है तो हम कर रहे हैं। मूर्खों की भाषा ऐसी होती है। अंग्रेजी जो है ना, बहुत 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 रद्दी भाषा है। इसके पास शब्द नहीं है अपने। पांचवी शताब्दी में तो ये भाषा बनी है। आपको मालूम है अंग्रेजी का इतिहास मुश्किल से 1200-1500 साल पुरा। पांचवी शताब्दी के पहले तो अंग्रेजी ही नहीं थी, पूरे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और उसमें लैटिन चलती थी। अंग्रेजी उसमें से उधार लेके कुछ शब्दों से शुरू हुई, फ्रेंच से उधार लिया, जर्मन से लिया, लैटिन से लिया, इससे लिया, कुछ हिंदी से लिया, खिचड़ी बना दिया उन्हें। शब्द नहीं है उनके पास। इतनी गरीब भाषा है ये, जो दुनिया में कहीं नहीं है। इनके पास ले दे के एक ही शब्द है, अंकल, काका, मामा, मौसा, फूफा, काका का काका, मामा का मामा, मौसा का मौसा, सब एक ही है, अंकल, शब्द ही नहीं है। और ले दे के एक शब्द है आंटी, काकी भी है, मामी भी है, मौसी भी है, सब आंटी। ये भारत में तो नहीं होता। हमारे यहां तो जितने भी रिश्ते हैं हर एक के लिए अलग शब्द है, इनके पास शब्द ही नहीं। और ऐसी मूर्खता के शब्द हैं, समझ में नहीं आते। फादर इन लॉ कौन सा, इधर वाला, इधर वाला कौन सा फादर है? मदर इन लॉ कौन सी, इधर वाली की इधर वाली? मूर्खताओं की भाषा। अच्छा, मैं अगर आपसे हिंदी में या मराठी में ये कहूं कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का साला है, ठीक है, आप एक मिनट में पता लगा लेंगे साला है या माने उसकी बहन का भाई है, ठीक है? अगर मैं कहूं कि ये उसका जीजा है, इमीडिएट में पता लगा लेंगे। अंग्रेजी में साला और जीजा दोनों के लिए एक ही शब्द है, ब्रदर इन लॉ। अब पता ही नहीं है कि वो साला है कि जीजा है। है मूर्खों की भाषा कि नहीं? अब ये मूर्खों की भाषा में हम फंसे हुए हैं और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और ये मूर्खता पता है कहां तक जाती है? हम हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी के चक्कर में फंस के हमारा कचरा हो गया, ना हम अंग्रेज हो पाए ना भारतीय रह पाए। आधे अंग्रेज आधे भारतीय, वो कैसे है
किसी के घर में जाओ तो पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं पूछता हूं ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया? और जिन्होंने नाम रखा है ना टिंकू, उनको पूछता हूं आपको इसका अर्थ मालूम है? टिंकू अंग्रेजी की वेबस्टर डिक्शनरी में टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने मां की ना सुने वो टिंकू है। और यहां अच्छे खासे अपने बेटे को आप टिंकू बोल बोल के टिंकू बना रहे, क्या मूर्खता के नाम रखे। कैसे कैसे नाम रखते हैं, डब्लू बबलू, पिंकू टिंकू, बबली डबली, ट्विंकल डिंपल, क्या मूर्खता। कुछ नामों की कमी है अपने संस्कृत में, मराठी में, हिंदी में, क्यों आप ये फालतू अंग्रेजी नाम। और ऐसी मूर्खाई है इस देश में अंग्रेजी के नाम पे। कभी कभी कुछ घरों में मैं चला जाता हूँ भोजन आदि करने के लिए, क्योंकि मैं भोजन होटल में नहीं करता, ठहरता भी होटल में नहीं, किसी के घर में ठहरता हूँ, खाता भी घर में ही हूँ, तो अक्सर घरों में जाता रहता हूँ, तो वहाँ अंग्रेजी की मूर्खाई दिखाई देती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर में गया दिल्ली, तो उनके एक छोटे से बेटे को माता पिता ने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, ये हमारा बेटा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, ये बहुत होशियार है। मैंने कहा अच्छा, ये बहुत अच्छी कविताएं सुनाता। मैंने कहा अच्छा, सुनवाओ जरा। तो उन्होंने कहा बेटे पोएम सुनाओ अंकल को। मैंने कहा मैं अंकल तो नहीं हूँ। कहने लगे फिर क्या है? मैंने कहा काका बना लो, मामा बना लो, कुछ बना लो, अंकल तो नहीं हूँ। जो सुविधा है बना लो, मामा बना लो, काका बना लो, कुछ कर लो। तो फिर बच्चे ने कविता सुनाना शुरू किया, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। मैंने बच्चे को पूछा तुमको अर्थ मालूम है इस कविता का? नहीं मालूम। क्यों सीखा? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। क्यों सिखाया? उसकी टीचर ने सिखाया। टीचर को फोन लगाया, आपको अर्थ मालूम है इस कविता का? नहीं मालूम। किसने सिखाया? हमारे टीचर ने सिखाया। अब मूर्खों के मूर्ख कविता सिखा रहे हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। फिर मैंने उस बच्चे को समझाया इस कविता का अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहाँ मत आओ क्योंकि मुझे खेलना। अब भारत के बच्चे ये कविताएं गाएं, बारिश बारिश तुम चली जाओ यहाँ मत आओ, और करोड़ों बच्चे ये कविताएं गाएं, भगवान ने सुन ली तो। भगवान ने अगर कविता सुन ली तो बारिश को वापस बुला लेगा, यहां बारिश होगी नहीं। और 60% खेती बारिश पर इस देश में जिंदा रहती है, वहां अगर बारिश नहीं होगी, आप भूखे मरेंगे, मैं भूखा मरूंगा, शेतकरी भूखा मरेगा, तो भारत में इस कविता की गरज क्या, जरूरत क्या? ऐसे मूर्ख लोग अंग्रेजी में कविता सीख। फिर उसकी आई ने, बच्चे की आई ने कहा फिर कौन सी कविता सिखाऊं? तो मैंने कहा कविता सिखाओ ये रे पावसा, तुला दे तो पैसा, पैसा झाला छोटा पावसा अलग में, ये कविता सिखाओ, क्योंकि ये कविता भारत की आत्मा है। आत्मा क्यों है? जिस देश में 60% खेती पाउस आधारित है, उस देश में पाउस को बुलाने की ही कविता हो सकती है, भगाने की कैसे हो सकती है? तो हमारे बच्चों को तो यही सिखाना चाहिए, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, बार बार आओ, मैं तुमको पैसा देना चाहता हूं इसलिए आओ। ये भारत की कविता है, अंग्रेजों की कविता रेन रेन गो अवे। कविता भी जो होती है ना, वो अपनी जरूरत, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा से निकलती है। अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों की सभ्यता, उनकी परंपरा हमसे बिल्कुल अलग है। इंग्लैंड में बारिश कभी भी आती है, यूरोप में बारिश कभी भी आती है, वहाँ के बच्चे शाम को बाहर खेल नहीं सकते, कभी भी मौसम खराब हो जाता है, इसलिए वो कविता गाते हैं रेन रेन गो अवे। हमारे यहाँ तो बारिश साल में सिर्फ 3 महीने आती है, और उसका दिन फिक्स है, इस दिन से लेकर इस दिन तक, तो हम कैसे गा सकते हैं रेन रेन गो अवे? और बारिश का समय जब निश्चित है और बारिश पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था निश्चित है, तभी इस देश में बारिश आधारित बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। हमारे देश में महाकवि कालिदास ने जो मेघों का वर्णन किया है, और उसमें से जो उस उत्साह उत्पन्न होता है सुनकर बोलकर, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि जरूरत है हमारी। महाकवि कालिदास इंग्लैंड में नहीं हो सकते,
जो मेघों का इतना सुंदर वर्णन कर सकते हैं, वो जरूरत है हमारी। तो हम तो हमारी जरूरत सभ्यता संस्कृति परंपरा में से लेंगे, अंग्रेजों की सभ्यता संस्कृति परंपरा से हमारी जरूरत पूरी नहीं। तो इस अंग्रेजियत को छोड़िए, आप भाषा को छोड़िए। अंग्रेजों को आपने छोड़ दिया, इस भाषा को क्यों पकड़ के रखा है? अपनी जिंदगी से निकालिए इसको, और फालतू अंग्रेजी का रौब मत झाड़िए किसी पर। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मूर्ख मिलते हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, मराठी आती है फिर भी अंग्रेजी में बोलते हैं, हो राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसिज। मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसिज? तब वो थोड़े परेशान होते हैं, वो पूछते हैं, आप क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, सच में वो तुम्हारी मिसिज है? तुमको मालूम है मिसिज का अर्थ क्या होता है? मिसिज शब्द का अर्थ क्या है? इंग्लैंड में और यूरोप में एक बड़ी खराब परंपरा है, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। परंपरा यह है कि कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष एक के साथ पूरे जीवन में नहीं रह सकता। अभी शादी की, दो दिन बाद तलाक होगा, फिर शादी होगी, फिर तलाक होगा, फिर शादी होगी, फिर तलाक होगा। एक स्त्री एक पुरुष जिंदगी भर एक के साथ रह नहीं सकते, बार बार एक दूसरे को बदलते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, शर्ट बदलते हैं, वो एक दूसरे पार्टनर को बदलते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके यहाँ कॉमन है। कोई पति पत्नी है, अकेले एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे, उनके रिश्ते दूसरों के साथ भी होंगे। एक महिला कम से कम 10-15 पुरुषों के साथ सोएगी रात को, एक पुरुष 10-15 महिलाओं के साथ रात को सोएगा। ये हजारों साल पुरानी उनकी परंपरा। अब इसमें होता क्या है, पत्नी तो एक ही है और पति तो एक ही है, तो पत्नी और पति तो एक एक है, लेकिन बाकी जिनके साथ आप बिस्तर में सो रहे हैं वो सब मिस्टर एंड मिसेस होते हैं। मिसेस का माने होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री जिसके साथ आप रात को बिस्तर में सो सके वो सब मिसेस होती है। और यहां अच्छी खासी धर्म पत्नी को हम मिसेस बनाने में लगे हुए हैं, ओ शी इज माई मिसेस। तब मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेस? और मिस्टर इसका उल्टा है, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ बिस्तर में सोए वो मिस्टर है। तो यहां का पति मिस्टर नहीं है और यहां की पत्नी मिसेज नहीं है। और हमारे पास कितना सुंदर शब्द है पत्नी के लिए, श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ, वो श्रीमती, वो मिसेज नहीं। आप मत बोलिए ये शब्द का, मिस्टर भी मत बोलिए। और सबसे खराब शब्द अंग्रेजी का है मैडम। हम अक्सर बोलते रहते हैं मैडम 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 मैडम, जानते हैं कौन होती है? यूरोप में जो वेश्या घर होते हैं, उन वेश्या घरों को संचालित करने वाली जो मुख्य वेश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हम अपनी बहन को मैडम कह देते हैं, अपनी पत्नी को मैडम कह देते हैं, किसी को भी मैडम कह देते हैं। और यहां की स्त्रियां मैडम कहलवाती हैं, मैडम बोल, इतना दिमाग खराब है। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जिन अंग्रेजी शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते, कृपया करके उनको मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल आती है। क्यों फालतू में? हमारे पास या तो मराठी शब्द ना हो तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, या हिंदी में शब्द ना हो, या संस्कृत में ना हो। दुनिया के सबसे ज्यादा शब्द तो संस्कृत में है। जो भाषा में धातु रूप और शब्द रूप दोनों अलग अलग होते हैं, उस भाषा में करोड़ों शब्द बन सकते हैं। और अंग्रेजी में धातु रूप और शब्द रूप अलग अलग नहीं है, इसलिए शब्दों की संख्या सबसे कम अंग्रेजी में ही है। अंग्रेजी से अच्छी तो फ्रेंच है। फ्रेंच में धातु रूप अलग है, शब्द रूप अलग है, जैसे संस्कृत में है वैसे ही फ्रेंच में। और एक बार एक फ्रेंच विद्वान से मैंने पूछा, आपने ये फ्रेंच बनाई कहां से, शब्द रूप अलग धातु रूप अलग? उन्होंने कहा संस्कृत की नकल करके। तो फ्रेंच संस्कृत से निकली, जर्मन संस्कृत में से निकली, तो हम संस्कृति क्यों ना सीखें फिर, जो सारी भाषाओं की मां है। और उसको सीखें तो अपना साहित्य भी पढ़ पाएंगे, अपने ज्ञान का सारा भंडार संस्कृत में ही है। अगर उसको पढ़ना हो, ऋग्वेद पढ़ना हो, यथर्वेद पढ़ना हो, सामवेद पढ़ना हो, यजुर्वेद पढ़ना हो, उपनिषद पढ़ने हो, सांख्य उपनिषद पढ़ना हो, छांदोग्य, कुछ भी पढ़ना है तो संस्कृत में ही संभव है। तो अपना ज्ञान जिस भाषा में प्रचंड है उस भाषा को सीखें, मातृभाषा को सीखें,
राष्ट्रभाषा को सीखें, ये विदेशी भाषा का चक्कर खत्म करें। हम इस देश में एक कानून बनाना चाहते हैं बहुत जल्दी, और ये कानून होगा। वो कानून ये होगा कि किसी भी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा की कंपल्शन माने उसका होना, ये खत्म कर देंगे। अंग्रेजी भाषा नहीं है तभी सरकारी नौकरी मिले। आपको महाराष्ट्र में अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो मराठी आनी ही चाहिए। आपको अगर कर्नाटक में सरकारी नौकरी चाहिए तो कन्नड़ आनी ही चाहिए। तमिलनाडु में सरकारी नौकरी चाहिए तो तमिल आनी चाहिए। आंध्र में सरकारी नौकरी चाहिए तो तेलुगु आनी चाहिए। उत्तर भारत में सरकारी नौकरी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। ये कानून हम बनाएंगे, और इस कानून के थोड़े थोड़े उपकानून ऐसे बनेंगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति मुकदमा करने जाए, वादी या प्रतिवादी, वो मातृभाषा में सुना जाना चाहिए और उसमें बहस होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के सारे मुकदमे अंग्रेजी में होते हैं, ना वादी जानता है ना प्रतिवादी जानता, वकील जानता है जज जानता, घोटाला उसी में होता है। जिसको न्याय चाहिए उसको अंग्रेजी आती नहीं, और अंग्रेजी में मुकदमा चल रहा है वो तो बेचारा चुपचाप देखता रहता है। जब फैसला आता वकील अपने तरह से समझाता है, जज अपने तरह से समझाता है। और इस देश में ये कानून होगा कि जो जज महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है या तमिलनाडु में या आंध्रा में, उनको स्थानीय भाषा में ही फैसला देना है, और अगर नहीं आती उनको स्थानीय भाषा तो वो जज नहीं हो सकते इस देश में, कुछ भी हो सकता। जब स्थानीय भाषा में न्याय मिले, स्थानीय भाषा में शिक्षा मिले, हमारे सारे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे मराठी में, मेडिकल पढ़ेंगे मराठी में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ेंगे मराठी में, एमबीए पढ़ेंगे मराठी में। आप बोलेंगे कैसे संभव है, 10-11 करोड़ की आबादी है महाराष्ट्र की। आपको मालूम है दुनिया का सबसे छोटा देश है डेनमार्क, जिसकी 30 लाख की आबादी है, मात्र 30 लाख। उन्होंने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में रखे हुए हैं, डेनमार्क की भाषा है डेनिश। 30 लाख की आबादी में सब इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में चलते हैं, मेडिकल कॉलेज डेनिश में चलते हैं। इतना छोटा देश अगर अपनी भाषा में इंजीनियरिंग सिखा सकता है तो 11 करोड़ का महाराष्ट्र अपनी भाषा में इंजीनियरिंग क्यों नहीं सिखा सकता। आसानी से हो सकता है, भाषांतर करना है, पाठ्यक्रम बदलना है। और मराठी में अंग्रेजी से ज़्यादा शब्द हैं, इसलिए भाषांतर करना बहुत आसान है। और मराठी से ज़्यादा हिंदी में शब्द हैं, और उससे ज़्यादा संस्कृत में शब्द हैं, माने हमारी भाषाओं के पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, हम बहुत आसानी से भाषांतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या होती है, किसी भी विद्यार्थी को जब आप अंग्रेजी में बात पढ़ाते हैं उसको याद करने में 6 गुना ज़्यादा समय बर्बाद होता है उसका। आप उसको मराठी में सिखाइए कुछ भी, वो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे में याद कर लेगा। फिर वही अंग्रेजी में सिखाइए, 6 महीना लगेगा, और याद नहीं कर पाएगा, रटेगा पोपट की तरह से, तोते की तरह से, और रटा हुआ क्लासरूम में जाके वॉमिटिंग करेगा, उगल देगा, और बस नंबर आने के बाद दूसरे दिन भूल जाएगा कि मैंने लिखा क्या है, उसको याद ही नहीं रहे। क्या फ़ायदा है ऐसा पढ़ाने? मैंने एक दिन ईमानदारी से पूरा कैलकुलेशन किया, हिसाब निकाला कि जिस इंजीनियरिंग को 5 साल में हम पढ़ाते हैं अंग्रेजी में, उसी को मराठी में 2 साल में पूरा पढ़ा सकते हैं, पूरा इंजीनियरिंग 2 साल। जिस मेडिकल साइंस को 6.5 साल में हम पढ़ाते हैं मराठी में, उसको 3 साल में पढ़ा सकते हैं। एमबीए की पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में जो हम पढ़ाते हैं 2 साल में, मराठी में 4 महीने में होता है पूरा कोर्स। माने हम विद्यार्थियों का कितना बोझा कम कर सकते हैं अगर मातृभाषा में वो पढ़े। और सबसे बड़ी बात है जिंदगी की, वो हमेशा याद रखिए आप, कि व्यक्ति जो सोचता है, चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है, वो मातृभाषा में ही संभव होता है। विदेशी भाषा में आप चिंतन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, भाषांतर कर सकते हैं, चिंतन नहीं होता, विचार नहीं होता, वो मातृभाषा में ही होता है, क्योंकि माँ की भाषा है ना, इसलिए वो सबसे नज़दीक होती है। और मातृभाषा में किसी चीज़ को जितने अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं, किसी भी विदेशी भाषा में नहीं कह सकते। तो जो सहज है, सरल है, आसान है, हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी है, हमारी आई के साथ, हमारे परिवार से जुड़ी है, वो भाषा को प्रमुख भाषा बनाना, ये हम चाहते हैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था में। हम चाहते हैं कानून व्यवस्था में भी मातृभाषा चले, प्रशासन में भी मातृभाषा हो, संसद में हर एक नेता को बात करनी हो हिंदी में बोले, मराठी में बोले, नहीं तो संस्कृत में बोले, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में बोले, उसका भाषांतर किया जा सकता। अंग्रेजी में बोले
ये देश के करोड़ों लोगों का अपमान। पुढ़ारी आता है, हमसे वोट मांगता है मराठी में, और फिर संसद में जाके अंग्रेजी बकना शुरू कर देते। लोगों से मराठी में वोट लिया और संसद में जाके अंग्रेजी में बात किया, इसका माने तुमने जिनका वोट लिया उनका अपमान किया। ऐसे पुढ़ारी को हम चुन के क्यों भेजेंगे संसद, जो हमारी भाषा का सम्मान नहीं। और भाषा के सम्मान के साथ सारा सम्मान जुड़ा हुआ। ये अंग्रेजी है ना, तो इस अंग्रेजी की भाषा अकेली हमारे ऊपर हावी नहीं है, अंग्रेजियत पूरी हावी है। इस अंग्रेजी भाषा के चक्कर में पता है हमने हमारी भूषा भी छोड़ दी। अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी भूषा भी इस्तेमाल करते हैं, टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, थ्री पीस सूट पहनते हैं, भयंकर गर्मी में 50 डिग्री तापमान है। इसका कानून बदला जाए, व्यवस्था बदली जाए, नियम बदले जाए, नीतियां बदली जाए, और इस देश का आम आदमी पुलिस के अत्याचार से ना मरे, पुलिस के असहयोग से ना मरे, आम आदमी इस देश के पुलिस की बर्बरता से ना मरे। आम आदमी को मरना है तो अपने समय को, अपने जीवन को पूरा करता हुआ मरे, तब तो हम कह सकते हैं कि भारत आजाद हुआ है, भारत स्वतंत्र हुआ है, नहीं तो ये कहने का हमें कोई अधिकार नहीं। मैं फिर वही बात कहता हूं कि लाला जी की मृत्यु जिस कानून के कारण हुई, भगत सिंह को जो कानून के कारण फांसी हुई, वो कानून अगर 2009 में भी चल रहा है तो हमारे लिए शर्म की बात है, अफसोस की बात है। स्वतंत्रता आई नहीं है, आजादी मिली नहीं, बस इतना ही हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। अंग्रेजों की सरकार की सत्ता और काले अंग्रेजों की सरकार की सत्ता, बस इतना ही परिवर्तन हुआ है। गोरे अंग्रेज अपनी सत्ता काले अंग्रेजों को सौंप कर चले गए हैं, और काले अंग्रेज इस देश के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जो अंग्रेज किया करते थे। और एक उदाहरण देता हूं आपको, अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उसका नाम था डलहौजी। थोड़ा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो डलहौजी के बारे में आप सब जान जाएंगे। डलहौजी सबसे ज्यादा अत्याचारी, निरंकुश, संवेदन शून्य अंग्रेज अधिकारी था। क्या किया उसने, एक कानून बनाया इस देश में, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। हिंदी में अगर कहें तो भूमि के अधिग्रहण का कानून, जमीन को छीनने का कानून, जमीन को हड़प लेने का कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये कानून डलहौजी ने बनाया। पूरे देश में इस कानून को लागू किया गया। डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैंने जब ये कानून बना दिया और पूरे भारत में इसको लागू कर दिया तो इसका एक ही परिणाम निकला, करोड़ों भारतवासी भारत में भूमिहीन हो गए, लैंडलेस हो गए। कैसे, डलहौजी ने वो कानून बना के भारत के गांव गांव में प्रवास करना शुरू किया और उसकी सरकार के अधिकारियों ने प्रवास करना शुरू किया। डलहौजी खुद लिख रहा है अपनी डायरी में कि मैं गांव गांव जाता था, हजारों किसानों की मीटिंग बुलाता, एक एक मीटिंग में 25,000 किसान आते थे। उन सब किसानों को पूछा जाता था कि तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन के कागज हैं क्या, जो ये सिद्ध करें कि ये जमीन तुम्हारी है। कोई किसान को ये पूछा जाए आज से 150 साल पहले कि जमीन के कागज हैं आपके पास जो ये सिद्ध करें कि जमीन तुम्हारी है, तो किसी किसान के पास कागज नहीं होते थे। क्यों, कागज बनाकर जमीन को हस्तांतरण करना इस देश की परंपरा नहीं है। इस देश में जमीन का हस्तांतरण करने की जो परंपरा है वो ये है कि मेरे पिता ने अपनी जमीन मुझे दे दी, मैंने मेरी जमीन अपनी आने वाली पीढ़ी को दे दी, उसने अपनी जमीन उससे आने वाली पीढ़ी को दे दी, तो परंपरा से ये जमीन का हस्तांतरण इस देश में होता रहा हजारों साल से। डलहौजी ने कहा कि ये नहीं माना जाएगा, कागज होना चाहिए जिस पर लिखा हो कि ये जमीन तुम्हारी है और उस पर सरकार की मोहर होनी चाहिए। अब किसी भी किसान के पास कागज नहीं और किसी भी किसान के पास मोहर नहीं अंग्रेजी सरकार की, तो इसी आधार पर डलहौजी किसानों से जमीनें छीन लेता था और वो कहता था ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये अंग्रेज सरकार की जमीन है। कानून का नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट और उसकी कार्यवाही इस तरह से हुआ करती थी। तो डलहौजी कहता है कि मैंने और मेरे सहयोगियों ने मिलकर 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीनी, 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीनी। डलहौजी अपनी डायरी में लिख रहा है कि ये कानून भारत में लागू होने से पहले एक भी किसान ऐसा नहीं था जो भूमिहीन हो, लैंडलेस हो। मैंने ये कानून बनाया और जमीनें छीनी, उसके बाद भारत के किसान भूमिहीन हुए, लैंडलेस हुए।
तो 10 करोड़ किसानों को जिस डलहौजी ने भूमिहीन बना दिया और जिस कानून के आधार पर उसने किसानों से जमीनें छीनी, वो कानून आज़ादी के 63वें साल में आज भी इस देश में चल रहा है और ऐसे ही चल रहा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई संशोधन नहीं हुआ। बस परिवर्तन इतना ही है कि अंग्रेजों की सरकार जो जमीनें किसानों से छीनती थी, अब भारत की सरकार वो जमीनें किसानों से छीन लेती, हजारों एकड़ जमीनें छीन लेती। आप जानते हैं हमारे देश की सरकारों ने कुछ योजनाएं बना रखी हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके SEZ, SEZ में हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनी गई है जबरदस्ती, इसी कानून के आधार पर, लैंड एक्विजिशन एक्ट। अंग्रेजों ने व्यवस्था ये बनाई थी कि भारत के किसानों से जब जमीनें छीनी जाएं तो कोई भी भारतीय किसान अंग्रेजों की अदालत में मुकदमा ना कर सके, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने की हुई थी। तो अंग्रेजों के जमाने के किसानों की जमीनें जाती थी तो अंग्रेजों की अदालत भी उस मुकदमे को सुनती नहीं थी। आज़ादी के 62-63 साल के बाद भारत में भी यही है, जिन जिन किसानों की जमीनें छीनी जाती हैं उनकी कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, हाई कोर्ट नहीं करता, किसानों को झक मार के जमीन देनी ही पड़ती। सरकार जब जमीन छीनती है किसानों से तो उसकी कीमत लगाती है 15 पैसे स्क्वायर फिट, 50 पैसे स्क्वायर फिट, 1 रुपए स्क्वायर फिट। फिर वही जमीन को सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचती है तो उसकी कीमत हो जाती है 1500 रुपए स्क्वायर फिट। किसान से जमीन छीनी जाती है 15 पैसे स्क्वायर फिट, वो जमीन कंपनियों को बेची जाती है 1500 रुपए स्क्वायर फिट, और सरकार किसान और कंपनी के बीच में एजेंट की तरह से काम करती है जैसे अंग्रेजों के ज़माने में होता था। तब मैं, हम सब अपने आप से पूछते हैं, देश आज़ाद हुआ है क्या? कोई स्वतंत्रता इस देश को मिली है? अंग्रेजों के ज़माने में लैंड एक्विजिशन एक्ट था, अंग्रेजों के जाने के बाद भी वही कानून चल रहा है। हमें लगता है कि आज़ादी अधूरी है, वो पूरी नहीं है। स्वतंत्रता तो आई नहीं है, आज़ादी भी अधूरी है। और एक उदाहरण देता हूँ आपको, अंग्रेजों की सरकार ने भारतवासियों से पैसे छीनने के लिए, धन संपत्ति छीनने के लिए कुछ कानून बनाए थे। मैं आपको अंग्रेजों के समय की एक घटना सुनाता हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दस्तावेजों पर आधारित है। 1857 में जब इस देश में क्रांति हुई, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, तो उसका परिणाम आपको शायद मालूम है या नहीं, 3 महीने में भारत की पूरी धरती, भारत की पूरी भूमि अंग्रेज विहीन हो गई थी, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को मेरठ नाम के एक शहर से, उत्तर भारत, और लोगों में इतना गुस्सा आ गया था अंग्रेजों के खिलाफ कि लोगों ने अंग्रेजों के घर जला दिए थे मेरठ शहर में, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था, और जो घर से निकलकर भागा उसकी गर्दन काट दी थी लोगों ने, और वो चाकू जो भाजी काटने वाला उससे गर्दन काटी थी, इतना गुस्सा लोगों में था। और मेरठ में जब सारे अंग्रेज मारे गए तो दिल्ली में शुरू हो गई ये क्रांति 11 मई को। 5 दिन में दिल्ली में हजारों अंग्रेजों का कत्लेआम हो गया, फिर बरेली में, फिर शाहजहाँपुर में, फिर अलीगढ़ में, फिर आगरा में, भारत के ऐसे 350 शहरों में ये क्रांति हुई थी, सतारा में और कोल्हापुर में, पूरे भारत में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, भारत का कोई स्थान बचा नहीं था जहां ये क्रांति ना हुई हो। उस क्रांति में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए थे, भारत के लोगों ने उनको मार डाला था, उन भारतवासियों ने मार डाला था जो अंग्रेजों से कभी डरते थे, घबराते थे, उन भारतवासियों ने अंग्रेजों को कत्लेआम कर दिया था जो चींटी को भी मारते नहीं, जो जानवरों को भी मारते नहीं, जीव जंतुओं को मारते नहीं, वो भारतवासी इतने गुस्से में और क्रोध में थे कि अंग्रेजों को कत्ल कर दिया। अंग्रेज बच नहीं पाए, मारे गए। 2-3 अंग्रेज बच गए उस क्रांति में और वो भागकर लंदन चले गए। तो उनको पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि तुम जिंदा कैसे बचे, बाकी तो कोई बच के नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम जिंदा ऐसे बचे कि हमने अपने शरीर पर काला रंग लगा लिया था और हम ऐसे ही दिखते थे जैसे भारतवासी, उसमें हम बच गए। भारतवासियों ने ये सोचा कि ये भी हमारे ही जैसा काला आदमी है, इसलिए छोड़ दिया हमको।
तो दो तीन अंग्रेज छूटकर भाग गए। उन अंग्रेजों से पूरी कहानी सुनी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और पूछा कि क्या क्या हुआ, तो उन्होंने विस्तार से बताया कि 350 से ज्यादा स्थानों पर भारत में ये क्रांति हुई, 4.5 करोड़ से ज्यादा भारतवासी इस क्रांति की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, करोड़ों करोड़ों भारतवासियों ने तलवारों का इस्तेमाल किया, हसीये का इस्तेमाल किया, चाकू का इस्तेमाल किया, बंदूकों का इस्तेमाल किया अंग्रेजों के खिलाफ, और ये पूरी क्रांति सशस्त्र क्रांति थी, हिंसक क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को कल्पना नहीं थी कि भारत में इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है उनके खिलाफ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अंग्रेज बचकर जिंदा पहुंचे उनसे पूछा गया कि इस क्रांति का मुख्य कारण बताओ, तो उन अंग्रेजों ने कहा कि हमने भारत में जो लूट मचाई वो सबसे बड़ा कारण, भारतवासियों की लूट हमने की और ये भारत को सोने की चिड़िया के देश से गरीब और भुखमरी वाला देश हमने बना दिया, ये पहला कारण। और अंग्रेजों ने कितनी लूटमार की है इस देश में उसका अंदाज़ा लगाना चाहें तो एक अंग्रेज अधिकारी के डायरी के पन्ने का एक वाक्य सुनाता हूँ आपको। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वो बंगाल में आया था। 1757 में उसने प्लासी का युद्ध लड़ा था, युद्ध के बाद वो बंगाल का राजा बन गया था, आप जानते हैं मीर जाफर की मदद से, और राजा बनने के बाद उसने बंगाल को लूटा था। तो कलकत्ता के कुछ मोहल्ले उसने लूटे थे और उनका धन लंदन लेके गया था, 7 साल उसने कलकत्ता को लूटा था। तो रॉबर्ट क्लाइव को ये पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बार कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए, तो उसने कहा भारत से नहीं लूट कर लाया, भारत के एक राज्य के एक शहर के एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया। उसने अपना स्टेटमेंट क्लैरिफाई किया, उसने कहा कि पूरे भारत से लूट कर लाने के लिए तो 1000 साल लगेंगे, इतना धन और संपत्ति भारत में है, मैं तो भारत के एक राज्य के एक शहर के एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर पूछता क्या लूट कर लाए तुम, तो उसने कहा सोने के कुछ सिक्के, चांदी के कुछ सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये सब लूट के लाया, कितना लेके आए, तो उसने कहा मालूम नहीं है कितना लेके आए, फिर भी अंदाजा बताओ, तो उसने कहा मैंने गिना नहीं है अभी तक कितना लाए, तो रफ एस्टिमेट बताओ, कुछ मूल मोटा मोटा आकलन बताओ। तब उसने जो उत्तर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहता है कि कलकत्ता शहर की संपत्ति को लूटकर लंदन लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े, 900 ships किराए पर लेकर मैंने वो संपत्ति उनमें भरी और उसको कलकत्ता से लंदन लेके आया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने पूछा कि ये शिप की बात कर रहे हो या बोट, नाव की बात कर रहे हो या जहाज की, उसने कहा शिप की बात कर रहा हूं, नाव में नहीं भर के लाया, जहाज में भर के लाया। तो फिर उसको पूछा गया कि जहाज का आकार बताओ, कितना बड़ा जहाज, कितनी उसमें धन संपत्ति आ सकती है, तो उसने कहा कि एक जहाज में कम से कम 70 मीट्रिक टन सामान आ सकता है, ऐसे 900 जहाज भर के मैं संपत्ति लाया। 70 मीट्रिक टन का माने होता है 70,000 किलोग्राम, 1 मीट्रिक टन में 1,000 किलोग्राम, तो ऐसे 900 जहाज भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, वो सब लूट कर ले गया एक अंग्रेज जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने लूटा इस देश को, फिर उसके बाद कर्जन ने लूटा, फिर लिलिथगो ने लूटा, फिर वेवेल ने लूटा, फिर इसके बाद डलहौजी ने लूटा, फिर विलियम वेंटिंग ने लूटा, और आखिरी लुटेरा अंग्रेजों का जो इस देश में आया वो माउंटबेटन था। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेके माउंटबेटन तक 84 गवर्नर जनरल इस देश में आए अंग्रेजों के, और हर एक ने लूटा, किसी ने 900 जहाज भर के, किसी ने 700 जहाज भर के, किसी ने 500, किसी ने 300, किसी ने 200, किसी ने 50, जैसी जिसकी क्षमता थी सब लूट कर ले गए इस देश को। और ये लूट इतनी बड़ी है कि दुनिया के किसी देश में इसका उदाहरण नहीं मिलता। और इस लूट का दुष्परिणाम था कि भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अंग्रेजों की लूट के बाद कंगाल और भिखारी देश बन गया। अंग्रेजों ने ये जो लूट मचाई इस देश में, इस लूट का अंदाजा हम लोगों ने लगाया पिछले 15 साल में दस्तावेजों के आधार पर,
अंग्रेजों ने इस देश में से लगभग 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। 300 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं इसका अंदाजा लगाना हो तो भारत सरकार की एक पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़ की होती है। एक पंचवार्षिक योजना जो 5 साल चलती है, और एक पंचवार्षिक योजना अगर 10 लाख करोड़ की है तो 30 पंचवार्षिक योजनाएं उस धन से इस देश में चलाई जा सकती हैं। इतना धन अंग्रेजों ने लूटा इस देश में से, वो सब ले गए यहां से। उसमें हमारा खजाना खाली हो गया, हम कंगाल हो गए, गरीब हो गए। वरना अंग्रेजों के पहले तो ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश था, सबसे श्रीमंत देश था। अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि इस देश के बारे में जब अंग्रेज आए थे पहली बार, जब इस देश में उन्होंने प्रवेश किया तो अंग्रेजों ने बहुत सारे सर्वेक्षण कराए थे इस देश के, सर्वे जिसको आप कहते हैं। उनमें पता चलता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था अंग्रेजों के आने के पहले। पूरी दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था उसका 33% माल अकेले भारत बेचता था। पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में होता था, और पूरी दुनिया में जो कुल आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की होती। कोई भी देश भारत के कंपटीशन में नहीं था उस समय। चीन नाम का एक देश था जो थोड़ा बहुत हमारा कंपटीशन करता था, लेकिन वो बहुत नीचे था। अब दुनिया के बाजार में 33% निर्यात करने वाला देश, दुनिया की कुल आमदनी का 27% अर्जित करने वाला देश, दुनिया के कुल उत्पादन का 43% उत्पादन करने वाला देश तो सोने की चिड़िया ही हो सकता है। और इस देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया, 3000 साल भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपना सामान बेचा करते थे। 3000 साल हम नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री हुआ करते थे। हमारा कपड़ा बिकता था, हमारा लोहा बिकता था, हमारे लोहे के बहुत सारे सामान बिकते थे। 36 तरह की वस्तुएं थी जिनका निर्यात इस देश से होता था। हम जो कपड़ा बनाते थे दुनिया के बाजारों में कैसे बिकता था आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भारत में एक मलमल नाम का एक कपड़ा बनता था, सूरत में बनता था, मालवा में बनता था, दक्षिण भारत में कोयम्बतूर के आसपास बनता था। वो मलमल का कपड़ा जब दुनिया के बाजार में बिकने के लिए जाता था तो तराजू के एक पलड़े में वो कपड़ा रखा जाता था, दूसरे पलड़े में उसके भार के बराबर सोना रखा जाता था, तब वो कपड़ा बिकता था। कारण क्या था? हम अकेले थे जो वो कपड़ा बनाते थे, मोनोपोली थी हमारी पूरी दुनिया में उस कपड़े। तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया और वजन के बराबर। आज से 300-400 साल पहले तक कपड़ा बिकता था वजन से, अभी कपड़ा बिकता है मीटर से, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। 300 साल बिकता था आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, और जितने वजन का कपड़ा उतने वजन का सोना मिलता था। अब 3000 साल कपड़ा बेच बेच कर हम सोना कमाते रहे, इसलिए सोने का भंडार इस देश में बढ़ा। हम लोहा बेचते थे, सारी दुनिया के देश हमसे लोहा खरीदते थे। आपको सुनकर हैरानी होगी, स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी सबसे पहले भारत में विकसित हुई 10वीं शताब्दी। कोई स्टील बनाना नहीं जानता था दुनिया में, हमने सबसे पहले स्टील बनाया और वो स्टील हम बेचते थे दूसरे देशों को। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की सारी कंपनियां पानी का जहाज बनाने के लिए स्टील भारत से खरीदते थे, और भारत का स्टील खरीद कर जब वो जहाज बनाया करते थे, एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी व्यक्ति था और एक बहुत बड़ा अंग्रेज, दोनों भारत में आए स्टील देखने के लिए कि भारत में स्टील क्या क्वालिटी का है। तो यहाँ से कुछ स्टील वो खरीद के ले गए और उनकी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पता चला उससे अच्छा स्टील कोई बनाता नहीं दुनिया। उन्होंने दो बातें कही, उन्होंने कहा भारत के स्टील में सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये रस्ट फ्री है, इसमें जंग नहीं लगता कितने भी पानी में डाल के रखो, और दूसरी क्वालिटी ये है कि ये क्वालिटी में बहुत ऊंचा है, और तीसरी है कि ये सस्ता बहुत है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहां से स्टील खरीदते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने लिखा है कि भारत के स्टील से जो जहाज वो बनाते थे पानी का, वो जहाज कम से कम 65 से 70 साल चलता था, और अंग्रेजी स्टील से जो जहाज बनाया जाता था वो 15 साल में ही टूट जाया करता। ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारियों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हम भारत में जहाज खरीदने आते थे,
नया जहाज खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो पुराना खरीद के ले जाते थे। जो जहाज भारत में 50 साल चल चुका होता था उसको हम खरीदते थे और उस जहाज को रिपेयरिंग करके और 20-25 साल हम चलाते थे। इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील भारत में बनता। आप जानते हैं कि पानी का जहाज हमेशा पानी में रहता है, इसलिए उसमें जंग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन भारत के स्टील के जहाज 60 साल 70 साल 75 साल बिना जंग के काम करते थे। इस क्वालिटी का स्टील बनता था, इस क्वालिटी के जहाज बनते और सारी दुनिया में ये बिकते थे। उसके बदले में भी हमें सोना ही मिलता था। हम लोहा बेचते थे और सोना लेके आते थे, कपड़ा बेचते थे सोना लेके आते थे। ईंटें बनती हैं इस देश में, पतली ईंट बनती है जिससे हमारे किले बनाए गए हैं। भारत के सभी महापुरुषों के बनाए हुए किले को देखेंगे तो बहुत पतली ईंट के हैं, जिनकी उम्र 500 से 1000 वर्ष है। वो किले में कहीं क्रैक नहीं है, क्योंकि ईंट और जो कैल्शियम है, चूना है, उसके उपयोग से बनाए गए हैं। सीमेंट का कोई भी मकान दूसरे तीसरे साल में क्रैक आ जाता है, क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। चूने की क्वालिटी इतनी अच्छी, चूना हम बनाते थे, ईंट बनाते थे, उसे बेचते थे। ऐसी 36 तरह की चीज़ें हम बना के बेचते थे। सब चीज़ों के बदले में सोना मिलता था, क्योंकि उस समय एक्सचेंज जो होता था वस्तुओं का, वो सोने से ही होता था। इसलिए हजारों साल दुनिया का सोना भारत में आया, और वो सोना इतना आया कि हमने उसको अपने शरीर पर पहना, शरीर पर लादा, घर में सजावट के लिए इस्तेमाल किया, फिर भी बच गया तो हमने दान कर दिया और उसके मंदिर बन गए इस देश में। दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है, कहीं सोने का गिरजाघर नहीं है, इस देश में सोने के मंदिर हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो 13,000 से ज्यादा थे। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सर्वेक्षण किया तो उन्होंने लिस्ट बनाई है कि 13,780 सोने के मंदिर हैं भारत, और एक एक मंदिर के पास सैकड़ों मीट्रिक टन सोना होता था। अंग्रेजों के दस्तावेजों में दर्ज है गुरुवायूर का मंदिर केरल में, फिर उसके बाद तमिलनाडु के मंदिर, तंजौर के मंदिर, फिर उसके बाद हमारा तिरुपति बालाजी का मंदिर। ऐसे हिंदुस्तान में 13,000 से ज्यादा मंदिरों में टनों टन सोना लगा हुआ है, और अंग्रेज लिख रहे हैं कि इस सोने को ही लंदन ले जाना पड़े तो 1000 साल लगेंगे। इतना धन संपत्ति इस देश में था। एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया पूरा। उस मैकॉले का एक भाषण का एक वाक्य सुनाता हूँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो एक भाषण दे रहा है 2 फरवरी 1835 को, और वो बोल रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया। मैंने संपूर्ण भारत देश को देख लिया। लेंथ एंड ब्रेथ माने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब जगह में भारत में घूम लिया। और वो कहता है कि आई हैव स्पेंड 17 ईयर्स कंटिन्यूस इन इंडिया। वो कहता है 17 साल में भारत में रहा, पूरा भारत मैंने घूमा। और घूमने के बाद वो कहता है, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री। वो कहता है सारे भारत को घूमा मैंने, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 17 साल घूमा, एक भी आदमी पूरे भारत में मुझे ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो और चोर हो। क्यों? वो कहता है सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है इतना धन और इतनी संपत्ति मैंने इस देश में देखी है कि कोई व्यक्ति इस देश में भिखारी हो ही नहीं सकता और चोरी कर ही नहीं सकता। चोरी कौन करेगा? जिसके पास संपत्ति नहीं। भिखारी कौन होगा? जिसके पास धन नहीं है। वो कहता है एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास धन और संपत्ति ना हो, इसलिए कोई चोर नहीं है, कोई भिखारी नहीं। और अपने भाषण में वो कहता है कि भारत के 17 साल के प्रवास में मैंने एक भी घर नहीं देखा जहां ताला कोई लगाता, और ताला नहीं लगाते उसके पीछे कारण क्या है? चोरी का किसी को डर ही नहीं है। और चोरी का डर क्यों नहीं है? क्योंकि चोर नहीं है इस देश में कोई। फिर वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति है, एक एक घर में मैं कभी जाता हूं तो वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे चने का ढेर होता है, गेहूं का ढेर होता है। एक एक घर में इतना सोना, एक एक घर में इतने सोने के सिक्के। वो कहता है इस देश को हम कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। क्यों?
क्योंकि इंग्लैंड से कई गुना ज्यादा पैसे वाला ये देश है। इसलिए इस देश को अगर गुलाम बनाना है तो लूटना पड़ेगा, पहले इस देश की संपत्ति को लेके जाना पड़ेगा लंदन। जब ये देश गरीब होगा तभी अंग्रेजों का गुलाम बनेगा, अन्यथा नहीं। ये उसका लंबा भाषण है। ये भाषण बताता है कि कितना पैसे वाला, कितना संपत्ति वाला, कितना समृद्धशाली देश था। फिर यही भाषण बताता है कि अंग्रेजों ने किस तरह से लूट मचाई इस देश की, जो आज दुनिया का सबसे गरीब देश हो गया। तो इस लूट के खिलाफ भारतवासियों का विद्रोह हुआ था 1857 में, और भारतवासियों ने अंग्रेजों को मार भगाने की कसम खाई हुई थी, और वो कसम उन्होंने पूरी की थी। 10 मई से विद्रोह शुरू हुआ, 1 सितंबर 1857 तक सारे अंग्रेज इस देश में मारे गए, एक भी जिंदा नहीं बचा। यूनियन जैक उनका हर जगह से उतर गया, और हर जगह भारत के राजाओं के, रियासतों के झंडे उस समय फहराने लगे। उस समय तिरंगा झंडा नहीं होता था इस देश में, हर राज्य के अपने अपने झंडे हुआ करते थे। सतारा राज्य का अपना झंडा था, ये कोल्हापुर रियासत थी इसका अपना झंडा था, पुणे रियासत का अपना झंडा था, सभी राज्यों के झंडे इस देश में थे। यूनियन जैक खत्म हो चुका था। उस स्थिति में अंग्रेजों ने जब बहस की ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ये कहा कि हमें भारत में फिर से जाना है और भारत को फिर से लूटना है, तो कैसे संभव है? तो जो अधिकारी जिंदा बचकर यहां से लंदन वापस गए थे, तो उन्होंने कहा ये एक ही रास्ते से संभव है कि भारत के कुछ राजा, भारत की कुछ रियासतें अगर अंग्रेजों की मदद करें तभी अंग्रेज दोबारा भारत में जा सकते हैं। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई कि कौन कौन से राजा हैं भारत में जो अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं, कौन कौन सी रियासतें हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो अंग्रेजों की संसद में एक सूची बनाई गई, उस सूची में सबसे पहला नाम सिंधिया परिवार, सबसे पहला, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहला नाम आया। और सिंधिया परिवार के बारे में अंग्रेज अधिकारियों ने कहना शुरू किया कि ये तो इतना अच्छा परिवार है हमारे लिए, हम इन पे हमेशा भरोसा कर सकते हैं। एक अंग्रेज कह रहा है कि हम अपने पे जितना भरोसा नहीं कर सकते उससे ज्यादा सिंधिया परिवार पे भरोसा कर सकते हैं, इस परिवार की हमें जरूर मदद मिलेगी, हमें भारत वापस चलना चाहिए। दूसरे परिवार का नाम आया ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिससे अंग्रेजों को बहुत मदद मिले, पटियाला राजघराना। आप जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम आपने सुना है, जो पंजाब का मुख्यमंत्री रहा, वो उसी राजघराने का है, पटियाला राजघराना। दूसरा नाम उनका आया। तीसरा नाम आया जींद के एक राजा का, हरियाणा में एक रियासत हुआ करती थी जींद, वहां के राजा का नाम था। चौथा नाम आया हैदराबाद के निजाम का, सालार जंग का। ऐसे करके अंग्रेजों ने 20-25 नाम छांटे। इनके नाम ब्रिटिश पार्लियामेंट में दर्ज हैं, बहस में दर्ज हैं कि ये वो परिवार हैं जिनसे हमको मदद मिलेगी। फिर इन सब परिवारों को अंग्रेज सरकार की चिट्ठी आई, वो चिट्ठी की कॉपी भी वहां रखी हुई है जिसमें लिखा गया कि आपने हमेशा अंग्रेजों की मदद की है, अब फिर हमारी मदद कीजिए, हम भारत को फिर से आना चाहते हैं लूटने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। तो इन परिवारों की तरफ से जो चिट्ठियां गई वो बहुत ही शर्मनाक है। सिंधिया परिवार से चिट्ठी गई, उसमें कहा गया कि हम तो हमेशा से आपके, आप बिल्कुल शक मत करिए, आप वापस आइए इस देश, हम आपको अपनी सेना देंगे, पैसे देंगे, आपको जो चाहिए वो मदद करें। ये जो हैदराबाद का निजाम था इसने चिट्ठी भेजी, उसने कहा मेरी पूरी सेना आपके लिए है, मेरा पूरा खजाना आपके लिए। जींद के राजा ने कहा सब कुछ मैं आपको नौछावर कर दूंगा। तो ऐसे 20-25 राजघराने इस देश में निकले जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करने की कसम खाई, और उनकी मदद से अंग्रेज दोबारा इस देश में आए, और दोबारा फिर इस देश के क्रांतिकारियों को उन्होंने कत्लेआम किया, भारत के कुछ राजाओं की सेना की मदद से। और वो कत्लेआम करने के बाद इस देश पर फिर से अंग्रेजों का राज्य स्थापित किया उन्होंने। और दूसरी बार जब राज्य स्थापित किया तो वो कंपनी का नहीं था, अंग्रेज सरकार का राज्य स्थापित किया। उसके पहले इस देश में 100 साल कंपनी का राज चला, ईस्ट इंडिया का। उसके बाद अंग्रेजी सरकार की स्थापना हो गई इस देश में, और जब अंग्रेज सरकार फिर से बन गई इस देश में, तब बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अब हमें भारत में कुछ भी करना है तो कानून बना के करना है, अब तक हम बिना कानून बनाए काम करते थे, अब जो करेंगे वो कानून बनाकर करेंगे। क्यों?
तो अंग्रेजों ने आपस में एक दूसरे को कन्विंस किया वो ये कि दुनिया का कोई भी देश जब भी हमसे कहेगा कि आप भारत को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो हम जवाब देंगे हम तो भारत में कानून का शासन स्थापित कर रहे हैं। अब उसमें भारत की लूट होती है तो हम क्या करें। अंग्रेजों की चालाकी देखिए कि आपको सीधे लूटेंगे तो बदनामी होगी, कानून बना देंगे लूटने का तो बदनामी नहीं होगी, लूटना तो आपको है ही। इसको ऐसे समझिए कि कोई आपकी जेब काटे तो आप चिल्लाओगे मेरी क्यों जेब काट रहा है। फिर अगर वो जेब काटने का कानून बन जाए इस देश में और कोई व्यक्ति जेब काटे तब आप क्या चिल्लाओगे, कानून बन गया, वो तो कानून का पालन हो रहा है भले आपकी जेब कटे उसमें। तो अंग्रेजों की संसद ने जो कानून सबसे पहले बनाए वो कानूनों के बारे में कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की संसद में पहली बहस हुई कि 1857 की लड़ाई में भारत ने जो क्रांति की है उसमें पैसा कहां से आया, क्योंकि उस समय की क्रांति में करीब 480 कोटी रुपए खर्च हुए, 480 करोड़ रुपए खर्च हुए 1857 की क्रांति में, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अगर इसको आज के हिसाब से समझना हो तो 300 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रुपए का अवमूल्यन उतना हो चुका है तब से। इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हुई थी 1857 की क्रांति में पूरे देश में। तो अंग्रेजों ने इस पर बहस की कि ये पैसा दिया किसने, तो अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों ने कहा कि उद्योगपतियों ने दिया, व्यापारियों ने दिया, किसानों ने दिया, कारीगरों ने दिया, ये सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके क्रांतिकारियों को दिया। तब अंग्रेजों ने तय किया कि अब भारत में ऐसा कानून बना दो कि आगे कभी भी किसी क्रांतिकारी को लोग पैसा ना दे पाए और लोगों के हाथ में पैसा रहने ही नहीं पाए, सारे पैसे उनके हाथ से छीन लो। तो भारत के लोगों से पैसे छीनने के लिए, धन छीनने के लिए सबसे पहला कानून इस देश में बना, उसका नाम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। और अंग्रेजों ने जब ये कानून बनाया तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जब उन्होंने बनाया 1860 में और इसको लागू किया पूरे देश में, तो रकम कितनी छीननी है, धन कितना छीनना है, तो अंग्रेजों ने कहा 97% ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया। माने कोई हिंदुस्तानी 100 रुपए कमा रहा है किसी भी व्यापार से तो उसमें से 97 रुपए इनकम टैक्स में ले लेना है, माने उसके पास सिर्फ 3 रुपए बचेंगे। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि कोई कमाई करेगा तो कमाई तो तब करेगा जब कुछ सामान पैदा करेगा, उत्पादन करेगा, तो उत्पादन पर कर लेना है उनसे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और ये अंग्रेजों ने लगाई 350%। 100 रुपए का सामान पैदा करो तो 350 रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई व्यक्ति सामान बनाएगा तो बेचेगा जरूर, तो बेचने पर उससे टैक्स लेना है, तो उन्होंने एक टैक्स बना दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, वो 180% से 250% होता था। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि सामान बनाएगा तो कर भरेगा, बेचेगा तो टैक्स देगा, बेचकर मुनाफा कमाएगा तो टैक्स देगा, सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा फिर टैक्स लेना उससे। तो वो टैक्स क्या क्या है, अंग्रेजों की बनाई गई सड़क पर से जाएगा तो रोड टैक्स लेना, अंग्रेजों के बनाए गए पुल से जाएगा तो टोल टैक्स लेना, जिस गांव में सामान बनाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लेना, ऐसे कर करके उन्होंने सारे टैक्स के कानून ला दिए इस देश। उद्देश्य क्या था, एक ही उद्देश्य, भारतवासियों से पैसे छीनने हैं, भारतवासियों से धन छीनना है, संपत्ति छीननी है और उसको लंदन लेके जाना है। जब ये कानून लागू हो गए, इंडियन इनकम टैक्स आ गया, सेंट्रल एक्साइज आ गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स आ गया, रोड टैक्स आ गया, टोल टैक्स आ गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स आ गया, बीसियों तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए, तब लूट और ज्यादा हो गई इस देश की। और उस लूट का दुष्परिणाम ये निकला कि धन तो सारा लंदन चला गया, इस देश के सारे उद्योग खत्म हो गए, क्योंकि किसी उद्योग पर आप 350% एक्साइज ड्यूटी लगा दोगे तो कितना महंगा कर दिया आपने उस सामान, फिर सेल्स टैक्स लगा दोगे, फिर इनकम टैक्स ले लोगे, फिर रोड टैक्स ले लोगे, फिर टोल टैक्स ले लोगे, अल्टीमेटली दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत की वस्तुएं महंगी होती गई,
और वो वस्तुएं बाजार में बिकना कम होती गईं, तो भारत का एक्सपोर्ट खत्म हो गया, निर्यात खत्म हुआ, तो दूसरे देशों से जो सोना चांदी आता था वो बंद हो गया, और धीरे धीरे आमदनी इस देश की घटती गई घटती गई घटती गई। आज भारत की हैसियत दुनिया में ऐसी है कि 200 देशों में सबसे गरीब देशों में भारत का नंबर आता है। आज से थोड़े साल पहले तक दुनिया के 200 देशों में सबसे अमीर देशों में भारत का पहला नंबर आता था। इतना परिवर्तन हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं आज की बात कि अंग्रेजों ने तो इनकम टैक्स लगाया, सेंट्रल एक्साइज लगाया, टोल टैक्स लगाया, रोड टैक्स लगाया, हाउस टैक्स लगाया, कॉरपोरेशन टैक्स लगाया, सारा धन लूट के लंदन ले जाने के लिए। वो विदेशी थे, लूट का सारा धन लंदन लेके जाना है, ये उनका घोषित उद्देश्य था। वो कोई सेवा करने नहीं आए थे इस देश में, कोई धर्मादा खाता खोलने नहीं आए थे। अब होना क्या चाहिए था, 15 अगस्त 1947 को आजादी आई, तो आजादी आते ही लूट के जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए टैक्सेशन के नाम पर, वो सब खत्म होने चाहिए थे, सब कानून जला देने चाहिए थे। लेकिन आजादी के 62-63 साल के बाद भी वो सारे कानून लगे हुए हैं इस देश में। इनकम टैक्स भी है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है, बस नाम बदल गया है, वैल्यू एडेड टैक्स, रोड टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है, कॉरपोरेशन का टैक्स है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। बस अंतर इतना है कि गोरे अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे वो 23 थे, काले अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखे हैं वो 64 हैं, 64। गोरे अंग्रेज लूट लूट के सारा धन टैक्स के माध्यम से लंदन में जमा कर रहे थे, ये काले अंग्रेज आपसे धन लूट लूट कर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। देश में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आप सोचिए, अंग्रेज लूटे 23 टैक्स लगा के, अंग्रेजों के बाद की सरकार आपको लूटे 64 टैक्स लगा के, और फिर भी पेट ना भरे सरकार का, हर साल एक नया टैक्स, हर साल एक नया टैक्स, हर साल। अंग्रेजों ने कभी जिंदगी में सर्विस टैक्स नहीं लगाया इस देश में, काले अंग्रेजों ने लगा दिया सर्विस टैक्स, माने सेवा करना भी अब टैक्स भर के। पहले तो भारत में कहा जाता है कि भारत सेवा करने वालों का देश है, जो भी सेवा करें उनको टैक्स भी भरना पड़े इस देश में। और ये काले अंग्रेज तो इतने खतरनाक हैं कि गोरे अंग्रेज साल में अंतिम समय टैक्स वसूला करते थे, ये काले अंग्रेज तो एडवांस में ही पूरा टैक्स वसूलते हैं आपसे। आप गाड़ी खरीदने जाइए चार पहिए की, तो खरीदते समय पूरी जिंदगी भर का रोड टैक्स आपसे ले लेंगे। चाहे गाड़ी आप 6 महीने चला के उसको तोड़ दें, फोड़ दें, वो टूट जाए, उनको लेना देना नहीं, पूरी जिंदगी भर का टैक्स आपसे ले लेंगे। तो एक बार रोड टैक्स ले लिया, अब उस गाड़ी को लेकर जब सड़क पर चलेंगे तो हर 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स अलग से लेंगे। इतने हरामी और बेईमान है ये काले अंग्रेज। हम पैसे देते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स के रूप में, ताकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमको सुविधा दे उस पैसे से। मुझे अभी पता चला कि कोल्हापुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 100 करोड़ का जो आप टैक्स देते हैं, उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक 48 किलोमीटर की सड़क बनाने का ठेका दे दिया है किसी को 233 करोड़ में, 270 करोड़ में 48 किलोमीटर की सड़क बन रही है। ये बन के तैयार हो जाएगी तो आपसे टोल टैक्स लेने की तैयारी चल रही है। आपके टैक्स के पैसे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास और पैसा आएगा कहां से? आपने टैक्स दे दिया एक बार कॉरपोरेशन को, पेट भर जाना चाहिए उनका, वो नहीं भर रहा है, उस टैक्स के पैसे से सड़क बन रही है, उस सड़क पर आप चलेंगे तो टोल टैक्स अब आपको जिंदगी भर 30 साल के लिए देना पड़ेगा। ऐसी लूट मचा रखी है इन काले अंग्रेजों, सारे देश में ये लूटमार है टैक्स की। और इस लूटमार के 3 दुष्परिणाम हैं। सबसे पहला दुष्परिणाम है कि जो चीजें सस्ती होनी चाहिए वो 64 तरह के टैक्स लगने से बहुत महंगी है। डायरेक्ट टैक्स तो 2 लगे हुए हैं इस देश में, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स, और 62 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगे हुए हैं। और आपको मालूम है, थोड़ा भी अर्थशास्त्र का ज्ञान हो तो डायरेक्ट टैक्स की जो मार पड़ती है वो किसी अमीर के ऊपर होती है, श्रीमंत के ऊपर होती है,
लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जो मार होती है वो गरीबों पर सबसे ज्यादा पड़ती है, गरीब मार खाते हैं उसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की। और इस देश में उसके दुष्परिणाम ये हैं, जो चीज आपको 1 रुपए में मिलनी चाहिए वो 70 रुपए में मिल रही है, जो 70 रुपए में मिलनी चाहिए वो 7,000 रुपए में मिल रही है। ऐसी लूट मची। मेरे हाथ में एक बॉल पेन है, ये बाजार से आप खरीदो 10-12 रुपए का मिलेगा, ये फैक्ट्री में सिर्फ 1.5 रुपए का बनता है। मेरे हाथ में एक रिस्ट वॉच है, आप इसको बाजार से खरीदो 500-550 रुपए की बनेगी मिलेगी, ये कारखाने में 70 रुपए की बनती है। आप एक सीमेंट का पैकेट बाजार से खरीदते हैं ना 246-250 रुपए का, फैक्ट्री में वो 76 रुपए का बनता है। 1 लीटर पेट्रोल जो आप बाजार से 50 रुपए में खरीदते हैं वो 12 रुपए में तैयार होता है। 1 लीटर डीजल जो आप 35 रुपए में खरीदते हैं वो 7.5-8 रुपए में बनता है। 1 लीटर केरोसिन जो आप बाजार से 20-25 रुपए में खरीदते हैं वो 7-7.5 रुपए का 1 लीटर होता है। कोई भी चीज जो आप खरीद रहे हैं बहुत महंगी कीमतों पर, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है टैक्स और दूसरा बड़ा हिस्सा है कंपनी का प्रॉफिट, दोनों मिलकर आपको लूट रहे हैं। और ये टैक्स के माध्यम से हम जो धन देते हैं हमारी सरकारों को, वो कोई थोड़ा बहुत नहीं है। हम लोगों ने एक बार हिसाब निकाला, केंद्र सरकार को जो हम टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को जो टैक्स देते हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो टैक्स देते हैं, वो एक साल में कुल मिलाकर 20,00,000 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार को हम एक साल में देते हैं 6.25 लाख करोड़ रुपए टैक्स में। 31 राज्य हैं इस देश में, सभी राज्यों की राज्य सरकारों को हम देते हैं 12,00,000 करोड़ रुपए एक साल में, और करीब 2,00,000 करोड़ रुपए हम देते हैं 2 से 2.5 लाख करोड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। कुल मिलाकर 20,00,000 करोड़ रुपए सालाना हम टैक्स में दे देते हैं। अब इतना रकम हम सरकार को टैक्स में दे देते हैं, केंद्र को, राज्य को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, ये कितनी बड़ी रकम है अंदाजा है आपको? इस 20,00,000 करोड़ रुपए को अगर आप टैक्स में ना दें, एक मिनट के लिए सोचें, सरकार को ना दें, टैक्स में ना दें, ये सारी रकम गरीबों में ऐसे ही दान कर दें, तो पूरी गरीबी इस देश में एक साल में ही खत्म हो जाती। और अगले साल इस रकम को आप बेरोजगारों को दान कर दें तो बेरोजगारी दूसरे साल में खत्म हो जाती। फिर इस रकम को तीसरे साल लोगों को दे दें तो इतनी रकम से जो सोना आता है, भारत के 6,38,365 गांव की सड़क सोने से बन जाती है। और चौथे साल फिर ये रकम आप दे दें लोगों को तो एक सड़क सोने से बनी, उसके ऊपर दूसरी सड़क फिर सोने से हम बना सकते हैं। और 4-5 साल के बाद तो मैं सोचने लगा कि क्या करें 20,00,000 करोड़ का, समझ में नहीं आता। मतलब देश का विकास करना 20,00,000 करोड़ रुपए सालाना के टैक्स में 5 साल में ही संभव है। 5 साल से ज्यादा नहीं लगेगा इस देश को विकास होने, गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब दूर हो जाती है। लेकिन ये सरकारें 62-63 साल से टैक्स लेती जा रही हैं, हमारी ना गरीबी दूर कर पा रही है, ना बेकारी दूर कर पा रही है, ना पीने का पानी दे पा रही है, ना चलने को सड़क दे पा रही है, ना दवाएं हमारे पास हैं, ना डॉक्टर हमारे पास हैं, ना स्कूल हमारे पास हैं, ना स्कूलों में टॉयलेट हमारे पास हैं। मुझे बहुत दर्द होता है ये कहते हुए, आज़ादी के 63 साल में इस देश के 3.5 लाख गांवों में पूरा अंधेरा है, बिजली नहीं है, आज़ादी के 63 साल। लगभग 2.5 से 3 लाख गांवों में चलने की सड़क नहीं है, लगभग 3 लाख गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवा नहीं है। 50 करोड़ भारतवासी निरक्षर हैं, जिनको हम पढ़ा नहीं सके आजादी के 62-63 साल। 18 करोड़ विद्यार्थी इस देश में भर्ती होते हैं पढ़ने के लिए और मात्र 1 करोड़ रह जाते हैं। 17 करोड़ को स्कूल बीच में ही छोड़ देना पड़ता है क्योंकि फीस के पैसे नहीं होते उनके पास। इस देश में 18 करोड़ विद्यार्थियों में से 17 करोड़ अगर ड्रॉप आउट्स हों तो शिक्षा किसको दे रहे हैं और कैसी दे रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आजादी के 63वें साल में इस देश की आधी से ज्यादा माताएं बच्चों को जन्म देने के समय मरने की स्थिति में आ जाती हैं,
क्योंकि शरीर में ताकत नहीं होती है, क्योंकि खाने के लिए खुराक नहीं मिलती है। और जो माताएं बच्चों को जन्म दे देती हैं, उनमें से आधे बच्चे अपनी उम्र के तीसरे महीने में ख़त्म हो जाते हैं। इस देश में वो चौथा महीना अपना जन्मदिन नहीं मना पाते। इस देश में वनवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को लकड़ियां चुन चुन के खाना पड़ता है पेट की भूख मिटाने के लिए, और जहरीली लकड़ियां हो तो उनको मर जाना पड़ता है इस देश में। ऐसे समाचार रोज हम सुनते हैं। क्या हुआ, आजादी के बाद हम 20 लाख करोड़ का हर साल टैक्स भरे और देश का विकास ना होए? क्या क्या हो रहा है, जा कहां रहा है पैसा? बहुत दिन हम लोग इस उलझन में थे कि हम 20 लाख करोड़ सालाना टैक्स भरते हैं, फिर हमारा पैसा जाता कहां है? हम तो सरकार को ईमानदारी से दे देते। इस देश के एक प्रधानमंत्री ने इसका रहस्य उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत में आम आदमी के लिए जब मैं पैसा भेजता हूं टैक्स का, तो एक रुपए में से सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता है उसके पास, 85 पैसा लूट जाता है, हम खा जाते हैं नेता और अधिकारी मिलकर। और ये बात कही थी भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। उन्होंने कहा था कि हम नेता और अधिकारी इस देश को जोंक की तरह से चूस रहे हैं, इस देश का विकास नहीं कर रहे हैं। और एक बार हिम्मत से उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस देश की राजनीति की सफाई करनी है ऐसे दलालों से जो देश को जोंक की तरह से नोच रहे हैं, वो देश का विकास नहीं होने दे रहे, ऐसे दलालों से मुझे इस देश को मुक्त कराना। लेकिन नहीं हो पाया। राजीव गांधी ने 1984 में ये कहा कि एक रुपया जब दिल्ली से भेजा जाता है तो 15 पैसा पहुंचता है। अब 2009 की स्थिति ये है कि एक रुपया जब दिल्ली से भेजा जाता है तो 10 पैसा भी नहीं पहुंचता। 90% लूट हो जाती है आपके धन की, आपके संपत्ति की। हम सुना करते थे इतिहास में कि इस देश में कुछ डाकू हुए, डाकू मोहर सिंह, डाकू माधो सिंह, डाकू जालिम सिंह, जो लूटते थे लोगों को। लेकिन मुझे तो वो आज के नेताओं से ज्यादा अच्छे लगते, क्योंकि मैंने उन डाकुओं के बारे में पढ़ा है। वो लूटते थे अमीरों को और गरीबों की बेटियों की शादी कराते थे उस पैसे से। वो लूटते थे अमीरों को और गरीबों को दे देते थे वो पैसा। तो उनमें थोड़ी मानवता थी, थोड़ी सामाजिकता थी, भले वो लूटते थे। लेकिन आज के ये जो नए डकैत पैदा हुए हैं जिनको नेता और अधिकारी कहते हैं, ये तो सब लूट लूट के अपने ही घर में भरते, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपनी बेटी को, अपने कुत्ते को, अपनी बिल्ली को, अपने ही लोगों को। ये तो सारे अकेले लूट के खा रहे हैं इस देश के धन। हमारे देश की आजादी के पिछले 63 वर्षों में जो नेता हुए हैं जिन्होंने देश की सत्ता व्यवस्था संभाली है, ऐसे नेताओं के बारे में एक रिसर्च का काम हम लोगों ने शुरू किया है। और वो रिसर्च इस बात की है कि जब ये सत्ता में आए थे तो इनके पास कितना धन और संपत्ति था, और सत्ता में आने के थोड़े ही दिनों में कितना धन और संपत्ति हो गया। तो वो लिस्ट जब बनी तो पता चला कि देश के लोगों का तो विकास नहीं हुआ, पुढ़ारियों का विकास हुआ है, नेताओं का विकास हुआ है। देश का विकास तो नहीं हुआ, अधिकारियों का विकास हुआ है इस देश में। मतलब सीधा सा ये है कि हर साल जो टैक्स का धन आप दे रहे हैं 20 लाख करोड़, उसका 90% लूट कर नेता और अधिकारी अपना घर भर रहे हैं, स्विस बैंकों में जमा कर रहे हैं, 10% विकास के काम में लग रहा है। विकास इसलिए नहीं हो रहा है देश का। आप तो दे रहे हैं धन विकास के लिए, लेकिन वो लूट रहा है पूरे देश का। तो दर्द हमारे दिल में यही है कि पहले अंग्रेज लूटा करते थे जिस धन को, लंदन ले जाते थे, अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं उस धन को, स्विट्जरलैंड ले जा रहे हैं। व्यवस्था तो वही चल रही, नीतियां तो वही चल रही हैं, नियम तो वही चल रहे हैं। लूट तो हम तब भी रहे थे, लूट आज भी रहे। इसलिए इस देश की इस व्यवस्था को, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, मैं मजाक में कहता हूं कि लोकतंत्र नहीं है, लूटतंत्र है। ये कहीं से भी नहीं दिखाई देता कि ये लोकतंत्र। हम जब नेताओं से बात करते हैं, पुढ़ारियों से बात करते हैं, तो सीधा सवाल करते हैं कि भाई आपको 20 लाख करोड़ पिछले साल टैक्स में दिया, विकास क्यों नहीं हुआ? 20 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती। तो वो कहते हैं कि इस सिस्टम में लीकेज है, और लीकेज में वो चला जाता है। लीकेज का मतलब समझते हैं, लूट मारी की व्यवस्था इस तंत्र में है, वो उसमें चला जाता है।
तो इस लीकेज को जब तक भरेंगे नहीं, लूटमारी की व्यवस्था को जब तक आप रोकेंगे नहीं, इस धन को बचाएंगे नहीं, विकास इस देश का हो नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने भारत स्वाभिमान अभियान बनाया और इसको शुरू किया है, वो इसी संकल्प के साथ शुरू किया है कि गोरे अंग्रेजों ने लूटखोरी की जो व्यवस्था बनाई, काले अंग्रेजों ने जो लूटखोरी की व्यवस्था पिछले 63 साल से चलाई, अब इस व्यवस्था को चलने नहीं देंगे और इसको पूरी तरह से बंद करेंगे। लूटखोरी को, देश का धन देश के विकास में काम आएगा और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएगा। इस संकल्प को लेकर हमने भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया। आप बोलेंगे क्या हमारा संकल्प पूरा होगा? हमें भरोसा है कि पूरा होगा। आप बोलेंगे क्यों हमें संकल्प है कि ये पूरा होगा? हमें संकल्प ये इस बात से आता है कि अगर भारत के लोगों ने जागरूक होने के बाद गोरे अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से भगा दिया, जिनकी दुनिया 50 देशों में चलती थी, जिनका साम्राज्य दुनिया में 50 देशों में चलता था, जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था, ऐसे गोरे अंग्रेजों को भारतवासियों ने अगर मार के भगा दिया इस देश से, तो हमें विश्वास है कि आज के काले अंग्रेजों को भी ये भारतवासी मार के भगा देंगे। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहकार चाहिए, ये संकल्प हमारा पूरा हो। आप बोलेंगे क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं? हमारे इस भारत स्वाभिमान अभियान के हमने जो उद्देश्य बनाए हैं, उसमें सबसे पहला उद्देश्य यही है कि लूट की जो व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, इसको पूरा खत्म करना है, इसको बदलना। और लूट का जो धन अंग्रेज यहां से ले गए और काले अंग्रेज जो ले जा रहे हैं, ये दोनों ही धन को भारत में वापस लाना है। आप बोलेंगे क्या संभव है ये? हाँ, संभव है। अंग्रेजों ने 300 लाख करोड़ रुपए लूटा है, उसके सारे प्रमाण और दस्तावेज अब हमारे हाथ में है। अब तक तो हमें भी पता नहीं था कि कितना लूटा है, अंदाजा हम लगाते थे। भारत में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं अंग्रेजों के जमाने के, और अंग्रेजों की संसद में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं अंग्रेजों के जमाने के, दोनों दस्तावेजों के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि 300 लाख करोड़ रुपए उन्होंने लूटा है, और इस लूट की रकम को हम अंग्रेजों से वापस ले सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे ले सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा करके ये रकम हम वापस ले सकते हैं। बस इसमें हमें इतना ही करना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने हमको लूटा, हमारे जैसे 50 और देशों को लूटा है, भारत के जैसे 50 और देशों को लूटा है, उन 50 देशों का संगठन खड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 50 देशों की तरफ से मुकदमा करना होगा, और वो सभी देश इसको सिद्ध कर देंगे कि उनका धन इतना है, उनका धन इतना है, तो वो सब वापस देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि कोई देश किसी दूसरे को लूट नहीं सकता, उस कानून का आधार लेके हम ये मुकदमा कर सकते। और अंग्रेज इस मुकदमे में हार जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ दुनिया के 50 नहीं 100 देश तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनका धन और उनकी संपत्ति भी उन्हें वापस चाहिए। आप बोलेंगे तो 63 साल किया क्यों नहीं हमने? हमारे देश की संसद में कई बार बहस हुई इस विषय पर कि जो धन अंग्रेज लूट कर ले गए हैं, इसको भारत में वापस लाया जाए। इस बहस को चलाने वाले एक बहुत बड़े क्रांतिवीर इस देश में हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपने एक निजी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी, H.M. पटेल उनके निजी सचिव हुआ करते थे, बाद में भारत के वित्त सचिव बने, उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि सब हिसाब निकाल के अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होने नहीं दिया। कारण क्या था? नेहरू जी को लगता था कि अंग्रेजों से दोस्ती रखनी ही चाहिए, उनको नाराज नहीं करना चाहिए, उनसे दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए हर बार उसको वीटो किया उन्होंने। और चूंकि सरदार पटेल जल्दी स्वर्गवासी हो गए, इसलिए संसद में आगे इस बात को बढ़ाने वाला फिर कोई दूसरा नहीं रहा, वरना ये पैसा तो हम 1947 में ही वापस ले सकते थे और अंग्रेजों को देना पड़ता। चलो ठीक है, देर हो गई, और ये कह सकते हैं कि 47 में सरदार पटेल के बाद इतनी ताकत का कोई नेता नहीं आया इस देश की सत्ता व्यवस्था में,
नहीं तो बाद में भी आ जाता ये धन, तो आप करेंगे इस काम को, और करेंगे तो अंग्रेजों के सामने ये बात आनी ही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक साल बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद, उनको ये सारा हिसाब हमें लेना ही है कि इतना आपने टैक्स के माध्यम से लूटा, इतना ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा इस देश में से, इतना अंग्रेज अधिकारियों ने रिश्वत में लूटा, वो सारे प्रमाण हैं, और उनके प्रमाण हैं, हमारे नहीं, उनकी संसद की बहस है, हमारी नहीं, उनके अधिकारियों के लिखे हुए प्रमाण हैं, हमारे नहीं, उसको वो नकार नहीं पाए। तो ये 300 लाख करोड़ हम वापस लाएंगे, आज नहीं तो कल। हमारा तो संकल्प इतना है कि वर्तमान राजनीतिक पार्टियां और दल अगर इस पैसे को लाने में हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम नई राजनीतिक पार्टी, नए दल बनाएंगे इस देश में, उनकी मदद से इस पैसे को। इतना संकल्प हम कर चुके। दूसरा संकल्प हमारा है कि जो काले अंग्रेज पिछले 63 साल से लूट लूट कर स्विट्जरलैंड और विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं, ये धन भी हम वापस लाएं। आप बोलेंगे ये कितना है? स्विट्जरलैंड की बैंकों में अब तक हमारे नेता और अधिकारियों ने जो लूट कर धन जमा किया है वो 1,500 अरब डॉलर है, और 1,500 अरब डॉलर को आप रुपए में निकालें तो 75 लाख करोड़ रुपए निकलता है। और अभी एक नई जानकारी आई है देश में, वो ये कि स्विट्जरलैंड की बैंकों के अलावा दुनिया में कुछ और देशों की बैंकें हैं, वहां भी भारतवासियों ने धन रखा है। एक पनामा नाम का छोटा सा देश है, गिनी बिसाऊ नाम का एक छोटा सा देश है, टोबैगो नाम का एक देश है, ट्रिनिडॉड नाम का एक देश है, ऐसे दुनिया में छोटे छोटे, लीचेस्टन नाम का एक देश है, ऐसे कई देशों में भी और धन जमा है, और वो करीब 35 लाख करोड़ है, माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए आजादी के 62 साल में इन नेताओं ने लूटकर विदेशों में जमा किया है। अब आप तुलना कर लीजिए, अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा, और इन काले अंग्रेजों ने 62 साल में 110 लाख करोड़ लूट लिया इस देश। माने ये काले अंग्रेज कम खतरनाक नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है कि इन काले अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा प्रवेश कर गई, डलहौजी की आत्मा प्रवेश कर गई, इन्होंने भी बहुत लूटा इस देश को, तो इस लूट के धन को भी वापस लाना है। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा? इसके लिए भी कुछ रास्ते हैं, चार रास्ते से ये धन वापस आ सकता है। सबसे पहला रास्ता ये है कि जिन नेताओं ने, अधिकारियों ने 62 साल में ये धन भारत से लूटा है और ये विदेशी बैंकों में जमा किया है, इस पूरे धन को भारत की संसद की मदद से हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करा दें, पूरे धन को, 110 लाख करोड़ को। तो आप बोलेंगे इसका फायदा क्या है? अभी ये जो 110 लाख करोड़ जमा है अलग अलग देशों की बैंकों में स्विट्जरलैंड के साथ साथ, ये सब नेता और अधिकारियों की निजी संपत्ति के रूप में जमा है। हम उसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें संसद से कानून बनाकर, तो सारी बैंकों को ये पैसा हमें वापस देना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है वो ये कि किसी भी देश का राष्ट्रीय धन या राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश की राष्ट्रीय बैंक में जमा हो सकती है, विदेशी बैंकों में जमा नहीं हो सकती। अभी ये धन निजी संपत्ति है, व्यक्तिगत है, तो कहीं भी जमा कर दिया, फिर अगर ये राष्ट्रीय संपत्ति हो गया तो भारत की बैंकों में ही इसे रखा जा सकता है। रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, स्टेट बैंक में रख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में रख सकते हैं, महाराष्ट्र बैंक में रख सकते हैं, भारत की बैंकों में ही रखना पड़ेगा, ये नियम है। इस नियम का हम उपयोग करें अपने देश के हित में और संसद से कानून बनवाएं। कानून बनवाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। हमारी इस समय पूरी ताकत लगी हुई है कि जो संसद चल रही है इस समय उसके कुछ मेंबर्स को कन्विंस करके हम प्रस्ताव डलवाएं, और एक लाइन का प्रस्ताव, 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन भारत के बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, संसद इस प्रस्ताव पर बहस करे, फिर वोट पड़े और ये कानून पास हो जाए। जब ये प्रस्ताव संसद में आएगा, बहस होगी, तो आप जरूर टेलीविजन का स्विच ऑन करके देखना इस बहस को। हम आपको SMS से सूचनाएं भिजवाएंगे, हम TV चैनलों से सूचनाएं भिजवाएंगे, अखबारों से सूचनाएं भिजवाएंगे कि आज बहस हो रही है,
आपको हम एक ही चीज दिखाना चाहते हैं कि इस बहस में आप ये देखना कौन कौन नेता इसका विरोध कर रहा है। सूट खोलेगा मूर्खों का मूर्ख, जिस दिन शादी करने जा रहा उसी दिन सुपर इडियट बन के जाता है। और मैं अक्सर उसको कहता हूं, भाई तुमने थ्री पीस सूट और टाई पहना है, तुम्हारी धर्म पत्नी को स्कर्ट पहनाओ। पत्नी को कहेगा साड़ी पहनो और खुद थ्री पीस सूट और टाई लगा के चलेगा। पत्नी भारत की है, पति इंग्लैंड वाला है। हम कहते हैं पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं गृहस्थी के, एक पहिया ट्रैक्टर का दूसरा साइकिल का, कैसे चलेगा ये? काहे को ये अंग्रेजी भूषा पहन रखी है? भारत में इतनी गर्मी है, यहां ना सूट पहनने की जरूरत है ना टाई लगाने की। इंग्लैंड वाले टाई और सूट इसलिए पहनते हैं कि ठंड बहुत है और बार बार ठंड होती है, साल में 8 महीने ठंडी पड़ती है, बर्फ गिरती है, इसलिए वहां टाई लगाई जाती है ठंडी हवा ना जाए। और टाई उन्होंने इसलिए भी लाई है, 14वीं शताब्दी के पहले टाई नहीं थी वहां। वहां अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम होता रहता है, नाक बहती रहती है, तो जेब से वो कागज निकाल के पोंछ के रखते रहते हैं, फिर एक बार उनको लगा कि गले में ही लटका लो, उसको रखना नहीं पड़ेगा, इसलिए टाई लाई है। आप क्यों इसको लटका के घूम रहे हैं? और मुझे बहुत त्रास होता है जब छोटे छोटे बच्चों को मैं स्कूल जाते देखता हूं, एकदम टाइट टाई, 3 साल का 4 साल का बच्चा इतनी टाइट टाई कि जो नसें खून की प्रवाह को बनाने के लिए हैं वो ही बंद हो जाएं, बच्चे तो वैसे ही पागल हो जाएं। ये बंद करिए अंग्रेजी भूषा, कुछ अच्छी नहीं है। अपनी भूषा बहुत अच्छी है, धोती है, लुंगी है, कुर्ता है, पजामा है, वगैरह वगैरह, ये सब भारत की भूषा है, इनका ही उपयोग करिए। अंग्रेजी भूषा छोड़िए, अंग्रेजी भाषा छोड़िए, अंग्रेजी भोजन भी छोड़िए। पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, विचित्र विचित्र नाम है, हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, मूर्खों के भोजन कर रहे हैं। अपने पास कुछ कमी है क्या भोजन में? भारत में मैंने एक दिन सोचा, जिस दिन मेरा जन्म हुआ वो दिन से गिनकर जिस दिन मेरी मृत्यु होगी वो दिन तक हर दिन एक नया व्यंजन बना के मैं खा सकता हूं, इतनी विविधता भारत के भोजन में है। उनके पास तो ले दे के एक ही है, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, और वो भी क्या है, वो है ना पाव रोटी, बस एक पाव रोटी, एक डबल रोटी, उसी को काट के उसमें सलाद भर लो, उसको काट के उसमें कुछ भर लो, बस यही है। यूरोप के कितने देशों में पाव रोटी डबल रोटी, अमेरिका में कितने स्थानों पर पाव रोटी डबल रोटी, इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं, क्योंकि बनाना नहीं आता कुछ। गेहूं है हमारे पास, उनके पास भी है, गेहूं का आटा उनके पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन हम गेहूं के आटे से कम 70-80 चीजें बना सकते हैं। पूड़ी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, कई तरह के पराठे बना सकते हैं, कई तरह की पूरियां बना सकते हैं। यूरोप वाले एक ही चीज बनाते हैं, पाव रोटी डबल रोटी, कुछ आता ही नहीं बनाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास इसकी। भारत की आई और ताई हर घर में जो व्यंजन बना सकती है यूरोप में कोई नहीं बना सकता। हमारे यहाँ जो गरम गरम रोटी बना के खाने की परंपरा, यूरोप में तो सिर्फ सपना देखते हैं लोग उसका कि गरम रोटी खाने को मिले, सवाल ही नहीं उठता। वो तो बाजार से बनी बनाई लाते हैं और पाव रोटी 3 महीने पुरानी होती है, डबल रोटी 3 महीने पुरानी होती है, उसी को खाते हैं। सब्जी बनाना आता नहीं तो बाजार से डब्बा बंद सब्जी लाते हैं, उसको प्लेट में निकाल के ऊपर से मीट डाल के खाते हैं, दाल कोई जानता नहीं। और बाकी मिठाइयाँ इतनी तरह तरह की हम जो बना के खाते हैं, उनके पास एक ही मिठाई है, आइसक्रीम, और कुछ है ही नहीं। गरीब लोग हैं, उनके चक्कर में आप क्यों फंस गए? आपको तो मैं इतना बताना चाहता हूं, इतना बड़ा सुख है इस देश में जो किसी देश में नहीं। आप भारत में रहते हैं, घर में हर दिन नया व्यंजन बना के खा सकते हैं, वहां होटलों में भी नहीं मिलता। आप भारत में रहते हैं, हर दिन आपके घर के सामने कोई दूध वाला आएगा, भैंस लेके आएगा, गाय लेके आएगा, दूध निकाल के आपको घर में देके जाएगा। अमरीका में तो दूध लाने के लिए कम से कम 100 मील गाड़ी चला के जाना पड़े, और वो भी दूध मिलेगा तो डब्बा बंद मिलेगा, फ्रेश मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो दूध का डब्बा 7-8 दिन पुराना है।
आपके देश में कितना बड़ा सुख है, आपने कपड़े धोए, उसको इस्त्री करने के लिए कोई आपके घर के सामने आकर इस्त्री करके चुपचाप देके जाएगा। अमेरिका में तो इस्त्री करवाना दूसरों से स्वर्ग जैसा सुख है, कोई इस्त्री करने नहीं आता। इस्त्री करवाने के लिए 50 मील गाड़ी चला के जाना पड़ता है, फिर देके आना पड़ता है, एक हफ्ते में वापस मिलेगा। भाजीपाला बेचने वाला आपके घर आके देखे जाता है, भाजी ले लो, आप बोलोगे नहीं चाहिए, फिर भी कहेगा ले लो, फिर भी कहेंगे आप नहीं चाहिए, तो कहेगा चलो कुछ बात तो कर लो, भाजी नहीं लेनी है छोड़ो। आपकी पूछेगा, बच्चों की पूछेगा, अपनी सुनाएगा, बच्चों की सुनाएगा, थोड़ा आपका उसका आत्मिक रिश्ता बन जाएगा। भाजी बिके ना बिके, लेकिन आपका रिश्ता उसके साथ ऐसा पक्का हो जाएगा। यूरोप और अमेरिका में तो कोई किसी की सुनता नहीं है, वहां तो डिपार्टमेंटल स्टोर है, चुपचाप घुस जाओ मशीन की तरह से, अपनी चीजें डब्बे में रख के बाहर निकल आओ, कोई पूछेगा नहीं, कोई बोलेगा, पागल हो जाएंगे आप तो, सच बता रहा हूं। अगर अमेरिका जाके 3 महीने भी रह जाए तो पागल ही होके आएंगे, सिज़ोफ्रेनिया से कम बीमारी नहीं मिलेगी आपको वहां से आने। जो भी भारतवासी जाते हैं थोड़े दिन में परेशान हो जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। यहां तो सड़क चलता, हर आदमी आपसे बोलता है, बात करता है, वहां कोई किसी से बात नहीं करता, और गलती हो गई कुछ तो जेल हो जाती है सीधे। मेरा एक दोस्त है अमेरिका में रहता है, वो और उसकी पत्नी एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी करते हैं, IBM में। थोड़े दिन पहले उनसे एक गलती हो गई, वो भारत से गए हैं तो उनको पता नहीं अमेरिका कैसा है, तो वो मेरा जो दोस्त है पति पत्नी उनको कोई बच्चा नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, उनके पड़ोस का एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, उसने बॉल को किक मारा, सड़क पे आके बॉल गिर गई। तो मेरा ये दोस्त उसको देख रहा था, उसने बॉल उठा के बच्चे को देने के लिए ले गया, तो बच्चा दौड़ के आया, तो इसने बॉल छोड़ के उस बच्चे को उठा लिया। बच्चे की माँ ने बालकनी से देखा और उसके ऊपर केस फाइल किया, सूट फाइल किया कि मेरे बच्चे का अपहरण इसने करने की कोशिश की। अब मेरा भाई, मेरा दोस्त और उसकी पत्नी दोनों 17 साल के लिए जेल में बंद है, 17 साल उनकी जिंदगी जेल में कटेगी। अब वो मुझे कई बार कहते हैं कि हमने बहुत भारी गलती की अमेरिका आके, लेकिन अब समझ में आता है कि भारत और अमेरिका का अंतर क्या है। वहाँ पड़ोसी के बच्चे को गोद में लेने पर जेल हो जाती है, और भारत के सारे बच्चे पड़ोसी के घर में ही बड़े होकर जवान होते हैं। हमें तो याद ही नहीं है हमारे बच्चों को, वो तो पड़ोसी के घर में खाना खाते हैं, वहां खेलते हैं, वहीं सो जाते हैं, अगले दिन घर में वापस आ जाते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ। बहुत अंतर है हमारी सभ्यता उनकी सभ्यता में, हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति में, हमारी परंपरा उनकी परंपरा में, हमारी मान्यता उनकी मान्यता में। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी मान्यता, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का ध्यान रखिए। विदेशी मान्यता, विदेशी परंपरा, विदेशी संस्कृति में फंसेंगे तो ना तो भारतीय बनेंगे, ना आप उनके जैसे बनेंगे, खिचड़ी बनकर अधकचरे हो जाए। इसलिए हर स्तर पर कोशिश करिए कि आप भारतीय ही रहें। बच्चों का जन्मदिन मनाना है, भारतीय तरीके से मनाइए, अंग्रेजियत में मत जाइए। केक खरीद के लाना, फिर मोमबत्ती लगाना, फिर मोमबत्ती को जलाना, फिर फूंक मार मार के बुझाना। अब बुझाना था तो जलाया क्यों? और हमारे घर में तो जलता हुआ दीपक तब बुझाते हैं जब किसी की मृत्यु होती है, जन्मदिन हुआ कि मरण दिन, क्यों मना रहे हैं ऐसा जन्मदिन? भारतीय पद्धति का प्रयोग करिए, मंदिर में जाइए, दीपक जलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, कुछ दान करिए, बच्चों को वो परंपरा में सिखाइए, उनकी आदतें वैसी बनाइए, हर स्तर पर भारतीय बनिए। मेरी आपको एक विनम्र अपेक्षा है, भाषा में भारतीय होना, भूषा में भारतीय होना, भोजन में भारतीय होना, भजन में भारतीय होना, भेषज में भारतीय होना, औषधि वो भी पूरी भारतीय उपयोग करिए, क्योंकि जो औषधि आपके देश में पैदा हुई है वही आपके अनुकूल होगी। जो औषधि आपके यहाँ पैदा नहीं हुई है, बाहर से आई है, वो आपके अनुकूल कैसे होगी? एलोपैथी की कोई भी दवा खाएंगे, वो ठंडे देश के लोगों के लिए बनाई गई दवाएं हैं, वो गर्मी ही करने वाली हैं, और आप गर्म देश में रहते हैं और एलोपैथी खाएंगे, मर जाएंगे, इतने साइड इफेक्ट्स होंगे कि परेशान हो जाएंगे। इसलिए अंग्रेजी दवाओं में एक बीमारी जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है, जिंदगी भर हम स्वस्थ ही नहीं हो पाते और लाखों करोड़ उसमें खर्च कर देते। इसलिए दवाएं भी अपनी इस्तेमाल करिए, आयुर्वेद की दवाएं हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं, हमारे अनुकूल हैं,
हमारे वातावरण में से पैदा हुई हैं, हमारी प्रकृति को वो समझती हैं, हम उनकी प्रकृति को समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं है और आसानी से घर में उपलब्ध हैं, पड़ोस में उपलब्ध हैं। हर स्तर पर भारतीय बनिए तो ये अंग्रेजियत हमारे जीवन से चली जाएगी। एक तो अंग्रेजियत हमें शासन में से हटानी है, प्रशासन से हटानी, दूसरी अपनी जिंदगी से भी हटानी। ये दोनों स्तर पर काम होगा, अभियान चलेगा, तब जाकर एक ऐसा भारत बनेगा जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जानते हैं, शिक्षा की बात कही थी, स्वदेशी की बात कही थी, स्वराज्य की बात कही थी, और शिक्षा में सबसे पहले माध्यम की बात कही थी कि हमारी शिक्षा पूरी मातृभाषा में होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत बड़ा अभियान उन्होंने चलाया था। अब मुझे दुख इस बात का होता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के देश में जो अभियान उन्होंने कभी मराठी माध्यम की शालाओं के लिए चलाया या गांधी जी ने हिंदी माध्यम की शालाओं के लिए चलाया, अब उस देश में अंग्रेजी माध्यम की शालाएं ही शालाएं खुलती जाए, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, और हम कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बड़े गर्व से कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते। कॉन्वेंट का अर्थ तो समझ लीजिए होता क्या है, कॉन्वेंट का अर्थ है लावारिस बच्चों का स्कूल। इंग्लैंड में मैंने आपसे कहा ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, और कई बार इंग्लैंड में ज्यादातर बच्चे जो है ना बिना माँ बाप के हैं, क्योंकि 70-80% बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं। अब बिना विवाह के बच्चे पैदा होंगे तो आई वड़िल पता नहीं, तो लावारिस हैं, उनको पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं जिनकी आई नहीं, जिनके वड़िल नहीं, जिनका पिता नहीं, माँ नहीं, और उन कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है ये तुम्हारे फादर हैं, ये तुम्हारी मदर, क्योंकि असली का पता नहीं, नकली से काम चलाते। स्कूल में टीचर नहीं होते, मदर फादर होते, क्योंकि असलियत में नहीं। अब हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं और उनको भी वही मदर फादर सिखाते हैं, हमारे तो घर में हैं, फिर स्कूल में और एक हो गए। मालूम है किसी भी बच्चे की दो आई हो सकती है, दो पिता नहीं होते कभी। भगवान कृष्ण की दो आई थी, पिता एक ही थे, राम की तीन आई थी, पिता एक ही थे। हमारे भारत में दो आई हो सकती है, तीन आई हो सकती है, पिता एक ही होता है, लेकिन कॉन्वेंट में हर बच्चे के दो पिता होते हैं, दो बाप, एक तो घर वाला और एक तो स्कूल वाला फादर। और जिन बच्चों के दो बाप होते हैं उन्हीं को बास्टर्ड कहते हैं, बहुत खराब गाली है बास्टर्ड। हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेज के बास्टर्ड क्यों बना रहे, बंद करिए ना। फिर आप बोलेंगे मराठी माध्यम स्कूल नहीं है, बहुत है, हिंदी माध्यम स्कूल है, मराठी माध्यम स्कूल है, उनमें पढ़ाइए अपने बच्चों को। और अगर आप कॉन्वेंट में भेजेंगे नहीं तो कॉन्वेंट तो अपने आप बंद हो जाएंगे, आपके फीस पे चल रहे हैं, और मराठी माध्यम में भेजने लगेंगे वो और खुल जाएंगे क्योंकि वो आपकी फीस पे चलेंगे। ये तो हमारे हाथ में है कि हम किन शालाओं को बढ़ाते हैं और किन को बंद कराते हैं। कहने का मेरा एक ही मतलब है, अंग्रेजों को भगा दिया है तो इस अंग्रेजी से क्यों चिपके हुए हैं, इसको भी भगाइए, हमारी जिंदगी से हटाइए, हमारे व्यवहार से हटाइए, हमारे विज्ञान से हटाइए, तकनीकी से हटाइए, समाज में से हटाइए, न्याय व्यवस्था से हटाइए, सब जगह से हटनी चाहिए, और मातृभाषा का स्थान इस देश में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये सब करने के लिए हम भारत स्वाभिमान अभियान चला रहे हैं। आपसे मैं एक अपील करने आया, आप बोलेंगे इस भारत स्वाभिमान में हम क्या मदद करें, आपकी बहुत बड़ी मदद चाहिए, आपकी मदद के बिना ये नहीं होने वाला। अगर हम अकेले कर लेते तो मैं आपके पास नहीं आता, आपकी मदद चाहिए तब ये अभियान होने वाला है सफल। आप क्या मदद कर सकते हैं, हमको इस समय भारत स्वाभिमान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए जो हमारे सदस्य बने, हमारी ताकत बढ़े, क्योंकि हमारी ताकत राजनीतिक पुढ़ारियों से जब तक ज्यादा नहीं होगी हम कोई भी काम ये नहीं कर पाएंगे, पुढ़ारी इसको होने नहीं देंगे, और हमको ये करना है तो उनसे बड़ी ताकत हमें बनानी पड़ेगी। कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसे 48 राजकीय दल हैं इस देश में, उनकी कुल मिलाकर सदस्य संख्या 4 कोटी है। हम चाहते हैं कि हमारी सदस्य संख्या 5 कोटी हो जाए भारत स्वाभिमान, तब इन दलों को हम कंट्रोल कर पाएंगे, इनका नियंत्रण हम स्थापित करेंगे। वो 5 कोटी सदस्य आप ही हो सकते हैं। अभी तक हमारे पास लगभग 2,40,000 सदस्य हैं, जनवरी 2010 तक 11 लाख हो जाएंगे, अगले 2 वर्ष में 5 कोटी करना है,
इसके लिए परम पूजनीय स्वामी जी खुद गांव गांव निकलने वाले हैं, जिले जिले में प्रवास करने वाले। आप भी हमारी मदद करिए, हमारे इस अभियान में जुड़ जाइए। आपकी ताकत हमें बहुत बड़ा संबल देगी, मदद देगी। कैसे जुड़े? हमारे सदस्य बन जाइए, बहुत आसान है। आप बाहर जाएंगे तो स्टॉल पर एक सदस्यता फॉर्म रखा हुआ है, उसको भर के दे दीजिए। दो तरह की सदस्यता है, एक तो साधारण सदस्य है और एक विशेष। जो विशेष सदस्य बनेंगे उनको 1100 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, जो साधारण है वो 51 रुपये में। आप विशेष सदस्य बनेंगे तो क्या होने वाला है, आपको हरिद्वार स्वामी जी खुद बुलाएंगे और खुद आपको ट्रेनिंग करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, और आप भी मेरी तरह से तैयार होकर गांव गांव में फिर ये काम कर सकेंगे। और जो 51 रुपये के सदस्य बनेंगे उनको ट्रेनिंग यहीं देंगे। तो जैसी आपकी क्षमता है, जैसी आपकी शक्ति है, हमारे इस अभियान में सदस्य बनिए और 10-10 लोगों को बनाइए ताकि जल्दी से हमारा संकल्प पूरा हो। अगर कोल्हापुर में 2100 सदस्य हम तैयार कर पाएं 1100 रुपये वाले, तो परम पूजनीय स्वामी जी खुद यहाँ आएंगे, ये उनका वायदा है, ये उनका संकल्प है। तो आप अगर 2100 सदस्य पूरा करके अपना लक्ष्य कहते हैं, तय करते हैं, तो आपके यहाँ फिर से स्वामी जी आ सकते हैं और आपको प्रशिक्षण देकर इस काम में और ज़्यादा गहराई से जोड़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, ये मैं आपसे निवेदन करने आया। आप जुड़ेंगे तो दो फायदे होंगे, एक तो हमें, एक आपको। हमें फायदा ये होगा कि थोड़ा सा धन जो आप हमको देंगे वो हमारे इस ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ी ताकत है, और ये ट्रस्ट जो भारत स्वाभिमान है वो आपके ही धन से चलता है। हम बड़े उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेते क्योंकि वो हमारे ऊपर दूसरे तरह का दबाव डालते हैं। हमारा संकल्प है कि आम आदमी से, साधारण आदमी से थोड़ा थोड़ा मिले, उसी से हम काम चलाएंगे। और हमारे ट्रस्ट का ये संकल्प है कि जो भी धन आएगा वो ट्रस्ट के काम में खर्च होगा, वो व्यक्तिगत रूप से खर्च नहीं होगा। तो आप जो भी थोड़ा धन देंगे वो हमारे ट्रस्ट के काम आएगा। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी ताकत बढ़ जाएगी, और आपको लाभ ये होगा कि आप जब इस बड़े अभियान से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो गर्व से कहेंगे कि जब भारत में व्यवस्था परिवर्तन का, अंग्रेजियत को हटाने का अभियान चला भारत स्वाभिमान, तो मेरी आई उसमें थी, मेरे वड़िल उसमें थे। जैसे अभी हम कहते हैं ना, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, मेरी आई उसमें थी, मेरी आजी उसमें थी, मेरे अजोबा उसमें थे, हम बड़े छाती ठोक के कहते हैं। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि 1942 की लड़ाई में मेरी अज्जी, मेरे अजोबा दोनों जेल गए थे, और गर्व होता है। तो आपके बेटे बेटियों को भी गर्व होगा ये कहते हुए कि मेरे आजी अजोबा, मेरे आई वड़िल दोनों भारत स्वाभिमान के लिए काम करते रहे। तो आप अपने बच्चों की नजरों में हमेशा ऊंचे रहें और वो आपका सम्मान करते रहें, इसके लिए आप इस अभियान में जुड़िए। और नहीं जुड़ेंगे तो भी हमारा काम तो होने वाला है, आप नहीं जुड़ेंगे कोई और जुड़ेगा, देश का काम तो होने ही वाला है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी तो भी देश आजाद तो हुआ, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की तो भी देश आजाद तो हुआ। आप अगर नहीं जुड़ेंगे स्वाभिमान अभियान में तो भी काम तो होने वाला है, आपके बिना होगा, तब आप शर्म से अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ऐसी शर्मिंदगी आपको अपने बच्चों के सामने ना झेलनी पड़े, इसके लिए आप इस अभियान में जुड़िए, इस अभियान के साथ ताकत बनिए। पूरे देश में ये अभियान अभी चल पड़ा है, बहुत सारी संस्थाएँ, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे साधु संत इसके साथ जुड़ रहे हैं, तेजी से ताकत बढ़ रही है। आप सोचिए 6-7 महीना हुआ है अभी ये भारत स्वाभिमान बने हुए, और 2,40,000 हमारे पास कार्यकर्ता, मात्र 6 महीने, साल भर में 11 लाख होंगे, 2 साल में 5-6 करोड़ से ज़्यादा हो, इतना तेजी से बढ़ रहा है ये संगठन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सहयोग और सहकार हमें मिल रहा है। तो आपका भी सहयोग और सहकार मिले, आप इसमें जुड़ें, ये मेरी भावना है। और दूसरा निवेदन आप सबसे मेरा यही है कि जिस उद्देश्य के लिए हम समर्पित हैं, हमारा संगठन समर्पित है, वो उद्देश्य आप अपने जीवन में भी हासिल करें। हमारे संगठन का सदस्य होने वाले हर व्यक्ति को 3 शर्तें माननी पड़ती हैं। पहली शर्त ये है कि वो अपने जीवन में अधिकतम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे, क्योंकि भारत स्वाभिमान का लक्ष्य है स्वदेशी अर्थव्यवस्था बनाना, स्वदेशी कृषि व्यवस्था, स्वदेशी कानून व्यवस्था, स्वदेशी न्याय व्यवस्था, इसलिए हम स्वदेशी को मूल रखते हैं। तो पहला, आप स्वदेशी का अधिक से अधिक उपयोग करें। उस विषय पर बहुत बार मैं यहाँ आके व्याख्यान दे चुका हूँ, इसलिए आज मैंने ज़्यादा नहीं कहा है,
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्वदेशी को ही स्वीकार करना है। आप पूछेंगे पता कैसे चलेगा कौन सी वस्तु स्वदेशी है, तो उसके लिए पुस्तक बनी हुई है जीवन दर्शन, आप वो ले सकते हैं। उसमें पीछे लिस्ट है क्या वस्तुएं स्वदेशी क्या विदेशी। पतंजलि चिकित्सालय में जाकर आप सूची ले सकते हैं क्या स्वदेशी क्या विदेशी। लाना हमेशा स्वदेशी वस्तु है ताकि देश का एक पैसा भी बाहर ना जाए। अगर स्विस बैंक में पैसा बाहर जा रहा है और हमें दिल का दर्द है, तो दूसरे देशों में पैसा जा रहा है तो भी दिल में दर्द उतना ही है। इसलिए विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करें, ये पहली शर्त है। दूसरा, आप अपने जीवन में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जो भी हैं, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में है। जैसे ही घर के बाहर आप निकलते हैं, आप हिंदू नहीं, सिख नहीं, मुस्लिम नहीं, ईसाई नहीं, आप सब भारतीय हैं। हमारे भारत स्वाभिमान का चिंतन है, सोच है वो ये कि हम हमारे घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हम सब भारतवासी हैं, भारतीय हैं। इस भावना से हमें काम करना है ताकि समाज हमारा धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ना बटे। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है वो ये कि आप सब योग सीखें, प्राणायाम सीखें, अपने को स्वस्थ बनाएं और दूसरों को स्वस्थ बनाने में मदद करें। प्राणायाम का बहुत बड़ा अभियान पिछले कई वर्षों से चल रहा है। आस्था चैनल पर स्वामी जी रोज़ सुबह 5 से 7:30 सबको सिखाते हैं। आप भी चैनल खोलिए, देखिए, सुनिए, सीखिए और सीखने के बाद दूसरों को सिखाइए। यहाँ कोल्हापुर में हमारे बहुत सारे योग शिक्षक हैं जो निःशुल्क कक्षाएँ लगाते हैं प्राणायाम सिखाने के लिए। आप उनसे संपर्क कर लीजिए, आप प्राणायाम सीख लीजिए। दो फायदे होंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, परिवार के लोगों को स्वस्थ बनने में मदद करेंगे। हमारे देश में हर साल बीमार लोगों का इलाज करने में 6.5 लाख कोटी रुपए बर्बाद होता है। अगर हम सब स्वस्थ हो जाएं तो 6.5 लाख कोटी रुपए देश की बचत कर सकते हैं। कितना बड़ा अमाउंट है 6.5 लाख कोटी, भारत सरकार के टोटल टैक्स कलेक्शन से बड़ा अमाउंट है ये। टैक्स इकट्ठा होता है 6.25 लाख कोटी का, हम चिकित्सा पे खर्च कर देते हैं 6.5 लाख कोटी, और वो फालतू बीमारियों पे, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, जो आसानी से ठीक होने वाली बीमारियां, एक पैसा भी जिसमें खर्च नहीं होता है, सिर्फ श्वास को ध्यान में रखना पड़ता है, प्राण को ध्यान में रखना पड़ता है, निःशुल्क ठीक होती हैं। और ऐसी बीमारियां जो कहीं ठीक नहीं होती वो प्राणायाम में ठीक होती हैं। तो आप थोड़ा प्राणायाम योग सीख लीजिए, दूसरों को सिखा दीजिए, ये तीसरी शर्त है। इन तीन शर्तों को जो भी मानेगा वो भारत स्वाभिमान का सदस्य बन सकता है। आपके लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इन शर्तों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, दूसरों को उतारने में मदद कर सकते हैं। ये मेरी आपसे विनम्र अपेक्षा है। तो मैं आपसे यही कहने आया, हमारे अभियान से जुड़िए, इसके सदस्य बन जाइए, स्वदेशी का अपने जीवन में पालन करिए, मातृभाषा को सम्मान दीजिए अपने जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में। भाषा, भूषा, भोजन, भेषज सब स्वदेशी अपनाइए, सब भारतीय अपनाइए, और दूसरों को इस मामले में सजग करते जाइए, जागरूक करते जाइए। तो एक दिन ये देश वैसा ही बनेगा जैसा हमारे शहीदों ने सोचा था। भगत सिंह का सपना था, ऊधम सिंह का सपना था, चंद्रशेखर आज़ाद का सपना था, लोकमान्य तिलक का सपना था, गांधी का सपना था, एक स्वदेशी भारत बने, समृद्धशाली भारत बने, गरीबी मुक्त भारत बने, बेरोजगारी मुक्त भारत बने, सारी दुनिया जिस भारत का सम्मान करे ऐसा भारत बने, सारे भारत के लोग अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करें ऐसा भारत बने, अंग्रेजों के कानून खत्म हो, अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो, ऐसा भारत बने। वो सारे के सारे भारत को बनाने की अब जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। ईश्वर हमें मदद करे, ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। आप सबको ईश्वर इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि आप इस संकल्प को पूरा करने में लग जाएं। हम सब मिलकर इस देश को एक नया देश बनाएं, यही भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने जो कुछ सुना है वो दूसरों को सुनाएं, ये मेरी विनम्र अपेक्षा है। और जो बातें मैंने कही हैं, इन बातों को अगर बार बार सुनना हो, बार बार दूसरों को सुनाना हो, तो कुछ मैंने CD बनाई है, MP3 मेरे व्याख्यानों की, बाहर आप जाके स्टॉल से ले सकते हैं। कोई भी CD पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। आप एक CD ले लीजिए, दो ले लीजिए, उसकी 50 कॉपी बनाइए, 100 बनाइए, 1000 बनाइए, लोगों में बांटिए। मैं कभी आपके खिलाफ मुकदमा करने नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ ज्ञान किसी का नहीं है, ज्ञान सभी का है। ये अलग बात है कि मैंने 20 साल मेहनत करके कुछ ज्ञान अर्जित किया,
वो आपको मैंने 2 घंटे में दे दिया, अब आप किसी और को ये दे दीजिए, वो किसी और को दे दे, वो किसी और को दे दे। ज्ञान ऐसे ही फैलता है, और ज्ञान जितना फैलता है अंधकार उतना कम होता है, त्रासदी उतनी कम होती है। ज्ञान के फैलने से ही उदय होता है हर चीज़ का। तो भारत का ये ज्ञान जो मैंने आपसे बांटा, शेयर किया, वो आप दूसरों को बांटें, शेयर करें। उसके लिए सीडी ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, करा के दूसरों को बांट सकते हैं। और हमारे इस अभियान का सदस्य बनने के लिए फॉर्म है, वो भर सकते हैं और घर ले जाके भर के चिकित्सालय में जमा कर सकते हैं। इस